What's up वीसीएन क्या हाल चाल? दिस इज योर साक्षी मैम एक बार फटाफट फड़ से मुझे चैट्स में हाय बोल दो ठीक है ना हाँ वो हाई फाइव पिंक कलर के मुझे दे दो ताकि मुझे पता चल जाए whether i am live or not तो भाई साहब स्टार्ट करते हैं आज का एक बहुत ही खतरनाक यस yes, मेरी आवाज आ रही है मैं लाइव भी हो तो भैया आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बुनियाद सीरीज का एक अगला वन शॉट जहां पर हम कंप्लीट करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मैं ही पढ़ाने वाली हूँ ठीक है मैंने अपना नाम भी नीचे लिख दिया है चलिए सो फाइनली यस 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 फाइनली मैम इज हियर तो सब बढ़िया है लाइफ अच्छी चल रही है चंगी ऑल गुड चलिए तो भैया आज जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का चैप्टर है देखो मैंने मतलब हमने बहुत सारे है ना बुनियाद के सेशंस लिए बट uh, मैंने इलेवेंथ के भी लिए हैं सारे और ट्वेल्थ के भी मैंने आपके साथ ऑलमोस्ट सारे ही ले लिए आज एक सेकेंड लास्ट चैप्टर है कल एक आखिरी चैप्टर बचा है देखते हैं कल करेंगे या जैसे ही टाइम मिलता है है केमिकल एक चैप्टर इसके बाद हमारे पूरी एनसीआरटी चाहे कक्षा ग्यारहवीं की हो चाहे कक्षा बारहवीं की एनसीआर हो हमने सारी की सारी कंप्लीट कर डाली बट जो कल हमारा वन शॉट हुआ था ना डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का भाई साहब वो मतलब अब तक का सबसे धमाकेदार सेशन था उसका रीजन यह है क्योंकि वो चैप्टर इतना प्यारा था मतलब उस चैप्टर से डायरेक्ट पॉइंट बाय पॉइंट हमारे सवाल पेपर में आते हैं एंड जिस तरीके से कल हमने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को एकदम खत्म कर दिया था मतलब उसको खत्म ही कर दिया था ना आज हम इस चैप्टर को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एकदम खत्म कर देंगे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ अगर आप इस सेशन को अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए देख रहे हैं या अगर आप इस सेशन को नीट के लिए देख रहे हैं जितने भी हमारे नीट एक्सपेरेंट्स हैं या फिर अगर कोई जेई एक्सपेरेंट है और वो इस सेशन को देख रहा है मैं तीनों ही बच्चों के लिए बड़े ही मुद्दे की बात आपको बताती हूँ आजकल के पेपर के ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो हमारे सी एफ टी हो गए वी बी टी हो गए वर्नर्स थियरी हो गए इन तीन चीज़ों से और एक चौथा टॉपिक है मेटल कार्बोनेट इन चार चीज़ों से ना मतलब लिटरली पेपर में सवाल आता ही आता है अब हो सकता है किसी पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग वो मैच द फॉलोइंग आ जाए हो सकता है आपके बोर्ड्स के पेपर के के पैटर्न अकॉर्डिंग वो सब्जेक्टिव सवाल आ जाए या फिर हो सकता है आपके नीट के पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके पास चार ऑप्शन हो जिसमें से एक सही आंसर बताना है तो पैटर्न पेपर का कुछ भी क्यों ना हो बट जो चीजें आज हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर वो हम इतनी बारीक बारीक, बारीक भाई जो भी एनसीआरटी में लिखा होगा ना उसको हमें बिल्कुल खत्म कर दूंगी मतलब विल डू इट फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट तो आज ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है तो जिन्होंने ठीक है वेन इज केमिकल काइनेटिक्स प्रोबेबली केमिकल कानेटिक्स कल ही करेंगे है ना मतलब मैं चाहती हूँ कि इस वीक तक यानी कि कल वीकेंड ही है हमारा तो कल हमारा पूरा का पूरा यूपीएससी के लिए नहीं देख सकते यार अब यूपीएससी में कोई केमिस्ट्री करता हो हो है है ना उसको रिक्वायर्ड तो वो देख ले बाकी जितना मुझे पता है, मेरे ख्याल से यूपीएससी के लिए कम लेवल का हो जाएगा मुझे नहीं पता यार यूपीएससी के पेपर में जो ऐसे नहीं होता यूपीएससी में भी एक वो आपके वो लेना होता है ना एक सब्जेक्ट वाला भी आपका पेपर होता है उसमें कैसे सवाल आते हैं मुझे आइडिया नहीं है देखो जिस बात का मुझे पता नहीं उस बात को मैं क्यों ही बोलूँ ठीक है चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड है हाँ ना वापस ए मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देती हूँ ये हमारा स्टाइल है पढ़ने का पढ़ाने का पहले हम देख लेते हैं कि हमें कितने पन्ने कंप्लीट करने हैं छोटा चैप्टर है आज तो 47 पन्ने कंप्लीट करने हैं कहने का मतलब पांच हिस्सों में क्लासेस चलेंगी एक हिस्से में हम वन टू टेन करेंगे फिर इलेवन टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन टू थर्टी थर्टी वन टू फोर्टी फोर्टी वन टू फिफ्टी तो ये सारे के सारे चैप्टर को हम पांच हिस्से में कंप्लीट करने वाले हैं और ये भी बता देती हूँ जैसे ही हमारे दस पन्ने हो जाते हैं फिर हम थोड़ी सी बातें करते हैं चिटचाट करते हैं ठीक है कन्वर्जन्स का वीडियो भी है बनाना चालू कर दिया बट टाइम तो मिलना चाहिए ना मुझे विकीम है कन्वर्जन के वीडियो भी आपके साथ लूँ तो ये एनसीआर के वन शॉट कंप्लीट करो उसके बाद फिजिक्स के लिए भी कुछ आपके लिए प्लान कर रखा है तो बहुत जल्दी आपके फिजिक्स के भी कुछ सेशन यहाँ पर आ, हम करेंगे सो so दैट आप बच्चों को मैक्सिमम uh, जो बेनिफिट है वो मिल सके ठीक है तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब हमारे इस छोटू से प्यारे से चैनल को बहुत सारा प्यार करना शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ तो जितने भी बच्चे है ना बोर्ज के लिए या नीट के लिए भी पढ़ाई कर रहे हैं अपने उन दोस्तों के साथ भी डेफिनेटली शेयर कर दो ठीक है

चाहे आप नीट एस्पेरेंट हो या जेई एस्पेरेंट हो या बोर्ड एस्पेरेंट हो मतलब आप कोई भी स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड देने वाले हो अगर आपके पेपर में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक चैप्टर है तो इतना करके जाना कंपल्सरी है अब आप नीट एस्पेरेंट हो तो इतना करने के बाद नीट के पीवा लगाओगे आप जेई एस्पेरेंट -E हो इतना करने के बाद जेई -E में किस तरीके के सवाल आते हैं उनकी प्रैक्टिस करोगे आप बोर्ड एस्पेरेंट हो आप बोर्ड का पेपर देने वाले हो ट्वेल्थ ही हो है ना कोई भी स्टेट बोर्ड का पेपर दे रहे हो इतना कंपल्सरी है इतना करने के बाद जिस तरीके के सवाल सैंपल पेपर में गिवन है जिस तरीके के बाद अच्छा वो तो जो बोर्ड्स वाले बच्चे वो तो इंटेक्स क्वेश्चंस करेंगे जो टेक्स्ट बुक में लास्ट में क्वेश्चंस दे रखे होते हैं वो करेंगे मतलब आप रिस्पेक्टिवली अपने अपने एग्जाम के जो तरीके हैं जिस तरीके से, 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 से पढ़ाऊंगी चौथा सवाल ये होता है मैम हमें कुछ नहीं आता तब भी हम सेशन अटेंड कर सकते हैं बिल्कुल करो और इतनी मैं गारंटी देती हूँ तुमने आज तक जहां पर भी पढ़ रखा होगा ना ये चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तुम्हें उससे ज्यादा फील आ जाएगी आज के तीन साढ़े तीन घंटे के सेशन में बारीक से बारीक चीज सस्ती से सस्ती मुश्किल से मुश्किल चीज जितनी एनसीआरटी में गिवन है उसको हम खत्म कर देंगे दोबारा आपको खुद से एनसीआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो अब हम अपने सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं आ, सबसे पहली स्लाइड आप सबकी कंप्यूटर स्क्रीन पर यह बताने के लिए, लिए लिखी गई है कि आज चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अब ध्यान से देखिए वंस अगेन मैंने सारी पूरी एनसीआरटी आपके लिए मार्क कर दी है जहां पर जो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब कुछ मार्क कर दिया है सामने देखिए पहली बात तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है ये सवाल पेपर में नहीं आता बट ठीक है अपने को पता होना चाहिए कह रहे इन द प्रीवियस यूनिट आपने ये सीखा कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं इन विच द मेटल एटम आर बाउंड टू अ नंबर ऑफ एनायंस जो मेरा सेंट्रल मेटल एटम है वो बहुत सारे एनायंस से या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद तो पिक्चर दिमाग में क्लियर होनी चाहिए मेरे पास एक कोबाल्ट है या निक्कल टूप्लस है या एफी टू प्लस है उसके ऊपर कोई ना कोई न्यूट्रल या एनाइनिक चीजें आकर के चिपक रही हैं अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही हैं उस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं अब ये सवाल ये निककी सी लाइन है एनसीआरटी की लाइन है आपको मैं बताना चाहूंगी बायो वाले बच्चों को तो ये रटी हुई होती है जो जेई वाले बच्चे है जो बिटस वाले बच्चे हैं उनके पेपर में ये सवाल पूछ लिया जाता है देखिए क्लोरोफिल हीमोग्लोबिन एंड बी ट्वेल्व ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है हमारा मैग्नीशियम हीमोग्लोबिन के अंदर होता है आयन और विटामिन बी ट्वेल्व किस कंपाउंड है कोबाल्ट का ये पूछा गया था कि विटामिन बी ट्वेल्व में सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है आंसर था कोबाल्ट तो ये पता होना चाहिए आगे देखते हैं

कह वर्नर प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी वैलेंस वर्नर ने कहा देखो भैया किसी भी कंपाउंड में किसी भी कॉम्प्लेक्स में एक प्राइमरी वैलेंस होता है और एक होता है सेकेंडरी वैलेंस किसी भी मेटल आइन का अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे यार प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंस क्या होता है तो समझते हैं कह जो बाइनरी कंपाउंड है सच है सी आर थ्री सीओ टू या पी टू इनकी जो प्राइमरी वैलेंसी है प्राइमरी वैलेंसी का मतलब आपको चुपचाप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया ये मैं बता रही हूं प्राइमरी वैलेंस का मतलब आप बस इतना सोचो प्राइमरी वैलेंसी का मतलब आप सिंपल सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट पता करेंगे बस इतनी लाइन याद रखो इतनी ही लाइन से आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि प्राइमरी वैलेंसी मतलब सेंट्रल मेटल लाइन की ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे CrCl3 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है थ्री तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई थ्री COCl2 के अंदर प्राइमरी वैलेंसी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है टू तो प्राइमरी वैलेंसी टू PdCl2 के अंदर ये पीडी की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है प्लस टू तो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई ये वर्नर ने वन मोल सीओ सी एल थ्री डॉट सिक्स अमोनिया लिया पता चला यार ये तो येलो कलर का था और जब इसकी एजीसीएल के साथ रिएक्शन कराई तो हमें पता चल गया मोल बन रहे हैं यही सवाल आपके एमसीक्यू में, में कन्वर्ट करके पूछ लिया जाता है तो ध्यान से सुनना कह रहा अगर मेरे पास एक येलो कलर का कंपाउंड था और उसको एजी NO3 के साथ रिएक्शन कराने पर मान लो इसकी रिएक्शन मैंने AgNO3 के साथ कराई तो मुझे पता चल गया यार मेरे तीन मोल AgCl के बिन रहे हैं तो जब भी आपके तीन मोल AgCl बनेंगे आप कंपाउंड की शक्ल कुछ ऐसे रखेंगे सेंट्रल एटम लिखेंगे कोबाल्ट लिख दिया फिर लिखेंगे छे अमोनिया आपने सराउंडिंग में कितने अमोनिया लगाने हैं छे और क्योंकि तीन AgCl बन रहे हैं तो डब्बे के बाहर डॉट थ्री सी एल आप लिखेंगे है ना डब्बे के बाहर देखो इतने पे ये थ्री पॉजिटिव बनेगा तीन सी एल आप बाहर रखेंगे ये देखो कह रहे येलो कलर के कंपाउंड का फॉर्मूला ये होगा आगे देखो कह रहे मान लो आपके पास ये कंपाउंड है ये पर्पल कलर का था ये दो मोल एजीसीएल दे रहा है अगर ये दो मोल एजीसीएल दे रहा है मतलब डब्बे के बाहर दो सीएल आएंगे यानी कि डब्बे के अंदर क्या हो जाएगा पांच मेरे अमोनिया हो जाएंगे और एक मेरा सीएल हो जाएगा कहने का मतलब जितने मोल ए बन रहे हैं उतने सी बाहर होंगे उतने बाहर रख के अंदर अपने आप चेंज कर लेना ये हमारा फॉर्मूला ये क्या लिखा हुआ ये मैं नहीं समझा रही मतलब ये यही चीज जो मैं बोल रही हूँ वही वो इंग्लिश में लिख रखी है बस मेरे को ज्यादा इंग्लिश आती नहीं इसलिए मैं अपनी लैंग्वेज में तुम्हें समझा दिया मान लो कह रहे है, ये एक वायलेट कलर का कंपाउंड है इसने एक मोल ए दिया तो अब इसको लिखोगे क्या पहले डब्बा कितने ए जी सी एल बन रहे हैं एक तो एक सीएल को बाहर ले आओ तो कोबाल्ट पे कितना लगा होगा चार अमोनिया लगे होंगे और दो क्लोरीन लगा होगा तो इस वाले कंपाउंड का फॉर्मूला है सीओ सी एल टू एन एच थ्री होल फोर सीओ सी एल टू एन एच थ्री होल फोर यहाँ पे पॉजिटिव यहां पर माइनस वर्नर प्रपोज द टर्म सेकेंडरी वैलेंसी फॉर द नंबर ऑफ ग्रुप्स विच आर डायरेक्टली अटैच टू मेटल लाइन और इन सब में जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो है सिक्स अब ये तुम्हारे ऊपर से गया तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी है अब मैं तुम्हें अपनी तरीके से बताती हूँ ठीक है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है सुनो मेरी बात ध्यान से कह रहे जब वर्नर आया तो वर्नर ने किसी भी कॉम्प्लेक्स कौम, के लिए दो तरीके की वैलेंसी डिफाइन करी एक डिफाइन किया प्राइमरी वैलेंसी एक डिफाइन किया सेकेंडरी वैलेंसी तुम अपने दिमाग में बस इतना सोचो प्राइमरी वैलेंसी का मतलब है जो भी मेरे सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर जो आप निकालेंगे वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है सेकेंडरी वैलेंसी मतलब किसी भी सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर ले हो अब ये पंगा हो गया कि मैम कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है अब देखो ये एनसीईआरटी इस तरीके से डिजाइन कर रखी है कि पहले ये आपको वर्नर थ्योरी सिखाते हैं बट मतलब अगर मैं आपको लेट्स से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ाऊंगी तो मैं वर्नर थ्योरी शुरू में नहीं सिखाती शुरू में हम ये सारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी ये सारी चीजें पहले हम डेफिनेशन करते हैं उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि यार ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बिकॉज दिस इज शॉर्टकट अब कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे ख्याल से इतने भी वो तो होने की कभी सुन नहीं रखा कुछ तो पता ही होगा जिनको नहीं पता उनको भी अभी समझा देते हैं ध्यान से देखो कह रहे कोऑर्डिनेशन देखो इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल जो है वो दो टाइप के लिंकेज शो करता है एक प्राइमरी एक सेकेंडरी कह रहे द प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉर्मली आयोनाइजेबल पता होना चाहिए मेरी जो भी प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं वो आयोनाइजेबल होती हैं एंड आर सेटिस्फाइड नेगेटिव जनरली जो हमारी प्राइमरी वैलेंसीज होती है वो नेगेटिव आइंस उनको सेटिसफाई करते हैं कह रहे हैं ये जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं ये नॉन आयनाइजेबल होती हैं कई बार सिंपल आपको डिफरेंसेस लिखने को पेपर में दे दिया जाता है कई बार स्टेटमेंट वन टू के सवाल दे दिए जाते हैं करेक्ट इन करेक्ट ट्रू फॉल्स के सवाल आ जाते हैं कि चार ऑप्शन मतलब चार स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा टी टी एफ एफ टी 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 एफ समथिंग लाइक दिस ऐसे आ जाते हैं क्या है तो जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती है वो आयनाइज़ेबल नहीं होती आयनाइजेबल का मतलब आयनाइजेबल मतलब जैसे ये बाहर मैंने दो क्लोरीन लगा दिए तो ये जो दो क्लोरीन है ये पानी में डालने से टूट जाएंगे इस पे टू पॉजिटिव आ जाएगा और दो सी एल माइनस निकले तो ये पानी में डालने से टूट गए अलग हो गए इसको बोलते हैं आयोनाइजेबल जबकि इस डब्बे के अंदर जो भी था पानी में डालने के बाद डब्बा नहीं टूटा डब्बा एस सच रह गया इसको बोलते हैं नॉन आयोनाइजेबल आगे देखिए दीज आर सेटिसफाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसीज है या तो न्यूट्रल या एनाइनिक लीगेंस देखो दीज आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आय द सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इज अ फिक्स नंबर फॉर एनी मेटल सेकेंडरी वैलेंसी किसके इक्वल होती है इट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर अब एनसीईआरटी वाले बताते बताते बता देते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर है अब ये नहीं बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है तभी मैंने कहा था मतलब मैं अपने तरीके से कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊंगी तो पहले मैं यहां से स्टार्ट करती बट अभी हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं इसीलिए जो ये कह रहे हैं है ना इनकी बातें सराखों पर हम रख लेते हैं गया आगे देखिए कह द आयंस और ग्रुप्स आर बाउंड बाय अरेन्जमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर अब वो कह रहे हैं कह रहा है मान लो आपने सेंट्रल मेटल आयन के अराउंड छ मॉलिक्यूल्स चिपकाए जिनको लीगेंड्स बोलते हैं या चार चिपकाए कह रहा अपनी मर्जी से कहीं पे भी नहीं चिपका सकते एक पर्टिकुलर स्पेशल अरेंजमेंट है कि छह अगर आएंगे तो ऐसे ही आएंगे चार अगर आएंगे तो एक पर्टिकुलर फैशन में ही आएंगे एक पर्टिकुलर स्पेशल अरेंजमेंट में आएंगे अब ध्यान से देखो कह रहा इन द मॉडर्न फॉर्मुलेशन सच स्पेशल अरेंजमेंट आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा अब दिक्कत की बात ये होती है आप बच्चे जेई नीट के लिए पढ़ते हैं है ना आपको डेफिनेशन से कोई मतलब होता नहीं तो ये वो बच्चों की मैं बात कर रही हूँ जो पूरे हमेशा से जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स आने से पहले उनको डर लगता है उनको बोर्ड एग्जाम्स में नंबर नहीं मिलते क्यों क्योंकि उनको हमेशा ये लगता है यार ये कौन मतलब तुम्हें पता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या है मैं मानती हूँ यू you नो know.

और कोऑर्डिनेशन एंटिटीज और कॉम्प्लेक्सेस एंड द आयंस आर आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट ये जो आयन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होते हैं इनको हम काउंटर आयंस के नाम से भी जानते हैं आर नोन एज काउंटर आयंस अब दिमाग लगाते हैं ध्यान से देख ये देखो ये सवाल बड़ा ही प्यारा सा सिंपल सा सवाल है बट ऐसा सवाल बिल्कुल इसी सवाल को रिफ्रेम करके आपके पेपर में पूछा जाता है सवाल यही है सवाल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही है बस उसको रिफ्रेम कर देते हैं

जीरो एक भी एजीसीएल प्रेसिपिटेट नहीं हुआ और अगर एक भी एजीसीएल प्रेसिपिटेट नहीं हुआ कहने का मतलब जो भी आप करोगे सारे के सारे जो आपके हैं वो अंदर ही लाई करेंगे भाई तुम जो भी कर लो आपके सारे के सारे क्लोरीन अंदर ही होंगे बाहर एक भी क्लोरीन नहीं है सेंट्रल मेटल आयन लिखो प्लेटिनम कितने क्लोरीन है चार और पांच और एक छे सीएल सिक्स हो गया अब मैंने कहा मैम मान लो अगर मुझे यहाँ पर एच लगाने हैं तो मेरे पास दो एच है तो मेरे पास कंपाउंड हो गया एच टू पीटी सी एल सिक्स तो अब यहाँ पर प्लेटिनम को अंदर कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं छे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया छे यानी कि इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई सिक्स सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई सिक्स कौन सा कंपाउंड था थ्री थ्री का आंसर है सेकेंडरी वैलेंसी सिक्स इन्होंने पांच एग्जाम्पल देना पांच के पांच एग्जाम्पल इतने ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है कि डायरेक्ट आपसे ऐसे ही सवाल पेपर में पूछे जाएंगे ठीक है क्या लिख रहे हो ठीक है हाँ ओके डन चलो बढ़िया आगे देखते हैं कह रहे द डिफरेंस बिटवीन अब डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स ये तो हमने ये करके देखना एक मैंने कराया है जो मुझे ऐसा लगा कि तुमसे नहीं बनेगा वो मैंने कराया बाकी के चार तुम खुद से करोगे और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैम सब कुछ करके दिखाए तो भाई तुम फिर कोई स्पून फीडिंग नहीं चल रही है पेपर में तभी मजा आता है पेपर में सवाल तभी बनते हैं जब कम से कम तीन चार सवाल तुम खुद के करके जाते हो एक आई टोल्ड यू बाकी के चार तुम खुद करोगे आगे देखिए कह रहे डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में क्या फेर है अब मैं आपको सिंपल सी बात बता देती हूँ यहां से डबल सॉल्ट का फॉर्मूला पोटैश आलम का फॉर्मूला पेपर में कितनी बार पूछा जाता है जबकि एज सच डबल सॉल्ट सो कॉल्ड मेरे सिलेबस में इतनी डिटेल में है भी नहीं फिर भी एनसीआर में दे रखा है तो पूछ लेते हैं बोथ द डबल सॉल्ट एज वेल एज कॉम्पलेक्स आर फॉर्मड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स इन स्टोशोमेट्रिक रेशियो कह रहे मान लो मुझे कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है या मुझे कोई डबल सोल्ट बनाना है मैंने दो अच्छे अच्छे सोल्ट को लिया दो या तीन ले लो एक पर्टिकुलर रेशियो में उनको मिला दो कह रहे देखो हाउ एवर द फैक्ट दैट डबल सोल्ट सबसे पहले ये अभी रिसेंटली पेपर में पूछा गया सवाल है कार्नेलाइट अब इसका फॉर्मूला ही बच्चों को नहीं पता होता के सी एल डॉट एम जी सी एल टू डॉट सिक्स एच टू इसका नाम है कार्नेलाइट स्पेलिंग चेक कर लेना के सी एल डॉट एम जी सी एल टू डॉट सिक्स एच टू के सी एल एम जी सी एल टू डॉट सिक्स एच टू अब ये सिलेबस में है क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दूसरा नाम है मोर सॉल्ट एफ ई एसओ फोर डॉट एन एच फोर ट्वाइस एसओ फोर डॉट सिक्स एच टू तीसरा नाम है पोटाश के टू एसओ फोर डॉट ए एल टू एसओ फोर थ्राइस डॉट ट्वेंटी फोर एच टू ये हम लिखते हैं इन्होंने कम दे रखा है मैंने इसका पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दिया के टू एसओ फोर डॉट ए एल टू एसओ थ्राइस डॉट ट्वेंटी फोर एच टू ओ ये तीन हमारे सॉल्ट है कह रहे अगर आपने इसको पानी में डाला तो जब आप इसको पानी में डालेंगे आपके पास K प्लस आएगा सी एल प्लस आएगा आपके पास एम जी प्लस टू प्लस आएगा सी एल माइनस आएगा मतलब ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया के प्लस की Cl- माइनस की Mg2+ टू प्लस की सबकी प्रॉपर्टी शो करेगा ऐसे सॉल्ट को बोलते हैं डबल सॉल्ट। वो कह रहे मान लो आपके पास एक कंपाउंड है चलो यहीं से एक सवाल पूछती हूँ जल्दी से इस कंपाउंड की प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का आंसर दो जल्दी से इस कंपाउंड की प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का आंसर दे दो फटैक्स से इस कंपाउंड की प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का आंसर कैसे निकालेंगे मैं ये पूछ रही हूँ इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी निकालो मैम ने सिखाया था अब कई बच्चे ये सोचते हैं जितने अनायन है उतनी प्राइमरी वैलेंसी कुछ दिमाग नहीं लगाना मैंने क्या सिखाया मैंने केवल इतना सिखाया प्राइमरी वैलेंसी के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो तो यहाँ पर फोर पॉजिटिव है ये फोर माइनस बन गया एक्स माइनस सिक्स इज माइनस फोर एक्स की वैल्यू प्लस टू मतलब मेरी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है प्लस टू चमका मेरी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है इस एफी को कितने लीगेंड मतलब कितने मॉलिक्यूल्स आकर छिपके हैं तो मेरी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई विल बी द आंसर ये 4, वाले जरा दिमाग लगाओ फोर चेक करो, चेक करो. चमक गया ये नहीं की मैम देखो ये भी मैंने किसी बच्चे से ही सुना है ठीक है वो बच्चे ने है हाँ ना बच्चे ने एक बार मेरे को बोला मैम देखो जो भी डब्बा होता है डब्बे पे जो भी चार्ज होता है प्लस माइनस वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है नहीं मेटल के ऊपर जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है आंसर है टू सिक्स जब आप K4Fe(CN)6 सिक्स को पानी में डालोगे ना तो ये पोटेशियम तो अलग हो जाएगा मगर ये डब्बा टूटेगा नहीं यानी कि यहाँ पर ये डब्बा अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा डब्बे के अंदर वाले आयंस पानी में डिसोसिएट नहीं होंगे इस तरीके के सॉल्ट को क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जबकि डबल सॉल्ट के केस में सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स से जो आयंस थे वो अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं अब ये वर्नर की कहानी दे है ये तुम पढ़ लेना इसमें से सवाल नहीं बनता अब मतलब मैं चैप्टर को शुरू यहां से करती हूँ

तुम ये वर्ड पढ़ो कोऑर्डिनेशन एंटिटी सेंट्रल एटम लीग ठीक है ये सारे कोऑर्डिनेशन नंबर ये जितने भी टर्म्स आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा आपको लगेगा अरे ये तो टाइम पास है है ना ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन फिर एक अगला है होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस आपको लगेगा यार ये कुछ नहीं है मगर अगर आपके बोर्ड के एग्जाम्स में वो जो वन मार्कर सवाल आता है ना वो तुमसे नहीं बनता क्योंकि मैं तुम्हें लिखना ही नहीं आता एक बार पढ़ लो मैं ये नहीं कह रही रट्टे मारो बट एटलीस्ट पढ़ो देखो कह रहे कोऑर्डिनेशन एंटिटी अ सेंट्रल एटम और आयन बॉन्डेड टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल मेरे पास बस एक सेंट्रल जो ये डब्बा होता है ना इस डब्बे को कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं डब्बा दिस डब्बा डब्बे के अंदर आपका सेंट्रल मेटल आयन और आपके लीगेंट बात खत्म इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी देखो कह क्या सीओ सी एल थ्री एन एच थ्रीन इज कोबाल्ट आयन इज सराउंडेड बाय थ्री अमोनिया मॉलिक्यूल एंड थ्री क्लोराइड मॉलिक्यूल फिर दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे NICO4. ये तीसरा एग्जांपल हो गया ये डब्बे पे चार्ज है ये डब्बे पे प्लस थ्री तो चाहे आप इसको ऐसा लिखो वन सेकेंड आप इसको इस तरीके से समझो चाहे मेरे पास एक डब्बा हो मेरे डब्बे पे पॉजिटिव चार्ज हो मेरे डब्बे पे नेगेटिव चार्ज हो ये क्या कहलाएगा कोऑर्डिनेशन एंटिटी अब वही डेफिनेशन को मैंने सामने लिखना सिखा दिया ये चमक गया होगा है ना ओके अब ये जितने भी बच्चे हमारी क्लास में स्पैम कर रहे हैं बच्चे मैं आपको एक चीज बता देती हूँ ठीक है मैं एक बार ये लाइन बोल रही हूँ एंड अब दोबारा ये लाइन नहीं बोलूंगी दो ही तरीके के स्पैम मैं अभी क्लास में देख रही हूँ मैम ये स्टार्ट कर दो ये स्टार्ट कर दो अगर तुम स्पैम करोगे ठीक है मैं लिटरली तुम्हारी बात मानने वाली नहीं हूं मतलब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा तुम क्या स्पैम कर रहे हो क्योंकि एक चीज वो होती है जिसको हम बोलते हैं डेकोरम है ना अब तुम सोचो कि तुम ऑफलाइन क्लास में हो टीचर वहां पे पढ़ा रहा है ठीक है और टीचर कुछ पढ़ा रहा है क्या तुम बारी बारी एक घंटी लेके जाते हो अपने हाथ में की घंटी बजाई जा रहे बजाई जा रही है टीचर पढ़ा रहे नहीं हम घंटी बजा रहे हम घंटी बजा रहे ऐसा नहीं करते ना एक डेकोरम मेंटेन करते ना कि भाई टीचर पढ़ा रहा है चलो उसको पढ़ाने दो जब टीचर कहेगा अब तुम अपने डाउट्स पूछो अगर लिटरली कोई है ना एक कोई डाउट है डाउट है तुम पूछो तब तब टीचर भी तुम्हारी सुनेगा अब तुम बताओ मेरे लिए ये कैसा पॉसिबल है कि मैं पढ़ाते पढ़ाते यहाँ स्पैम का आंसर दू वो मेरे बस की बात नहीं है ना और एक बच्चे का भला करने के लिए मैं इतने बच्चों का नुकसान नहीं कर सकती ना वो मुझे ही पाप चढ़ेगा चाहे तुम किसी ढंग की चीज के लिए स्पैम कर रहे हो या जैसे हमारी क्लास में आ जाते हैं है ना गंदी मंदी चीजें लिखने वाले उनको तो मैं कुछ ही नहीं कहना चाहती हूँ वो बच्चे तो मतलब वो बच्चे ही नहीं होते वो दस बीस रुपए के लिए ये चीज़ करते हैं तो वो जो घटिया लैंग्वेज को यूज कर रहा है आई एम वेरी मच ओके यार ठीक है मैं बारी बारी इस चीज का आंसर भी नहीं दे सकती यूट्यूब पे कि तुम कैसी बातें लिखते हो क्यों लिखते हो दैट इज ओके तुम्हें अच्छा लगता है तुम करो ठीक है मगर अगर तुम्हें कोई चीज भी समथिंग लाइक मैम ये यूट्यूब पे सीरीज ले लो कुछ भी है कोई भी तुम्हारी एक्सवाइज रिक्वेस्ट है लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली जब मैं पढ़ा रही हूँ ना तो इस चीज़ की इज्जत करो ठीक है ये नहीं कर सकता ना तो तुम सोचो भी मत जो तुम मेरे से डिमांड कर रहे हो मैं वो को, कोई भी चीज तुम्हारे लिए करूंगी आई विल नॉट डू इट क्योंकि जो भी बंदा जो भी टीचर तुम्हें साढ़े तीन चार चार घंटे खड़े होकर मैं एनसीईआरटी भी पढ़ा रही हूँ ना तो वो इफेक्टिव होगी इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं ना इसीलिए पूरी सीरीज खत्म कर रही हूँ हर चीज़ में स्पैम करेंगे तो वो गंदा लगता है तो ये फॉर वंस एंड ऑल मैंने दोबारा आज क्लास में बोल दिया तुम अच्छी चीज के लिए या घटिया चीज के लिए स्पैम करोगे आई हेल डोंट केयर अबाउट एनीथिंग समझ गए तो ये गंदी चीजें मत करना क्लास में ध्यान से पढ़ाई करो हाँ हाँ मतलब अब इग्नोर ही करना है बट एक मैंने सोचा यार एक बार बोल देना चाहिए क्योंकि ना बोलो ना तो इनको लगता है यार है ना मैम नोटिस करके शर्मिंदा फील कर रही है नहीं फील कर रही है यार मुझे कोई शर्म नहीं आती ठीक है तो बस समझ जाना इस बात को समझदार बच्चे समझ गए होंगे तो अब जरा पढ़ाई पर फोकस करो इधर उधर की बातें टाइम पास मत करना अब मैंने क्या बताया कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंटिटी मतलब केवल डब्बा कोऑर्डिनेशन एंटिटी को कोऑर्डिनेशन स्फीयर मत समझ लेना अभी तुमसे पहले अभी देखो अभी मैंने पढ़ाया नहीं तुम कोऑर्डिनेशन एंटिटी मैं सही बात बता रही हूं कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा इन तीनों में हमेशा कन्फ्यूज रहते हो तो पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन एंटिटी मतलब डब्बा चाहे डब्बा न्यूट्रल हो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, हो केवल डब्बा अब सेंट्रल मेटल आइन इज आसान कह रहा है इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी द एटम और आयन टू विच नंबर ऑफ और ग्रुप्स आर बॉन्ड इन अ अ बाउंड इन डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट उसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन जैसे यहां पर कोबाल्ट सेंट्रल मेटल आयन है यहाँ प्लैटिनम है यहाँ निकल है यहाँ आयन है यहां कोबाल्ट है तो ये हमारे सेंट्रल मेटल आयन हो गए ये भी ठीक है कह रहे है क्या होते हैं अब जो न्यूट्रल या एनाइनिक स्पीशीज आकर के सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े हैं उनको हम लिगेंड्स बोलते हैं द द और अब देखो पेपर में लिखने जाते हो पूछा जाए आर लिगेंड्स तो तुम लिखते हो द आय विच कम एंड सराउंड सेंट्रल मेटल आयन कलर डेफिनेशन है वो आयंस भी हो सकते हैं वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है विच आर बाउंड टू द सेंट्रल मेटल इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी उनको लीगेंट्स कहते हैं भिन्न-भिन्न प्रकार के होंगे अभी आगे चलकर मैं इस पेज पे समझाऊंगी अब देखो सबसे पहले अ, मेरे पास एक ऐसी कैटेगरी ऑफ लीगेंट है जिनको हम बोलते हैं यूनिडेंटेट यूनिडेंटेट का दूसरा नाम है मोनोडेंटेट यूनिडेंटेट इज आल्सो मोनोडेंटेट Monodentate ligand का मतलब जो एक lone pair हमारे central को देंगे। देखो, जैसे Cl- सुनो मेरी बात Cl- में दो दो चार पाँच छ सात आठ आठ इलेक्ट्रॉन है यानी कि चार लोन पेयर है मगर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये एक ही लोन पेयर का दान देता है जैसे वाटर वाटर में होने को दो लोन पेयर है मगर ये एक ही लोन पेयर का दान देगा जैसे अमोनिया इसके पास एक ही लोन पेयर है ये उस लोन पेयर का दान देगा तो जो एक साइड से ही जुड़ेंगे सेंट्रल मेटल आयन से उसको हम मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लीगेंड बोलते हैं मान लो अगर आपके किसी लीगेंड के पास एक लीगेंड है उसका नाम है ई एन मतलब इथिलीन डाइअमीन अब ये देखो रट्टे नहीं मारने हैं ये था इथिलीन ठीक है है ये के डबल बॉन्ड को आपने हटा करके एक एन एच टू यहाँ लगाया एक एन एच टू यहाँ लगाया यहां पर दो लोन पेयर है ये सेंट्रल मेटल तो एक लोन पर आएगा एक लोन पर आएगा दो साइड से वो जुड़ रहा है इसको बोलते हैं इथलीन डायमीन इसका नाम है लिगेंड कि वो दो साइड से जुड़ रहा है तीसरा एग्जांपल है ऑक्सलेट ऑक्सलेट का नाम है सी टू ओ फोर टू माइनस देखो इसको ऐसे लिखते हैं सी डबल बॉन्डो और रटो मत क्या आपने बचपन में इसको ऑक्जैलिक एसिड कहते हैं पढ़ा था ऑक्सैलिक एसिड के दो H प्लस को अगर आप निकाल दोगे ऑक्सालिक एसिड के दो H प्लस को निकाल दोगे ये क्या बन गया ये बन गया ऑक्ट ये मेरा सेंट्रल मेटल आयन ये देखो ये सेंट्रल मेटल आयन को दो साइड से दे रहा है सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बाईड डाइडेंटेट बोल दो बाईड बोल दो अब मेरे पास कई बार एक ऐसा एग्जाम्पल है बड़े ध्यान से देखना यहां नाइट्रोजन है नाइट्रोजन पे मैंने क्या कर रखा है ध्यान से देखो सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू एन एच टू बना रखे है मतलब दो कार्बन के ऊपर एक एन एच टू दो एक ये कार्बन एक ये कार्बन एक एन एच टू एक ये कार्बन एक ये कार्बन यहाँ पर एन एच टू एक ये कार्बन एक ये कार्बन यहां पर एन एच टू तो अब देखो एक दो तीन लोन ये डोनेट कर सकता है हमारे सेंट्रल मेटल आयन को इस तरीके के लीगेंट को बोलते हैं पॉलीडेंटेट लीगेंट अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है इसको बोलते हैं EDTA. अब जिनको ए नहीं पता मैं आपको अगले पेज पे है ना लेकर चलते हैं कीप करते हैं हम और यहाँ पर एक न्यू स्लाइड यहां पर हम ऐड करते हैं देखो ईडी क्या होता है इसको समझना ईडी टी का फुल फॉर्म है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटेट क्या है मैम देखो सबसे पहले इथिलीन डाई अमीन पहले मैं लिख दू सी डबल बॉन्ड सी ये क्या हो गया इथिलीन अब इथिलीन पे मेरे को क्या बनाना है ठीक है मैंने कहा कि डाई अमीन बनाना है तो मैंने कहा यहाँ पर सी एच रखो यहाँ सी एच रखो यहाँ मतलब यहाँ सी एच टू करो यहाँ सी एच टू करो एक ये एन एच टू कर दो एक ये एन एच टू कर दो इसको बोल देंगे इथिलीन डाई अमीन अब मेरे पास टी ए मतलब टेट्रा एसीटेट जो नाइट्रोजन के चार हाइड्रोजन थे उनको हटा के एसिटिक एसिड लगा दो एसिटिक एसिड लगाओगे तो एच प्लस भी निकाल दो तो क्या बन गया सी एच टू सीओ माइनस सी एच टू सीओ माइनस ये बन गया सी एच टू सीओ माइनस ये बन गया सी एच टू सीओ माइनस अब ध्यान से देखो इसके पास कितने डोनर साइट है एक डोनर साइट ये 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 है एक डोनर साइट नाइट्रोजन है एक डोनर साइट नाइट्रोजन है और एक दूसरा डोनर साइट मेरा दूसरा नाइट्रोजन है तो मेरे पास छह डोनर साइट है इसीलिए इसको हैीगेंट बोलते हैं इथिलीन डायमिन टेट्राएसिटिक एसिड या टेट्रा ईडीटीए था टी एथिलीन डायमिन टेट्राएसिटिक एसिड अगर कोई लिख दे ईडीटीए देस तो ये बन गया इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटेट ये बात सबको समझ आ गई तो यहां तक मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं अब मेरे पास एक नया टॉपिक है जिसको मैं बोलती हूँ चीलेट चीलेट का मतलब फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना मान लो मैंने इस पेंसिल को पकड़ना है ठीक है तो मैंने इस पेंसिल को एक इस उंगली से पकड़ रखा है एक इस उंगली से पकड़ रखा है तो काफी चांसेस है ना कि पेंसिल गिर जाएगी है हाँ, ना मैंने दो जगह से पकड़ रखा है मगर दोनों काफी लूज लूज है तो मुझे लग रहा है पेंसिल गिर जाएगी अब मैंने एक ऐसा लीगेंट यूज किया जो एक दो तीन चार पांच साइड से इस पेंसिल को जकड़ के रखेगा ठीक है अब ध्यान से देखो कोई चांस है ही नहीं कि पेंसिल गिरे तो ऐसे लीगेंड को जो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है हमारे सेंट्रल मेटल आयन के एक इसको बोलते हैं चीलेटिंग लीगेंट और ये जो कॉम्प्लेक्स बना इसको बोलते हैं चीलेट अब मैं आपको बताती हूं मान लो तुम पांच अलग अलग लोगों को बुलाओ ठीक है या पांच मेरी अलग अलग, अलग उंगलियां एक ही साथ की एक ही साथ की ऐसे हमने ऐसे पा, पांच लोगों ने इस पेंसिल को पकड़ रखा है वो अनस्टेबल है अनस्टेबल क्यों है क्योंकि मैंने एक का हाथ थोड़ा वो तो चला जाएगा एक लीगेंड को थोड़ा वो चला जाएगा मगर अगर मैंने एक रिंग लाइक -like स्ट्रक्चर बना दिया अब तुम देखो तुम जबरदस्ती करो कि मेरी ये फिंगर हट जाए ठीक है तुमने एनर्जी दी कि ये फिंगर हट जाए जैसी तुमने एनर्जी दी कि ये फिंगर हटे अब वो चार ने तो पकड़ ही रखा ना अब क्या होगा जब तुम एनर्जी दोगे की अंगूठा हटे मेरी ये फिंगर कहीं दूर थोड़ी ना गई है यहीं पे ही मंडरा रही है ना तो जैसे ही तुम इसको तोड़ने की एनर्जी दोगे ये वापिस एक बॉन्ड बना लेगा तुम अगले को तोड़ने की एनर्जी दोगे ये वापस से बॉन्ड बना लेगा क्यों क्योंकि वो उसी जगह पे मंडरा रहा है इसीलिए कहते हैं कि अगर कहीं पर भी चीलेट बन रहा है तो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है देखो कह जब एक डाई या पॉलीडेंटेट लीगेंट टू और मोर पता है बार जब लिखने की बारी आती है नहीं लिख सकते फिर तुम बोलते हो हम जेई में तो प्रो हैं बोर्ड्स में नंबर नहीं आते हम तो नीट की तैयारी कर रहे थे बोर्ड्स में नंबर नहीं आते वो इसीलिए नहीं आते क्योंकि लिखना ही नहीं आता हमें देखो कह रहा द नंबर ऑफ सच लीगेंट लिगेटिंग ग्रुप इज कॉल्ड द डेंटिसिटी ऑफ द लीगेंट भाई एक लीगेंट कितने लोन पेयर का दान कर सकता है उसको बोलते हैं डेंटिसिटी जैसे ये लीगेंट एक लोन पेयर का दान करता है तो इसको मोनोडेंटेट बोलते हैं ये लीगेंट दो लोन पेयर का दान करेगा इसको बाईडेंटेट बोलते हैं ये लीगेंट दो लोन पेयर का दान करेगा इसको बाईडेंटेट बोलते हैं और ये लीगेंट छह लोन पेयरों का दान कर सकता है छह जगह से कनेक्ट हो सकता है इसको बोलते हैं अब एक नई है 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 जिसका नाम लिगेंड ये अभी आ, मैं बता रही हूं ना मेरी मम्मी है ना ये नक्श के लिए ना एक जैकेट लेके आई ठीक है वो ले आई उन, उन्होंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया वो पांच सौ रुपए की एक मार्केट लगी हुई थी हमारे घर के पास जहां पे वो वुलन कपड़े मिलते हैं ना तो वो ले आई तो वो मेरे को कह रहा है मम्मा मैं रात को घर गई कह रहा है मम्मा मम्मा देखो है ना दादी मेरे लिए ना ब्लू कलर की कितनी अच्छी जैकेट लेके आई है पापा के जैसी बहुत ही अच्छी है मम्मा मेरे को बहुत अच्छी लगी मैंने कहा यार जैकेट तो बहुत अच्छी लग रही है तो मेरी मम्मी ने कहा देख पाँच सौ रुपये ही मिल रही थी मैंने सोचा सही है एक सर्दियां निकल जाएंगी बढ़िया मैंने कहा मम्मी बात तो सही है ठीक है तो अः ऐसी वो मुझे अपनी जैकेट दिखा रहा था मैंने कहा एक बार उतार के दिखा अंदर से गर्म है या नहीं है तो जैसी उसकी मैंने जिप खोल के जैकेट चेक करी भाई सब पता चला वो तो रिवर्सिबल जैकेट है रिवर्सिबल मतलब वो उधर से भी पहन सकता था और वो ग्रे बाहर से ब्लू थी अंदर से ग्रे थी तो ऐसी तुमने भी कभी टी शर्टें देखी होंगी ना अट्टा मार्केट में मिलती साढ़े तीन सौ साढ़े तीन सौ रुपए की मैंने बताया उसकी जैकेट ली हमने पांच सौ रुपए की तो बाहर से पहनो तो ब्लू कलर की उल्टी करके पहनो तो वो ग्रे कलर की नाइकी का वो बनाओ कह रहा मम्मी देखो है ना दादी मेरे लिए नाइकी वाली टी शर्ट ले मैंने कहा भाई बात तो सही है ठीक है पांच सौ रुपए में तेरी दादी नाइकी वाली तेरे लिए टी शर्ट ले आई और वो भी तू दो टाइप से पहन सकते एक बार ब्लू से एक बार ग्रे से

ये मेरे पास एक कंपाउंड है नाइट्राइटो या एनओ टू माइनस आप बोल दो शॉर्ट में लिखो एनओ टू माइनस एनओ टू माइनस का शक्ल उठा के देखो या तो वो एन से मेटल को इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर वो ओ से मेटल को इलेक्ट्रॉन दे सकता है देगा एक ही से यानी कि दोनों से देने लग जाओ कि इसको तो हम मैम चीलेट बना देते नहीं बनेगा चीलेट तो ये देखो अगर वो ओ से जुड़ा है उसको बोलेंगे नाइट्राइटो ओ अगर वो एन से जुड़ा है इसको बोलेंगे नाइट्राइटो एट सिमिलरली जैसे थायोसाइनेट वो या तो सल्फर की साइड से जुड़ सकता है इसको बोलते हैं थायोसाइनाइटो साइनेटो एस और अगर वो नाइट्रोजन की साइड से जुड़ा है तो थायोसाइनेटो एन इन तरीके के लीगेंट्स को हम बोलते हैं एम्बीडेंट ये भी क्लियर हो गया सिंपल सा था आसान सा था ठीक है हाँ मोर देन वन साइड ऑफ डोनेशन बट दे विल डोनेट फ्रॉम जस्ट वन साइड ओनली एट अ पॉइंट ऑफ टाइम चलो बढ़िया अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये मैं बता देती हूँ सिंपल सी चीज है भाई सेंट्रल मेटल आयन को कितने लीगेंड आकर के जुड़े हुए हैं डेंटिसिटी किसकी थी कई बच्चे डेंटिसिटी और कोऑर्डिनेशन नंबर में कंफ्यूज रहते हैं डेंटिसिटी लीगेंड की होती है कि लीगेंड कितने लोन पर देगा कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल आयन का होता है कि सेंट्रल मेटल आयन को कितने है ना साइडो से आपने जोड़ा है कह रहा है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर किसका है मेटल आयन का 4 है. इस को कितने जुड़े हुए है? छे द नंबर छे है अब ध्यान से देखो ये लाइने बड़ी नीचे लिख दी गई है एनसीआरटी वालों के द्वारा बट ये बहुत प्यारी लाइन है देखो कह रहा है ये आपका कॉम्प्लेक्स है इसको मैं बड़ा कर देती हूँ C2O4 C2O4 ओ थ्री पे ओवरऑल थ्री माइनस जल्दी से बोलो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है जल्दी से सोच के बोलो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है और एक और दे रखा है सी ओ ई एन होल्ड थ्राइस थ्री पॉजिटिव दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो अब कई बच्चों की नजरें कहती कह रहे कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने लीगेंट जुड़े हुए हैं भैया लीगेंट तो तीन ही जुड़े हुए हैं सी टू ओ फोर अपने आप पे एक ही लिगेंड है मगर क्योंकि वो बाइडेंटेट है तो आयन को कितने बॉन्ड बने टोटल थ्री इंटू टू सिक्स और तो कोऑर्डिनेशन नंबर छ होगा गलती से भी तीन मत लिख देना ठीक है ये बात सबको चमकनी चाहिए अब तुम सोचते हो पेपर ना कठिन आता है मैं कह रही हूं यार पेपर में यही ये सीओ थ्री पॉजिटिव चाहे जेई का उठा लो चाहे नीट का उठा लो ये बहुत कॉमन सवाल है वेरी कॉमन सवाल बच्चों का पता नहीं पेपर वाला कहा से सवाल बनाता है भैया से बनाता है मगर पढ़ो तो एनसीआर को ऊपर ऊपर से देख के कह दो है है ना यू जस्ट जज बुक कवर ऐसे नहीं होता पढ़ के देखो बुक को कितनी चीजें लिख रखी हैं मैं कहती हूँ अगर 100 प्रतिशत चीजें रिक्वायर्ड है ना पेपर में तो कम से कम 80 पचासी प्रतिशत चीजें एनसीआरटी से मिल जाती है तुम्हें वो जो 10-15 परसेंट की फाइट मारनी पड़ती है वो आप रैंक के लिए मारते हो कि भाई मैं जितना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाऊंगा मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे बेयर मिनिमम इतना तो देखो आना चाहिए अब ध्यान से देखो ये भी क्लियर हो गया अब कई बार क्या होता है रीजन का सवाल आता है है ना स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं हम कहते हैं हमें पता ही नहीं है देखो ये स्टेटमेंट वाला सवाल है कह रहा है इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम और आयन इज डिट ओनली बाय द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्मड बाय द लिगेंड विद द सेंट्रल मेटल आयन एक लीगेंड सेंट्रल मेटल आयन के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है सिर्फ उसी से ही कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं पाई पाई बॉन्ड बॉन्ड को कोऑर्डिनेशन नंबर गिनते वक्त यूज नहीं करते कह रहे है, पाई अगर गलती से बनता भी है किसी भी लीगेंड और सेंट्रल मेटल आयन में दीज आर नॉट काउंटेड फॉर दिस पर्पस ये आ गया स्टेटमेंट वन ये आ गया स्टेटमेंट टू अब तुमसे पूछा पूछा जाता है बताओ स्टेटमेंट वन सही है टू सही है कौन इनकरेक्ट है कौन करेक्ट है एसर्शन रीजन हम डर जाते पता नहीं कहां से आ गया कहीं से नहीं आया सिंपल सवाल था ठीक है आगे देखो अगला टॉपिक है कोऑर्डिनेशन स्फीयर अभी तुमने कोऑर्डिनेशन एंटिटी पढ़ा था एंटिटी मतलब डब्बा एंटिटी मतलब डब्बा अब मैं तुम्हें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पढ़ाऊंगी देखो कह रहे हैं द सेंट्रल एटम या फिर आयन एंड द लिगेंड्स अटैच्ड टू इट आर एनक्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट एंड इज कलेक्टिवली टर्म एस कॉर्डिनेशन फियर द आयोनाइजेबल ग्रुप आर रिटर्न आउटसाइड द ब्रैकेट आयोनाइजेबल आउटसाइड लिखे जाते हैं और उनको हम काउंटर आयंस बोलते हैं कह रहे फॉर एग्जाम्पल इन द कॉम्प्लेक्स के फॉर एफिशियंट मान लो मेरे पास ये पूरा कॉम्प्लेक्स है अभी तक मैंने डब्बे को कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोला था मैंने काउंटर आयन की बात ही नहीं करी मैंने कहा अगर आपके पास काउंटर आयन है तो ध्यान से देखना द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज दिस अब मैंने कहा मैंने कहा देखो इस पूरे कॉम्प्लेक्स में जब मुझे पूरे कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस करना है अब मैं कहूंगी इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर ये जो डब्बे वाला पार्ट है इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे और ये जो पोटेशियम है उसको काउंटर आयन कहेंगे मतलब पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट है उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं और जो के प्लस है सीएल माइनस है जो बाहर लिखा होता है वो मेरा काउंटर आयन कहलाएगा एक लास्ट देखो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा पॉलीहेड्रा का मतलब कि वो जो डब्बा देखो बात हर जगह डब्बे की ही हो रही है हर जगह कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी एक डब्बा था कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी एक डब्बा है मगर जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बात तो डब्बे की ही हम करेंगे मगर अब डब्बे की स्पेशल अरेंजमेंट की बात करेंगे देखो कह रहा है द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड अबाउट द सेंट्रल मेटल आइन की लीगेंड सेंट्रल मेटल आइन के थ्रू किस तरीके से बॉन्डेड है क्या स्पेशल अरेन्जमेंट है ये वर्ड स्पेशल अरेन्जमेंट याद करना उसको बोलेंगे कॉर्डिनेशन पॉलीहेड्रा जैसे ये एक कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर छे अमोनिया लगे हुए हैं कोबाल्ट के क्रॉस और जो कोबाल्ट के अमोनिया लगेंगे वो ऑक्टाहेड्रल फैशन में लगेंगे तो हम कहेंगे इसकी जो जिमेट्री है वो है ऑक्टाहेड्रल किसकी क्या ज्योमेट्री है दस पंद्रह मिनट में अपने आप समझ आ जाएगा जब हम आगे बढ़ेंगे ये देखो अगर मेटल पे चार ऐसे इन द प्लेन है दो ऊपर एक ऊपर एक नीचे इसको ऑक्टाहेड्रल जो बचपन से सीखा था इसको टेट्राहेड्रल एक मेटल पे चार लीगेंट है इसको स्क्वायर प्लेनर एक मेटल पे पांच लीगेंड है पिरामिडल। और देखो एक स्क्वायर बना लिया एक ऊपर तो इसको बोल देंगे स्क्वायर पिरामिडल तो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा पॉलीहेड्रा मतलब किस तरीके से लीगेंड सेंट्रल मेटल लाइन के अक्रॉस जुड़े हुए हैं आगे देखिए अब कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर भाई ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है मैंने तुम्हें निकालना सिखा दिया है एग्जाम्पल कराऊंगी CuCN यू सी एन होल फोर थ्री माइनस मतलब इसको x मान लोगे कितने साइनाइड हैं चार हर एक साइनाइड पे चार्ज माइनस वन ओवरऑल माइनस थ्री एक्स की वैल्यू कितनी होगी माइनस थ्री प्लस फोर इज इक्वल टू प्लस वन तो कहने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल आयन का क्या है प्लस नेक्स्ट इज अभी लास्ट ईयर Uh, 2023 के पेपर में होमोलिप्टिक और हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस से रिलेटेड सवाल पूछा गया था मतलब सपने में भी नहीं सोचेंगे हम कि ये सवाल आएगा पेपर में बट आता है तो होमोलिप्टिक क्या होता है द कॉम्प्लेक्सेस इन विच मेटल इज बाउंड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप जैसे ये कोबाल्ट के एक्रॉस छ के छे अमोनिया ही हैं सारे सेम हैं। इसको बोलेंगे होमोलिप्टिक

फोर्टी एट पन्ने पढ़ने हैं तेरह पन्ने हम कंप्लीट कर चुके हैं अब जो हम अगर आप ब्रेक लेंगे वो लेंगे बीसवें पन्ने पे बीसवें पन्ने का मतलब इस पे नहीं इस पे भी नहीं ये भी कर ही देंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लिंकेज कर लेंगे बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन तो बॉन्डिंग से पहले वाला है ना सॉल्वेट आइसोमेरिज्म पे हम अगला ब्रेक लेंगे तो एक पढ़ाव क्लास का पूरा हो चुका है पांच पढ़ाव में हमारी पूरी क्लास आगे बढ़ेगी अब जिसको जो भी डाउट है पूछो फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है डन है मैम डिसेंट मैम अच्छा रिस्पेक्टेड मैम आई हैव है अ डिसेंट परसेंटाइल इन जेई मेन एंड आई टू योर जेई सेकेंड अटेम्प्ट बूस्टर बट नाउ आई वॉन्ट टू एनरोल इन एडवांस बैच आई हैव सेंट मेल ऑल्सो प्लीज चेक अपना नाम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिख के मेल कर दो ठीक है लेट सी इफ एनीथिंग कैन बी डन ठीक है चलो डन है चलो एक मिनट एक मिनट मिनट एक मिनट डन है चलो डन इक्कीस को केमिस्ट्री का पेपर है हाँ तो जब भी पेपर है तुम्हारे उससे पहले मतलब मैं कल ही पूरी थियरी कंप्लीट करा दूंगी कल कल मैं तुम्हारी कल हद, हद एक ही दो चैप्टर बचा आज ये कर लिया दस चैप्टर थे आज नौवा कर रहे हैं कल एक दसवां चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स वो भी निपटा देंगे ठीक है एग्जाम्पल फाइव पॉइंट वन वापिस एक्सप्लेन कर दो ये एक एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ये देखो कह रहे मान लो ये मेरा कंपाउंड है इसको AgNO3 के साथ रिएक्शन करने पे पता चला दो मोल AgCl आ रहे तो मैंने दिमाग लगाया जब दो AgCl आ रहे तो दोनों Cl को बाहर रख दो, दोनों Cl को बाहर रख दो पैलेडियम को अंदर रखो बचे चार अमोनिया ये बन गया मेरा कॉम्प्लेक्स और मेरे से पूछा सेकेंडरी वैलेंसी तो पैलेडियम को कितने अमोनिया सराउंड कर रहे हैं चार तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ गई चार अब मैंने पांच में से दो करा दिए अब बाकी के तीन तुम करोगे चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं टॉपिक का नाम है नॉमन क्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नामकरण कैसे करते हैं एक तो मैं आपको यह सिखाऊंगी कुछ एग्जाम्पल हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे फिर एक हमारा अगला टॉपिक है आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म से मैक्सिमम बच्चों को डर लगता है ना आज आइसोमेरिज्म का डर खत्म हो जाएगा बहुत सारे शॉर्टकट सिखाऊंगी आइसोमेरिज्म हम कंप्लीट कर लेंगे यहां तक कंप्लीट करने के बाद हमारी क्लास का दूसरा पढ़ाव पूरा हो जाएगा फिर हम बात करेंगे वीबीटी की देखो ये वीबीटी की कहानियां हैं ये वीबीटी की लिमिटेशन फिर हम लास्ट में बात करेंगे ये तीसरा पढ़ाव हो जाएगा हमारा चौथा पढ़ाव है हमारा सी एफ टी ये हमने सी एफ टी पूरी की पूरी कंप्लीट कर डालनी है ये सी एफ टी हो गया फिर अगला पढ़ाव है बॉन्डिंग इन मेटल एंड जो यूजेस है ये हमारा लास्ट पढ़ाव रहेगा तो अब हम दूसरे पढ़ाव की ओर बढ़ जाते हैं सामने देखिए देखो भाई मैं एग्जाम्पल के थ्रू कराने में ज्यादा विश्वास रखती हूँ थ्योरी तो दे ही रखी है थ्योरी बढ़िया भी है नो no डाउट मगर थ्योरी से आप उतना नहीं सीख पाएंगे जितना आप क्वेश्चन को करेंगे तो सीखेंगे तो थ्योरी पे कम टाइम लगाएंगे क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लगाएंगे मुझे जो अपने कंपाउंड हैं द फॉर्म्यूला ऑफ मोनो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो चीजें सीखनी है नाम से फॉर्मूला कैसे लिखना है और फॉर्मूला से नाम कैसे लिखना है सामने देखिए सबसे पहला हमारा जो सवाल है कह रहे द सेंट्रल एटम इज लिस्टेड फर्स्ट तो सब जब भी आप डब्बा बनाएंगे डब्बे में सबसे पहले आपने अपना कोई भी सेंट्रल एटम जो भी है वो लिख लिया है कह रहे जब आप लीगेंड लिखेंगे तो लीगेंड किस में लिखेंगे ऑर्डर कह द प्लेसमेंट ऑफ अ अंड इन द लिस्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता ये मन गढ़ कहानी मत बनाना कि न्यूट्रल को पहले लिखेंगे या एनाइन को पहले लिखेंगे सिर्फ एल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखेंगे पॉलीडेंटेट लीगेंड आर आल्सो रिटन अल्फाबेटिकली मान लो मेरे पास एक पॉलीडेंटेट लीगेंड है जिसकी मोर देन वन डेंटिसिटी मोर देन टू डेंटिसिटी है उसको भी अल्फाबेटिकल तरीके से लिखेंगे इन केस ऑफ एब्रीविएटेड लीगेंड जैसे इथलिन डायमीन एक बड़ा नाम है उसका हमने एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म लिखा ई एन फर्स्ट लेटर में रखने के लिए ई e को कम्पेयर करेंगे मुझे पता है ऊपर से जाएगा ये सबके ऊपर से जाती है थियरी जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते ये नाम से सारे के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आपको कराऊंगी और होमवर्क मैंने आपके लिए मार्क कर दिया है ना क्लास वर्क मैं कराऊंगी आगे देखो कह रहा है द फॉर्मूला फॉर द एंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी वेदर चार्ज्ड और नॉट इज एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट व्हेन द लीगेंड आर पॉली एटॉमिक देयर पॉलीअोमिकॉर्मूला आर एनक्लोज्ड इन पेरेंथिस कई बार देखो कह रहा है लीगेंड को कई बार मान लो मेरे पास एक ऐसा लीगेंड है जब एक से ज्यादा है दो से ज्यादा है तो वहां पर भी ब्रैकेट लगाएंगे जैसे मैंने अंदर लगाए हैं और पूरे के पूरे डब्बे को कोऑर्डिनेशन एंटिटी को एक स्क्वेर ब्रैकेट में बंद करके रखेंगे कह देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन लीग एंड एंड सेंट्रल मेटल आइन कह रहे डब्बे no के, के अंदर कोई स्पेस होना नहीं चाहिए वेन द फॉर्मुला ऑफ अ चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज टू बी रिटर्न विदाउट दैट ऑफ द काउंटर आइन द चार्ज इज इंडिकेटेड आउटसाइड या तो काउंटर आइन लिख दो के फोर और अगर काउंटर आइन नहीं लिखना तो इसका चार्ज आपको ऊपर लिखना पड़ेगा द चार्ज ऑफ द कैटायन इज बैलेंस्ड बाय द चार्ज ऑफ एनायन ये कुछ कुछ रूल्स uh, थे रूल्स को गोली मारो अब समझते हैं एग्जाम्पल्स देखो एग्जाम्पल से काफी कुछ सीखने को मिलता है ये मेरे पांच एग्जाम्पल है पांचों के पांचों एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगी ठीक है देखो सबसे पहला कह रहा है राइट द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखे इनका फॉर्मूला पहला नाम देखो ध्यान से सुनना कह रहा है टेट्रा अमीन अब देखो कई बच्चों को ये पता ही नहीं होता अमोनिया में डबल एम आता है ए डबल एम ओ एन आई ए अमीन में भी डबल एम आएगा ए डबल एम आई एन ई मगर जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन ऑर्गेनिक में यूज करते हैं वहां सिंगल एम आता है मैंने कहा टेट्रा अमीन टेट्रा अमीन मतलब मेरे पास चार अमोनिया है कैसे लिखेंगे एन एच थ्री कितने हैं चार टेट्रा अमीन फिर मैंने लिखा एक्वा पानी के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं एक्वा मैंने डब्बे में लिखा एक्वा फिर मैंने लिखा क्लोरीडो मैंने लिखा क्लोरीडो फिर मैंने लिखा कोबाल्ट कोबाल्ट और लास्ट में लिखा है क्लोराइड तो कहने का मतलब मेरे को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड को लिखना है सबसे पहले मैंने अपना सेंट्रल मेटल लाइन लिखा कोबाल्ट लिख दिया सबने मेरे पास चार अमीन है टेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करेंगे काउंट करेंगे ये ए एम है ये ए क्यू है ए क्यू बाद में आएगा ए एम बाद में आएगा मतलब ए डबल ए डबल एम आई यानी है ना तो ए पहले आएगा तो टेट्रा अमीन फिर ब्रैकेट में लिखोगे एक्वा फिर लिखोगे सीएल अब मुझे कैसे पता चलेगा बाहर कितने क्लोराइड है सामने देखो मैंने कहा मैम कोबाल्ट पे चार्ज कितना चाहिए तीन तो तीन इसका इसका कुछ नहीं इसका कुछ नहीं यहाँ पे तीन प्लस वन है यहाँ एक माइनस वन है तो टोटल चार्ज कितना प्लस टू अगर इस पे प्लस टू तो उसको बैलेंस कितने से करेंगे दो क्लोरीन से इसीलिए बाहर आ गया सीएल टू एक पार्ट मैंने ढंग से आपको करना सिखा दिया है ठीक है अगला देखो खुद से करो जब तक खुद से नहीं करोगे कुछ नहीं चमकेगा पोटेशियम अभी फॉर्मूला से नाम लिखना भी सिखाऊंगी पहले नाम से फॉर्मूला लिखो पोटेशियम मतलब कैटायन आगे आएगा मैंने लिख दिया पोटेशियम मैंने कहा टेट्रा हाइड्रोक्सीडो टेट्रा हाइड्रोक्सीडो मतलब हाइड्रोक्सी है और चार है फिर मैंने कहा जिंकेट एक जिंक है तो पोटेशियम मेरा काउंटर आयन है अब ध्यान से देखो मैंने कहा मैम टू मतलब इस पे होगा टू इस पे माइनस तो ओवरऑल कितना चार्ज हो गया माइनस टू तो इसको बैलेंस करने के लिए पोटेशियम कितने आ गए दो ये मेरा अगला कंपाउंड अब आप तीसरा खुद करेंगे यू विल डू इट बाय योर ये होमवर्क है पांचवा भी आप खुद करेंगे एक फोर्थ एग्जांपल मैं सिखाती हूँ कह रहे डाई क्लोरीडो डाई क्लोरीडो मतलब मेरे पास दो क्लोरीन आएंगे डाई क्लोरीडो बिस इथेन वन टू डायमीन अरे अरे मैम ये बहुत टफ है देखो

कोबाल्ट थ्री मैंने क्या लिखा कोबाल्ट थ्री अब मैंने कहा अच्छा मैम कोबाल्ट थ्री मैंने कहा कोबाल्ट प्लस थ्री चार्ज है दो यहां पर हो गए इथलिन डायमिन जीरो तो ओवरऑल प्लस वन है ओवरऑल प्लस वन है तो मैंने यहाँ पर प्लस वन लगा दिया क्यों मेरे पास कोई काउंटर आइन नहीं गिवन था क्या ये समझ आ गया मेरे पास कोई काउंटर आइन नहीं गिवन था तो ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया ये तो थे अगर तुमको फॉर्मूला दे रखा हो और फॉर्मूला से नाम लिखना हो तो आई I मीन mean, नाम दे रखा हो नाम से फार्मूला लिखना हो तो कैसे करना है अगला जो मेरा टॉपिक है वो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें बच्चे मार खाते हैं और यही पेपर में आता है फॉर्मूला गिवन हो फार्मूला से नाम कैसे लिखते हैं पहले मैं रूल को पांच मिनट में आपको समझाती हूँ रूल से मुझे कोई मतलब नहीं जब एग्जाम्पल करोगे तब फील आएगी और इसके सारे एग्जाम्पल कराऊंगी कह रहे जब भी आपको किसी का नाम लिखना है तो आप याद रखिए कैटायन इज ने फर्स्ट पहले आप कैटायन को नाम लिखेंगे फिर एनायन का जैसे बचपन में आपने सीखा था ना एनएसीएल तो एनएसीएल क्या था सोडियम क्लोराइड पहले कैटायन फिर एनायन ये फर्स्ट चीज है कह रहे हैं द लीगेंड्स आर नेम्ड इन एल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन जैसे फॉर्मूला लिखते हो पहले कैटायन फिर एनायन लिखते थे ना

NO के लिए आप लिखते हैं nitrosil. और अगर अगर मान लो इनको में लिख दोगे कह रहे हैं, अगर आपके पास दो तीन चार पांच है तो आप उनकी जगह डाई ट्राई है ना टेट्रा पेंटा ये यूज करते हैं मगर मान लो उसके अंदर उसने लिख रखा है कि अगर नाम के अंदर ही डाई ट्राई है जैसे इथिलीन डायमीन फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है Ethan, one, two, die, ये ऑलरेडी डाई है और ऐसे मुझे दो यूज करने हैं तो मैं इसके नाम के आगे लिखूंगी बिस सो ऑन so किस वाली किस नहीं सिंगल ऐसा आएगा ठीक है दिमाग इधर उधर मत लगा लेना बिस ट्रिस टेट्रा किस एंड सो so ऑन अब ध्यान से देखो कितना प्यारा सवाल है इस सवाल को मैं सर्कल कर देती हूँ और इस सवाल को करके देखते हैं चलो दिमाग लगाओ और इस सवाल को करते हैं सवाल बड़ा सारा लिख लेते हैं पहले मेरे पास है Ni यहां पर है Cl2 टू यहां पर है पी पे हा एनआई सी एल टू और यहां पर है पी पे पी एच थ्री पी पे पी एच थ्री और यहां पर है ट्वाइस और डब्बा देखो कैसे करेंगे सोच समझ के करना कोई टेंशन नहीं है निकल है मैंने कहा लास्ट में रखेंगे पहले Ni जो भी लीगेंट है वो लिखो ये है क्लोरीडो और कितने क्लोरीडो हैं दो तो डाइक्लोरिडो ये है ट्राई फिनाइल फॉस्फिन क्या है ट्राई फिनाइल फॉस्फिन लीगेंड के नाम के अंदर ऑलरेडी ट्राई है तो बाहर डाई नहीं लिखेंगे ना डाई टाई ट्राई ट्राई फिनाइल फॉस्फिन नहीं लिखेंगे इसलिए बाहर लिखेंगे बेस तो इस पूरे का नाम क्या हो गया ध्यान से देखो मेरे पास नाम हो गया अब देखो ये डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखेंगे ये है सी से क्लोरिडो तो मैं लिखूंगी डाई क्लोरिडो दिखा डाई क्लोरिडो बिस, बिस मतलब दो है इसका नाम है ट्राई फिनाइल फॉस्फीन ट्राई फिनाइल फॉस्फिन ये बड़ा सा था इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखा लास्ट में लिखेंगे निकल और निकल पे चार्ज कितना है? देखो यहां पर निकल पे एक्स चार्ज है इस पे माइनस टू हो इस पे जीरो तो एक्स माइनस टू की वैल्यू जीरो निकल पे चार्ज कितना हो गया प्लस टू और प्लस टू को ऐसे ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल्स में लिख देंगे टू तो ये हमारा इसका नाम हो गया हमारा इसका नाम हो गया अब एक लास्ट चीज सीख लो कह क्या मान लो अगर आपके लीग मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसका जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका नाम हम सिंपल नहीं लिखेंगे जैसे कोबाल्ट नहीं लिखेंगे कोबाल्टेट आयन नहीं लिखेंगे आयरनेट भी नहीं लिखेंगे उसका फेरेट लिखेंगे समझ गए तो यहाँ पर एक छोटी सी लेटिन वर्ड जो है वो यूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं कोबाल्टिना कॉम्प्लेक्स विल बी कोबाल्टेट एट से एंड करोगे लेटिन नेम्स जो है वो यूज करोगे जैसे फेरेट अब ये नहीं कि आयरनेट लिखा है फेरेट लिखेंगे अब इतना बहुत ही बढ़िया हो गया अब हम एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ सवालों की मैं प्रैक्टिस कराऊंगी फिर हम आगे बढ़ेंगे देखो सारे आठ के आठ सवाल मैं तुम्हें कराऊंगी ढंग से करना तो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा और वो भी जल्दी जल्दी मैंने कहा ये कंपाउंड है मैंने कहा मैम पहले तो हम लिखेंगे कैटायन फिर लिखेंगे एनायन अब इसमें बच्चा गलती करता है गलती ये करता है कि जो भी आपका काउंटर आयन है जैसे यहाँ पे सीएल थ्री है तो इसको ट्राई क्लोरीडो नहीं लिखेंगे अगर सीएल लीगेंड होता तो उसको क्लोरिडो लिखते अगर सीएल काउंटर आयन है तो यू विल जस्ट राइट इट क्लोराइड तो लास्ट में ट्राई क्लोराइड नहीं लिखोगे एक गैप देके सिंपल लिखोगे क्लोराइड क्या लिखोगे क्लोराइड अब मैंने कहा मैम देखो तीन है तो ट्राई अमीन ट्राई एक्वा मगर अमीन भी ए से है एक्वा भी ए से है मगर अमीन में ए एम है एक्वा में ए क्यू है तो पहले लिखेंगे ट्राई अमीन ओके फिर ट्राई एक्वा फिर लिखेंगे क्रोमियम अब क्रोमियम पे चार्ज कैसे निकालते हैं देख लो क्रोमियम पे एक्स मान लो अंदर का चार्ज जीरो है ओवरऑल कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना प्लस थ्री तो क्रोमियम पे चार्ज कितना प्लस थ्री ये क्या लिखा हुआ है मुझे इससे लिटरली मतलब नहीं है मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको फॉर्मूला से नाम लिखना अच्छे से आना चाहिए ठीक है आगे देखो जनरली मतलब आप देखोगे एनसीआर जो फॉलो करती है जनरली आगे है ना जो नाम है जो पहला लेटर है वो छोटा ही लिखते हैं पहला लेटर आप हमेशा छोटा ही लिखते हो यही रूल भी है आपका अब आप देखो ये वाला इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेती हूँ मेरे पास है कोबाल्ट बहुत ही बढ़िया यहाँ लिखा हुआ है एच टू एन एन एच टू सी एच टू सी एच टू एन एच टू क्या लिखा हुआ है सी एच टू सी एच टू एन एच टू बहुत ही बढ़िया फिर डब्बा बंद कर रखा है डब्बे के नाम के आगे थ्री लिख रखा है और यहाँ पर आपने ओवरऑल टू लिख रखा है और मेरे पास है एस ओ फोर होल्थ राइज वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्या आपको इतना समझ आ रहा है पहले हम कैटायन का नाम लिखेंगे लास्ट में एनायन का नाम लिखेंगे क्या मैं लास्ट में ट्राई सल्फेट लिखूंगी नहीं मैं क्या लिखूंगी सल्फेट मैं क्या लिखूंगी सल्फेट लिख दिया लास्ट में शुरू कर दो सल्फेट जो जो लिखते जा रहे हो उसको काटते जाओ उससे मुझे क्या मतलब है सल्फेट हो गया क्या मैं इसके नाम के आगे डाई लिखूंगी नहीं लिखूंगी ये जो डब्बे के बाहर वाले टू थ्री होते हैं इनको मुझे नहीं लिखना तो ये भी मेरा कट गया मैंने कहा मैम सल्फेट पे चार्ज माइनस टू इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज प्लस थ्री ये तो समझ आ रहा है क्रॉस करते हैं प्लस थ्री मैंने कहा मैम इथिलीन डायोमीन एक न्यूट्रल लिगेंड है तो कोबाल्ट पे चार्ज होगा प्लस थ्री क्योंकि पार्ट है तो लास्ट में लिखेंगे मतलब सल्फेट के पहले लिखेंगे कोबाल्ट थ्री सल्फेट के पहले लिखेंगे कोबाल्ट थ्री मैंने कहा बढ़िया मैंने कहा तीन है इथिलीन डायोमीन तो थ्री को ट्राई तो नहीं लिखेंगे ट्रिस लिखेंगे मैंने कहा लिखो ट्रिस अब आप इसका पूरा नाम ब्रैकेट में लिखोगे इथेन वन टू डायमीन इथेन वन टू डायमीन ये बन गया मेरा पूरा का पूरा नाम क्लियर है सबको आगे देखो अगला सवाल अगला सवाल वेरी नाइस क्वेश्चन काफी कुछ देख लो एनसीआरटी के जितने सवाल है ना मैं कहती हूँ इनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है और अगर इतना भी तुमने ढंग से कर लिया तो जो पेपर में आजकल सवाल आ रहे हैं वो तो तुम बड़े आराम से निपटा दोगे ए जी सी एन मैंने कहा मैम आपने सिखाया था पहले कैटायन का नाम लिखेंगे फिर एनायन का नाम लिखेंगे पहले कैटायन फिर एनायन अब मेरा कैटायन भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है एनायन भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है तो इसका नाम कैसे लिखेंगे मैं लिखूंगी मैम डाई अमीन डाई अमीन लिखेंगे सबसे पहले लिख दो मैंने कहा डाई अमीन सिल्वर सिल्वर ही लिखेंगे अब इस पे ओवरऑल चार्ज निकाल लो इस पे सिल्वर पे प्लस वन होगा तो इस वाले पे माइनस वन हो जाएगा मैंने कहा सिल्वर वन मैंने कहा सिल्वर वन ठीक है कैटाइन लिख लिया अब थोड़ी सी जगह छोड़नी है दिख गया मैंने कहा मैम साइनो है तो डाई साइनो मैंने साइनो भी लिख सकते हैं साइनिडो भी लिख सकते हैं जैसे क्लोरो क्लोरिडो दोनों एक्सेप्टेबल है तो मैंने लिखा डाई अब दिक्कत आई आप इसको लिखोगे सिल्वर वन मैंने कहा नहीं क्योंकि सिल्वर एनायन का पार्ट है तो इसके नाम के आगे एट लगाना है अब इसके नाम को सिल्वर एट मत कर देना लेटिन वर्ड लिखोगे तो इसका नाम हो जाएगा अर्जेंटेट क्या बन जाएगा अर्जेंटेट वन वेरी नाइस क्वेश्चन काफी कुछ सीखा देता है हमें यह भी क्लियर हो गया अब लास्ट में हमारे पास चार और सवाल है नहीं पांच और सवाल है इनकी प्रैक्टिस करते हैं देखो मेरे पास है ये कॉम्प्लेक्स मैंने कहा ठीक है मैम सिर्फ कैटायन ही है अब इसमें हमें नामकरण करना है ये अमीन है ये ये क्लोरो है ये नाइट्रो है नाइट्रो तो ऑब्वियसली जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा इसका नाम लिखेंगे डाइ अमीन डाई अमीन क्लोरीडो ना अब देखो ये एन से जुड़ा हुआ है अगर ओ से जुड़ा होता तो ओ एन ओ लिखते मगर एन से जुड़ा हुआ तो एनओ टू लिख दिया तो नाइट्राइटो एन लास्ट में लिखेंगे प्लैटिनम अब बच्चों को चार्ज नहीं चमकता जीरो है नाइट्रो पे माइनस वन है सीएल पे माइनस वन है मतलब प्लेटिनम पे क्या होना लिखेगा, दिस इज जस्ट पोटेशियम दिस इज जस्ट पोटेशियम अब यहां देखो भाई साहब जैसे ही मेरा मेटल एनायन का पार्ट बना मेरे दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए भैया क्रोमेट लिखना है तो यहां पर देखना पोटेशियम में तीन चार्ज था तो यहाँ माइनस थ्री अब चार्ज निकाल लो एक्स माइनस सिक्स इज माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री यानी कि ऑक्सैलिक एसिड यानी कि ऑक्जलेट और कितने ऑक्सलेट है तीन तो ट्राई ऑक्सलेटो ट्राई ऑक्जलेटो बन गया आगे देखो अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है ये मैंने कहा लास्ट में क्लोराइड आएगा लास्ट में क्लोराइड आएगा बहुत ही बढ़िया तो okay. को तो क्या लिखूंगी कोबाल्ट थ्री क्या लिखूंगी कोबाल्ट थ्री सही है मैंने कहा यह पेंटा अमीन आएगा पेंटा अमीन आएगा और ये आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा अच्छा ये डी पार्ट होगा ना मैं सी में क्यों कर रही हूँ कब से ये डी पार्ट है ना अच्छा यहाँ पर भी सेम है यहाँ पर भी सेम है इसलिए गलती पकड़ी नहीं गई ये भी क्लोराइड है यहाँ पर भी क्लोराइड था ये भी कोबाल्ट थ्री है ये भी कोबाल्ट थ्री है मैंने कहा पेंटा अमीन कार्बोनेटो पेंटा अमीन कार्बोनेटो जो भी एनाइन होते हैं वो एटो या ओडो में इडो या एटो में लगते हैं जैसे क्लोरो था सी माइनस को क्लोरिडो सी एन माइनस को साइनाइडो सीओ थ्री टू माइनस को कार्बोनेटो तो ये भी क्लियर हो गया डी पार्ट अब एक बार सी पार्ट कर लो मैंने कहा लास्ट में क्लोराइड आएगा क्लोराइड आएगा अब यहाँ पे माइनस वन है तो ये प्लस वन एक्स माइनस टू इज वन यानी कि कोबालय पर भी कोबाल्ट आएगा ध्यान से देखो ये क्लोरीडो है तो क्या लिखूंगी डाई क्लोरीडो बिस इथेन वन टू डायमीन डाई क्लोरीडो बिस इथेन वन टू डायमीन अब एक लास्ट देख लेते हैं कि तुम्हें चमका या नहीं चमका फिर आगे बढ़ेंगे मैंने कहा मैम ये एच जी मतलब मर्क्यूरी तो सिंपल आगे मर्क्यूरी लिख दो मर्क्यूरी लिख दिया अब मैंने कहा यहाँ और ये ये देखो ये मेरा कॉम्प्लेक्स है सी ओ फोर, मैंने कहा मैम टेट्रा थायोसाइनेटो एस टेट्रा थायोसाइनेटो एस और ये यह यहाँ पे लास्ट में आएगा कोबाल्टेट देखो एच जी पे मैंने कहा प्लस वन है तो इस पे माइनस वन होगा तो एक्स माइनस फोर इज माइनस वन एक्स की वैल्यू प्लस थ्री यानी कि कोबालेट थ्री कोबालेट थ्री अब तुम सोच रहे होगी मर्क्यूरी वन लिखने की क्या जरूरत थी ये तुम वन ना भी लिखो तो भी चलेगा क्योंकि अगर तुम इसको वन लोगे तभी जाके कोबाल्ट की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री आएगी तो वो वन लिख लिखते हो तो बढ़िया नहीं लिखते हो तो भी बढ़िया नहीं यू कैन राइट क्लोरो ऑल्सो यू कैन राइट क्लोरिडो ऑल्सो बट आजकल क्लोरिडो साइनाइडो साइनो भी लिखते थे पहले जमाने में आजकल एनसीआर के अकॉर्डिंग क्लोरिडो इवन अभी जेई का पेपर हुआ दे आर ऑल्सो प्रेफरिंग क्लोरिडो साइनाइडो तो इडो में एंड करते हैं ठीक है काउंटर आयन पोजिशन के हिसाब से लिखना है क्या नहीं मतलब काउंटर आयन अगर केटाइन है तो आगे लिखोगे एनाइन है तो पीछे लिखोगे कोई पोजिशन मतलब बस ये तो देखना पड़ेगा ना केटाइन है या एनाइन है काउंटर आयन ठीक है इथिलीन डायमिन क्यों नहीं लिखा हमने जो उसका एक्चुअल आयुपेक नेम था इथेन वन टू डायमिन वो लिखा है ठीक है चलो डन है एग्जांपल फाइव पॉइंट टू का क्वेश्चन डी दी, बता दीजिए ना मैम प्लीज ये करा तो दिया डाई क्लोरिडो मतलब मैंने दो क्लोरीन लगाए हैं कहा गया ऑप्शन नंबर डी डाई क्लोरिडो मैंने दो क्लोरीन लगाए हैं बिस इथेन वन टू डायमीन इथेन वन टू डायमीन लगाया और कोबाल्ट थ्री लगाया तुम्हें मैं बता दू, इनकी इतनी जरूरी नहीं है जितनी इनकी प्रैक्टिस तो में, 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 अब इसमें काफी सारे दे रखे मैं पर्सनली कहूंगी कि सब सारे रिवाइज करना बट अगर तुम नहीं भी करते हो तो कम से कम जितने मैंने मार्क करें इतने तो रिवाइज करके जाने ही है ये था हमारा दूसरा छोटा सा प्यारा सा टॉपिक अब हम अपने आगे वाले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं uh, मगर उससे पहले मैं एक बार फाइल जरा सेव कर लेती हूँ फिर ही हम आगे बढ़ेंगे यस yes. चलो देख लेते हैं है ना अठारवे पन्ने पे हम आ चुके हैं वी आर देयर ऑन एटीन पेज और कहानी जानी है हमारी फोर्टी एट पेजेस तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमेरिज्म जो मैं अब आपके साथ डिस्कस करूंगी अब आइसोमेरिज्म को जितने बच्चे डरते हैं कि बड़ा मुश्किल टॉपिक है मुश्किल टॉपिक है आज तुम्हें पता चलेगा मुश्किल नहीं है बस समझदारी से करना है ये पूरा टॉपिक महान आसान टॉपिक है ठीक है ये बहुत ही आसान टॉपिक है लिंकेट सॉल्वेट सब मजा आ जाएगा बट तुम्हें ढंग से करना पड़ेगा तभी फील आती है सामने देखिए कह रहे आइसोमर्स क्या होते हैं आइसोमर्स आर दोस कंपाउंड जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज राइट तो देख लो दे हैव सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स अलग है दे डिफर इन वन और मोर डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज कह रहा है अब मेरे आइसोमेरिज्म ध्यान से सुनो मैं अपने तरीके से सिखाती हूँ ये जो टॉपिक है आइसोमेरिज्म हम इसको दो कैटेगरी के अंदर स्टडी करते हैं एक होता है मेरा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एक होते हैं मेरे स्टीरियो आइसोमर्स स्टीरियो मेरे फर्दर दो टाइप के होते हैं एक होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एक होते हैं मेरे ऑप्टिकल आइसोमर्स और स्ट्रक्चरल मेरे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं तो अगर आपसे टोटल आइसोमर्स पूछा जाता है तो आप स्ट्रक्चर और स्टीरियो दोनों को टेक केयर करेंगे अगर केवल स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो यही चार पांच वैरायटी जो हमें दे रखी है उनको सोचेंगे अगर टोटल स्टीरियो पूछा जाता है तो आप ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों देखेंगे अगर केवल ज्योमेट्रिकल पूछा जाता तो केवल ज्योमेट्रिकल अगर केवल ऑप्टिकल पूछा जाता है केवल ऑप्टिकल एटलीस्ट ये फ्लो डायग्राम सबको पता होना चाहिए दिस इज मैंडेटरी इतना आना चाहिए अब देखो कह है ये देखो स्टीरियो दो में है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल स्ट्रक्चर जो है वो हमें चार फॉर्म्स में दे रखा है बिफोर वी डू स्टीरियो आइसोमर पहले इन्होंने स्टीरियो समझा रखा है मैं स्टीरियो समझाऊं उससे पहले मैं जो मैं, आ, क्या कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर सिखाती हूँ आपको आसान लगेंगे सबसे पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर है मेरा लिंकेज आइसोमर इसमें थियोरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना पहचानना कह रहे है, मान लो मेरा ये एक कॉम्प्लेक्स है जिस कॉम्प्लेक्स को मैं ड्रॉ कर रही हूं उसको मैं थोड़ा मोटा मोटा ड्रॉ कर देती हूँ मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है क्या ये कॉम्प्लेक्स आपको नजर आया कैन यू सी दिस इज द कॉम्प्लेक्स जो मेरे पास गिवन है क्या आपको दिख रहा है इस कॉम्प्लेक्स में एक कोबाल्ट है मैंने कहा पांच अमोनिया है हाँ बाहर सी एल टू है हाँ बीच में एनओ टू लगा हुआ है आपको पता है एनओ टू तो एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है वो नाइट्रोजन की साइड से भी जुड़ सकता है ऑक्सीजन की साइड से भी जुड़ सकता है तो अगर मैंने इस कॉम्प्लेक्स को इस तरीके से लिखा सी ओ एन एच थ्री होल फाइव और यहां मैं लिख रही हूं एनओ टू और बाहर मैंने लिखा सी एल टू या तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी मैंने लिखा सी ओ एन एच थ्री होल फाइव ये बनेगा ओ एन ओ और बाहर बनेगा सी एल टू क्या दिख रहा है दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट दे आर डिफरेंट इन दियर स्ट्रक्चर जिसकी वजह से इन दोनों के जो प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग है तो अगर कभी भी किसी ऐसे आइसोमेरिक फॉर्म में किसी ऐसे कंपाउंड में जहां पर एम्बीडेंटेड लिगेंड जुड़ा होता है ऐसो को क्या बोलेंगे लिंकेज आइसोमर क्या बोलेंगे लिंकेज आइसोमर बोर्ड के एग्जाम्स में आपके नंबर कहाँ जाते हैं आपसे पूछा जाता है इलेबोरेट वट इज लिंकेज आइसोमरिज्म आपको पता तो है लिंकेज आइसोमर क्या है मगर आपको फॉर्मूला ये कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन ही नहीं करना आता भाई कॉम्प्लेक्स सिर्फ इतना वो चाहता है कि आप एक लाइन लिख दो कि एमबीडेंट एड लिगेंट होना चाहिए और ये ये कॉम्प्लेक्स लिख दो तुम्हें लाइन तो पता होती है तुम्हें कॉम्प्लेक्स नहीं याद होता और उस कॉम्प्लेक्स को क्योंकि याद नहीं है अब तीन नंबर का सवाल है लिखना तो ज्यादा सारा होता है तो तुम कहानियां मारते रहते हो तो कहानियां नहीं मारनी है डायरेक्टली एक एक कॉम्प्लेक्स याद रखना है तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूं ठीक है आगे देखिए अब मेरे पास एक आइसोमेर है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना भी जरूरी है क्या है पहले तो मैं आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है उसको मोटा मोटा लिख देती हूँ ये मेरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है एटलीस्ट अपने बोर्ड एग्जाम्स तक के लिए फॉर्मूला रट के चले जाओ यस आई एम यूजिंग द वर्ड रट के चले जाओ बिकॉज पेपर में वन मार्कर टू मार्कर में सवाल आता है एक्सप्लेन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तुम्हें यही नहीं पता होता कि कॉम्प्लेक्स क्या हो फिर फर्रे मारते रहते हैं पता नहीं क्या क्या लिख कर आते हैं पेपर में फिर नंबर गलत हो जाते हैं एटलीस्ट ये पता होने चाहिए आगे के लिए भी हेल्प करेगा दिस टाइप ऑफ आइसोमिज्म अराइजेस फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ लीगेंट्स बिटवीन द केटाइनिक एंड एनाइनिक एंटिटीज ऑफ डिफरेंट मेटल आय प्रम्प्लेक्स एक ये है और एक ये है ध्यान से देखना ध्यान से देखना क्या आपको यह नजर आ रहा है कि पहले कैटाइनिक पार्ट में कोबाल्ट था और कोबाल्ट के साथ अमोनिया था एनाइनिक पार्ट में क्रोमियम था क्रोमियम के साथ साइनाइड था कैटाइनिक पार्ट में क्या था कोबाल्ट कैटाइनिक में क्या था कोबाल्ट अब मैंने क्या कर दिया इसी कोबाल्ट को मैंने एनायनिक पार्ट में भेज दिया और क्रोमियम को मैंने कैटाइनिक पार्ट में लिख दिया या तो ऐसे समझो या ये समझो कि भाई पहले कोबाल्ट के पास अमोनिया था इसीलिए वो कैटाइनिक पार्ट में था अब मैंने कोबाल्ट के पास साइनाइड कर दिया इसीलिए वो एनाइनिक बन गया तो तुम अपने दिमाग को जैसे मर्जी सोचना चाहो सोच लो या तो लीगेंड का इंटरचेंज किया अब जैसे ही तुमने लीगेंड का इंटरचेंज किया मेटल पे चार्ज बदल गया मेटल पे चार्ज बदल गया मतलब पहले वो कैटाइनिक था अब वो एनाइनिक हो गया तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं जहां और ये तभी पॉसिबल होगा ना जब आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में केटाइन और एनाइन दोनों ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बिलोंग करते हो तो ये नहीं कि लीगेंड इंटरचेंज करना है या मेटल इंटरचेंज करना है लीगन इंटरचेंज करोगे ना तो मेटल पे चार्ज बदल जाएगा मेटल पे चार्ज बदल जाएगा मतलब जो कैटाइनिक हुआ करता था वो एनाइनिक हो गया जो एनाइनिक हुआ करता था वो कैटाइनिक हो गया इस तरीके के एग्जाम्पल को बोलते हैं कॉर्डिनेशन आइसोमर एक अगला आइसोमर है जिसको हम आयोनाइजेशन आइसोमर बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर मतलब इन दोनों को कंसीडर करो कंसीडर दीज टू जब आप इन दोनों को कंसीडर करोगे आप देखोगे यार इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला तो मैम डिटो सेम है

मैम ये क्या बला है हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म ध्यान से देखो ध्यान से सुनना अब कई बार बच्चे हमसे ये सवाल पूछते हैं ठीक है कई बार बच्चे हमसे ये सवाल पूछते हैं मैम आपको पता है पेपर में ना कई बार कलर ऑफ कंपाउंड्स पूछ लेते हैं हम कितने याद करेंगे मैम कितने सारे कंपाउंड्स हैं कैसे कलर याद रखेंगे मैं आपको एक बात बताती हूँ पेपर पूछने वाला भी कोई निर्दयी नहीं है जो आपसे कहीं से भी उठा के कुछ भी पूछेगा मगर जब उसने एक रेफरेंस बुक दे रखी है कि एटलीस्ट ये पढ़ कर आओ तो जो कलर्स इसमें मेंशन है वो हमें आने चाहिए वो हमारी ड्यूटी है इससे ज्यादा तुम करना चाहते हो तुम्हारे ऊपर है मगर इतने तो आने चाहिए तो कल को अगर आपके पेपर में ये मैं बोर्ड के लिए बात नहीं कर रही हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम कल को मान लो वो पूछता है कि सी आर एच टू और सिक्स सी एल थ्री आपको मैं बता दूं इसका कलर क्रोमियम थ्री प्लस है यहाँ पर इसका कलर जो है वायलेट होता है और और देख लो यहां पर पहले क्या था इस डब्बे के बाहर एक भी पानी का मॉलिक्यूल नहीं था मगर इसी का, का एक आइसोमर यहां पर देखो आपके डब्बे के बाहर एक पानी का मॉलिक्यूल आ गया और एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर आया तो सीएल अंदर सीएल पहले एक भी नहीं था अब अंदर एक सीएल आया अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगी कि लीगेंड के चेंज होने से कलर चेंज हो जाता है तो ये जो था ये वायलेट कलर का था ये जो था ग्रे ग्रीन कलर का है ये ग्रे ग्रीन कलर का है मैं ये नहीं कहती कि पूरे कलर पूछे जाएंगे वॉट इज द कलर ऑफ सी आर एच टू सिक्स सी एल थ्री बट हाँ कभी ना कभी ऐसा सवाल आता है जहां पर अगर आपको कलर रिलेटेड क्वेश्चन आए तो ये हिंट के तौर पे पता होना चाहिए कि सी आर एच टू सिक्स सी एल थ्री क्रोमियम थ्री प्लस है ना क्रोमियम का मान लो आपने एक uh, क्या कहते हैं हाइड्रेशन कॉम्प्लेक्स बनाया है जहां पर वाटर लीगन की तरह बिहेव कर रहा है ये वायलेट कलर का है और वो दूसरे वाला हरे रंग का है बाई दाइ आइसोमेरिज्म या हाइड्रेट होता क्या है भाई इसको मान लो तुम गर्म करो तो ये कोई भी पानी रिलीज नहीं करेगा जबकि अगर आप इसको गर्म करते हो तो वो ये वाला एक पानी जो है वो रिलीज कर देगा तो जिसमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन अलग अलग हो उस तरीके के आइसोमर्स को क्या बोलते हैं सोल्वेट या फिर हाइड्रेट आइसोमर्स ये मैंने अभी जो आपको कहानी सिखाई ये सिखाई मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की चार प्रकार के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और भी होते हैं बट अपनी एनसीईआरटी में चार प्रकार के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो हैं वो गिवन है ठीक है आगे देखिए अब मेरे पास जो है वो है ज्योमेट्रिकल मतलब स्टीरियो आइसोमर्स अब स्टीरियो आइसोमर्स को समझाने के लिए मुझे दो-तीन पन्नों की आवश्यकता पड़ने वाली है तो हम दो-तीन पन्ने जो हैं वो ऐड कर लेते हैं ठीक है ना हम दो-तीन पन्ने जो हैं ऐड कर लेते हैं एक यहाँ ऐड कर देते हैं नहीं यहाँ ऐड कर लेते हैं बस एक ही पन्ना ऐड कर लेंगे एनाफ है चलो एक और कर लेते हैं टोटल पचास स्लाइड हो जाएंगी कोई टेंशन नहीं है देखो अब ध्यान से समझना पहले मैं अपने तरीके से समझाती हूँ अब हम करने वाले हैं एक आइसोमर जिसको बोलते हैं स्टीरियो स्टीरियो आइसोमर्स पहले मेरी तरीके से समझना स्टीरियो आइसोमर्स हम दो तरीके के डिफाइन करते हैं एक होते हैं हमारे ज्योमेट्रिकल एक होते हैं मेरे ऑप्टिकल ध्यान से सुनना ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम वंस अगेन दो चीजों के लिए डिफाइन करते हैं एक मैं डिफाइन करती हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर फोर के लिए एक मैं डिफाइन करती हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर फोर के केस के में क्या होता है ध्यान से देखना कोऑर्डिनेशन नंबर फोर के केस में, में मेरे दो केसेस होते हैं एक तो मेरे पास टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है एक मेरे पास स्क्वेयर प्लेनर ज्योमेट्री है ध्यान से सुनना

या फिर मैंने दोनों ए को ऑपोजिट लगा दिया दोनों बी को ऑपोजिट लगा दिया ऐसे ही तो लिख सकते हैं यहां पर ये दोनों एक दूसरे के पास हैं तो इनको हम सिस बोल देंगे यहां ये दोनों एक दूसरे से दूर हैं तो इनको हम ट्रांस बोल देंगे यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में स्क्वेर प्लेनर में सिस और ट्रांस दो आइसोमर्स पॉसिबल है ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करूं तो अब तुम ये नहीं कह सकते ज्यादा दिमाग मत दौड़ाना न नॉट से देखो देखो यहां पर दो ए पास पास है जबकि यहां पर दो ए आपने दूर कर दिए जी नहीं टेट्रा हेड्रल में ऑल द फोर डिग्री ट्वेंटी तो ये दोनों ए के बीच में भी एंगल एक सौ नौ डिग्री था ये दोनों के बीच में भी एंगल एक सौ नौ डिग्री है कहने का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में टेट्रा हेड्रल में कोई जोमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता अब अगर मैं बात करती हूं कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स के लिए लेट अस टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स में सबसे पहले मैंने लिखा एम ए टू बी आप ऐसे लिख लो ए टू बी सी डी ई ये मेरा कंपाउंड है तो मेरे यहां पर दो पॉसिबिलिटी बनती हैं मैं यहां पर दो पॉसिबिलिटी बनाऊंगी पॉसिबिलिटी नंबर वन कि आप दोनों ए को एक दूसरे के एंटी वन एटी डिग्री पे लिख दो यहां बी सी डी ई लिख दो एक ये पॉसिबिलिटी है यहां पर मेरे ये दोनों ए एक दूसरे के ऑपोजिट है दे आर ऑपोजिट टू अदर ये मेरा ट्रांसफॉर्म हो गया एक और पॉसिबिलिटी कि आप दोनों ए को एक दूसरे के बाजू बाजू में लिख दो बी सी डी ई तो जब दोनों ए एक दूसरे के बाजू बाजू में ये हो गया मेरा सिस यहां पर सिस भी हो सकता है ट्रांस भी हो सकता है अब एक अगली पॉसिबिलिटी ये तब होती है जब मेरे पास एम ए थ्री बी थ्री है मतलब मैम इसका क्या मतलब है ऐसे लिखो स्कोर ये क्या कहते हैं स्क्वेर बाय पिरामिडल यानी कि ऑक्टाहेड्रल के फील्ड में बात कर रही हूँ एम ए थ्री बी थ्री या तो मैं तीनों ए को एक साथ लिखू तीनों बी को एक साथ लिखू या मैं तीनों दो ए को एक साथ ए एक ए एक को ऑपोजिट दो बी को एक साथ एक बी को ऑपोजिट और अगर ये ना ना चमके तो अब मैं अपना शॉर्टकट सिखाती हूं या तो तीनों ए को ज्वाइन करो तीनों बी को ज्वाइन करो क्या आपको दो पैरेलल प्लेन नजर आ रहे हैं तो या तो दो पैरेलल प्लेन नजर आएंगे इसको बोलते हैं फेक फेशियल इसको बोलते हैं फेक आइसोमर और अगर दो तीनों ए को ज्वाइन करो यहां पर तीनों बी को ज्वाइन करो अगर दे आर इंटरसेक्टिंग प्लेन इसको बोलते हैं मेरिडियोनल आइसोमर या फिर मर आइसोमर मैंने पूरा का पूरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको बहुत ही ढंग से समझा दिया ठीक है बच्चे एक सेकेंड ठीक <laughs> है डन है अब मैंने आपको पहले जोमेट्रिकल आइसोमर्स बहुत तगड़े से समझाया अब आप इसको देख लो इन्होंने क्या लिख रखा है कह रहे प्लेटिनम पे दोनों क्लोरीन सेम साइड पे है सिस प्लेटिनम पे दोनों क्लोरीन ऑपोजिट साइड पे है ट्रांस ये सिस और ट्रांस है कह रहे ऑफ दिस पर्टिकुलर मैंने कहा मैम इसका बनाना है तो कोबाल्ट पे चार अमोनिया दो क्लोरीन या तो दोनों क्लोरीन सेम साइड पे रखो सिस या दोनों क्लोरीन ऑपोजिट साइड पे रखो ट्रांस ये भी क्लियर हो गया कह दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज इन हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू डिफरेंट पॉसिबल जोमेट्रिक अरेग एम एक्स टू एल टू के बारे में डिस्कशन हो गई है अब वो कह रहा है भाई साहब ये जो सवाल है ये रिसेंटली आपके पेपर में पूछा गया है ठीक है ये बहुत ही प्यारा सा सवाल है जो पेपर में पूछा गया बट ध्यान से देखना कह रहे अदर स्क्वेर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप एम बी एक्स एल वेयर ए बी एक्स एल आर यूनिडेंटेट आइसोमर्स थ्री आइसोमर्स दो सिस एंड वन ट्रांस आर देयर अब मैं आप करके दिखाओ एम ए बी सी डी के लिखना जरा यहां लिखो लिखो और मुझे बताओ एम ए बी सी डी के कितने आइसोमर्स बनते हैं दिस इज योर क्वेश्चन एम ए बी सी डी के हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर आई मीन हाउ मैनी जोमेट्रिकल पॉसिबल करके दिखाओ एम ए बी सी डी ये अभी सवाल पूछा गया 2023 के पेपर में मैं झूठ नहीं बोल रही मैं मजाक नहीं कर रही है 2023 का पेपर का सवाल है और सवाल आया कहां से एनसीआर की लाइन से कह भी रहा है कह रहा है यू में अटेम्प टू ड्रॉ थ्री स्ट्रक्चर तुम ये तीन स्ट्रक्चर बना के भी देख सकते हो मैंने क्या किया मैंने कहा मैम ए को फिक्स करो ए को फिक्स कर दो अब या तो बी इसके सामने रखो सी इधर आ गया डी इधर आ गया A को फिक्स करो सी सामने रखो बी इधर आ गया डी ए को फिक्स करो इसके सामने रखो इधर आ गया सी अब कुछ मर्जी कर लो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर एम एबीसी भाई साहब बेस्ट चीज है और ये सवाल 2023 के पेपर में पूछा गया है तुम्हें मेरे पे विश्वास ना हो तुम अपने प्रीवियस क्वेश्चंस उठा के देख लो और मैं तो बोर्ड्स की बात भी नहीं कर रही मैं तो कह रही हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में एम ए बी सी डी का सवाल कितनी बार रिपीट करके पूछा गया सवाल पूछा कहाँ से एन सी आर टी से सवाल पूछा कहाँ से एन सी आर टी से अब ये क्लियर हो गया हाँ यह, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं अब ज्योमेट्रिकल uh, आइसोमर इसका बनाना है देखो एम सी ओ सी एल टू ई एन ट्वाइस करके देखते हैं सी ओ सी एल टू ई एन होल ट्वाइस इसके मुझे जी आई बनाने हैं मैंने कहा सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर देखा करो दो और चार कोऑर्डिनेशन नंबर छे है तो हम ऐसे बनाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर छ का मतलब ऐसे अब सेंट्रल में कोबाल्ट लिख देना दो पॉसिबिलिटी है या तो दोनों ई एन सेम साइड पर रखो और दोनों सी एल सेम साइड पे रखो एक तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी दोनों ई एन ऑपोजिट साइड पे ये मैंने डब्बा बनाने का मतलब यहां पर इथिलीन डायमीन है ये लिख दो इथिलीन डायमीन तो या तो दोनों सी एल ऑपोजिट है तो ये मेरा ट्रांस बन गया या फिर दोनों सी एल मेरे सेम साइड पे है ये मेरा सिस बन गया अब कोई भी ज्यादा दिमाग मत लगाना ये मत कहना शुरू करना मैम मैम ये देखो एक यन यहाँ रखो एक यन यहाँ रखो, रखो जब भी आपका चीलेट बनेगा कोशिश करेंगे ऐसे बहुत लंबी रिंग नहीं बनाएंगे नहीं तो वो टूट जाती है अनस्टेबल हो जाती है 180 डिग्री पे नहीं बनाएंगे रिंग हमेशा ऐसे ही रिंग बनाएंगे ऐसे ही भाई इसके वाला इसके वाले से ही जुड़ेगा यानी कि एक टॉप पे नीचे पे जुड़ रहा है सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल ये ये अलाउड ही नहीं है देखो इथिलीन डायमीन का हो गया अब एम ए थ्री बी थ्री की मैंने आपको कहानी दे दी देखो यहां पर दो प्लेन्स दीज आर पैरेलल टू ईच अदर इसको बोलते हैं यहां पर दो प्लेन्स दीज आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको बोलते हैं मर दो हजार मर, मर आइसोमर 2023 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मैं मजाक नहीं करती हूं ये आपने की कहानी पढ़ ली। अब एक अगला टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाती हूं इसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ब्यूटीफुल टॉपिक पहले ये मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगी ठीक है फिर हम एनसीआरटी पे वापस आएंगे फाइल को सेव कर लेते हैं फर्स्ट आई विल टीच इट इन माय ओन वे देन विल बी सॉल्विंग एनसीईआरटी में क्या क्या दे रखा है पहले हम अपने तरीके से पढ़ेंगे देखो अरे किधर गया खाली पटना ये रहा अब मैं आपको बताऊंगी ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं ध्यान से सुनना ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स का मतलब ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं अगर कोई भी कंपाउंड लाइट को राइट right में रोटेट करेगा उसको डेक्स्ट्रो बोलते हैं कोई भी कंपाउंड लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेगा उसको लीवो बोलते हैं ठीक है मतलब विच कैन शो इंटरक्शन विद प्लेन पोलराइज लाइट तो अगर आपके कंपाउंड के अंदर ऑप्टिकल आइसोमर है मतलब इफ कि यू वांट टू चेक कि क्या मेरा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो आप बस ये चेक करोगे कि आपके कंपाउंड में पी ओ एस नहीं होना चाहिए देयर शुड बी नो प्लेन ऑफ सिमिट्री अगर आपके मॉलिक्यूल में कोई भी प्लेन ऑफ सिमिट्री है आपका मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा बात खत्म मुद्दे की बात यही है अगर आपको चेक करना है कि क्या आपके मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी है या नहीं बस आप चेक करो आपके कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं होना चाहिए अच्छा मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस करके बताओ क्या मेरा कंपाउंड एम ए टू बी टू ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं अगर मैं स्क्वेर प्लेनर की बात करती हूँ क्या मेरा कंपाउंड एम ए टू बी टू ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं अगर मैं टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल की बात करती हूँ मेरे पास कंपाउंड है एम ए टू बी फोर आप मुझे पता करके बताओ क्या इसका सिस फॉर्म ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं कैसे पता करेंगे मैंने कहा मैम आपने सिखाया था मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए जब आपने कंपाउंड ही स्क्वेर प्लेनर लिख दिया तो आधा भी ऊपर आधा भी नीचे आधा ए ऊपर आधा नीचे आधा ऊपर आधा नीचे आधा भी ऊपर आधा भी नीचे आधा मेटल ऊपर आधा मेटल नीचे तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकली इनएक्टिव यहाँ पर देखो एम ए टू बी टू मैंने कहा मैम कुछ मर्जी कहो अगर आपने ये एक प्लेन ऑफ पेपर ले लिया तो एक ए आगे की साइड है एक ए पीछे की साइड है यानी कि बीच से आप मॉलिक्यूल को पास कर रहे हो एक आगे ए है एक पीछे ए है मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है ये क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव मैंने कहा ये देखो एक प्लेन जिसमें ऊपर ए है नीचे नीचे ए है तो प्लेन ने मॉलिक्यूल को आधे आधे हिस्से में डिवाइड कर दिया क्योंकि मेरे कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है ये है ऑप्टिकली इनएक्टिव किसी भी कंपाउंड में जिसमें आप ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना चाहते हो बस याद रखिए उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए देयर शुड बी नो प्लेन ऑफ सिमेट्री अब ये लिख रखा है अब मैं बताती हूं सबसे ज्यादा गंदी कंफ्यूजन कहां पर होती है ठीक है सबसे घटिया जो कंफ्यूजन होती है वो यहाँ होती है मैं आपको बताती हूँ एक और मुझे पन्ना चाहिए पड़ेगा आई नीड वन मोर तो तुम देख लो यार एनसीआर में कितना कुछ दे रखा है और अगर इसी को तुमने ढंग से समझ लिया प्रॉब्लम ये होती है हमें बस ज्यादा 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 की चिंता होती है और हम जो गिवन होते हैं वो पढ़ते ही नहीं है एम आप करो इसको ई एन होल्ड वाइस ए टू आपको मुझे ये बताना है कि इसका सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं मैंने कहा मैम ये ऐसे होगा M. कई बार हम ई एन की जगह ऐसे भी लिख देते हैं ट्वाइस ट्वाइस मतलब इथिलीन दोनों ए से जुड़े हुए हैं मैंने कहा मैम एक बात बताओ ये कुछ ऐसा है इसका सिस फॉर्म बनाओ इसका ट्रांस फॉर्म बनाओ मुझे बताओ दोनों में से कौन ऑप्टिकली एक्टिव है कौन नहीं है मैंने कहा मैम ट्रांस मतलब एक ए यहां एक ए यहां ये दोनों ये दोनों अब क्या आपको नजर आ रहा है कि अगर इसको आपने प्लेन ऑफ पेपर माना तो मॉलिक्यूल का ऊपर भी ए है नीचे भी ए है यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखी तो ये क्या हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव है अब मैं बात करती हूँ पता करके बताओ ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव है मैंने कहा सिस अब सिस में कई बच्चे बहुत गंदी गंदी गलतियां करते हैं देखो मैं बताती हूँ क्या गलती कहते ये देखो सिस मतलब दोनों ए सेम साइड पर रख दो इन दोनों को यहां से जोड़ दो इन दोनों को यहां से जोड़ दो ये बनाया अब मैं मैं सही बता रही हूं हम जिस बुक को एकदम घटिया बोल देते हैं ठीक है कि कुछ नहीं है इसमें हाईफाई कराओ मैम कैसी बातें कर रहे हो एनसीईआरटी करा रहे हो आता नहीं क्या आपको केमिस्ट्री पढ़ाना बहुत सिंपल है मैम कुछ अच्छा पढ़ाओ ये एग्जाम्पल ना जाने कितनी बार आपके जेई के पेपर में आपके नीट के पेपर में एज सच पूछा गया है और फिर भी मैक्सिमम बच्चे इस सवाल को गलत करके आते हैं बच्चे की आंखों से देखो मतलब तुम देखो एक लेमैन की थॉट से वो कह रहा है ये देखो क्या तुमको एक ऐसा प्लेन नहीं दिखाई दे रहा जो बीचो बीच काट रहा है ये ए है ये ए है ये ऊपर है ये ऊपर है, है ये नीचे है ये नीचे है मतलब तुम में से भी कितने सारे बच्चों को यहां पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आएगी नजर आई आए प्लेन ऑफ सिमेट्री और तुम कह देते हो कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है अब मैं तुम्हें बताती हूं बड़े ध्यान से इस चीज को समझना ठीक है ये ए था ये ए था ये प्लेन है ये क्या है प्लेन ये जो बॉन्ड था ये अब द प्लेन था ये बॉन्ड क्या है अबव द प्लेन ऑफ पेपर ये बॉन्ड क्या है बिलो द प्लेन ऑफ पेपर ये है पीछे वाला बॉन्ड और ये है आगे की साइड वाला बॉन्ड अब तुम कुछ भी कर लो तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं नजर आएगी और जिनको नहीं चमका जिसको नहीं चमका सामने देखो ये मेरा प्लेन ऑफ पेपर है इस पर मैंने कोई तुम्हारी डीपीपी सॉल्व कर रखी है ये मेरा प्लेन ऑफ पेपर है ठीक है ये ऊपर एक ऊपर ये मोटे वाला ब्लू कलर का डंडा है ये नीचे नीचे वाला डंडा है यहां पर मेरे दोनों ए इन द प्लेन ऑफ पेपर हैं एक बॉन्ड पता क्या है ऊपर और आगे ऊपर और आगे जो दूसरा बॉन्ड है वो है नीचे और पीछे नीचे और पीछे अब मुझे एक बार बताओ एक जो आपका ये क्या कहते हैं पिज्जा का वो बन रहा है है ना ये जो आर्क सी बन रही है एक इधर की साइड है एक नीचे की साइड है तो तुम्हें कहाँ से प्लेन नजर आया जो मॉलिक्यूल को दो हिस्सों इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है हमारी नजरें टू डी में देखना चाहती कह रहा है मैं कह रही हूं नहीं है थ्री डी है, है तो देर इज नो प्लेन ऑफ सिमिट्री अगर देर इज नो प्लेन ऑफ सिमिट्री तो ये ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएगा और मैं तुम्हें प्रूव कर सकती हूं देखो कितनी प्यारी चीज यहां पर दे रखी है ये देखो यही है कह रहा ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो है यानी कि ये कंपाउंड यही तो कंपाउंड है ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है दिस इसका वो भी सिस आइसोमर जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है सिमिलरली अगर आपने ये ले लिया सी ओ ई एन होल थ्राइस पे थ्री पॉजिटिव अब तुम मतलब अजीबोगरीब तरीके से देखोगे तो तुम कहते हो ये देखो ये देखो ये देखो, देखो. मैम ये देखो कट रहा है भैया नहीं कट रहा तो कभी भी पंखा नजर आए या ये तुम्हें ऐसी फील नहीं आ रही है कि वो घास काटने वाली वो नहीं होती है मशीन एक कैंची सी होती है घास काटने वाली यहां से पकड़ो एक कैंची सी नहीं है जो घास काट रही है या तुम इसको पंछी मान लो तो कभी भी पंछी नजर आए तो याद रखना वो ऑप्टिकली एक्टिव था ये नहीं ऑप्टिकली इनएक्टिव मार्क करके आ गए या पंखा नजर आए कहा गया पंखा तो पंखा नजर आए याद रखना वो ऑप्टिकली क्या था ये पंखा सा नजर आए याद रखना ऑप्टिकली बीच बीच काट दिया कितना ही दिमाग लगाओगे चार सी एन है सीएन सी एन सी एन सी एन या तो दोनों अमोनिया को ऑपोजिट साइड पे लिख दो या दोनों अमोनिया को तुम सेम साइड पे लिख देते टाइम पास वाले सवाल नहीं करने मैंने ये देखो आउट ऑफ फॉलोइंग टू कोऑर्डिनेशन एंटिटीज व्हिच इज काल मतलब इनमें से ऑप्टिकली कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कौन है सिस या ट्रांस पहले तो फॉर्म देख लो मतलब मैंने कहा मेटल मेटल है metal पे दो ए है और ए ए होल ट्वाइस है मैंने कहा ट्रांस अभी अभी हमारी मैम ने सिखाया ये ए ये ए ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये ऑप्टिकली एक्टिव है बात खत्म ये था आपका आइसोमर आइसोमेरिज्म से हमेशा बच्चा केवल इसलिए भागता है क्योंकि उसने मतलब ऊपर ऊपर से चीजें सीखी होती है मैं कह रही हूं कम सीखो मगर इतनी गहराई में जाके सीखो कि एनसीआरटी ही ढंग से सीख लो तो तुम्हारे मेंस और नीट के सवाल हो जाएंगे एडवांस की बात होती ना मैं और कॉम्प्लिकेटेड सवाल कर रहा मेन्स और नीट में इससे ज्यादा सवाल नहीं आ रहे तुम काहे बारी बारी परेशान होते हो ठीक है डन है चलो डन है चलो ये हो गया ओके अब हमारे इस क्लास का देखते हैं कितना पढ़ाव पूरा हो चुका है फाइल सेव कर लेते हैं फिफ्टी टू पन्ने अपने को करने थे जिसमें से ट्वेंटी एट हमारे हो चुके हैं अब हमारी कहानी जाकर रुकेगी जब वीबीटी खत्म होगा तो थर्टी फोर पे अब हम एक ब्रेक लेंगे फिर हम अगला ब्रेक लेंगे थर्टी फोर के बाद फोर्टी थ्री पे और लास्ट में फिर हम ब्रेक लेंगे जब हमारा चैप्टर खत्म होगा ब्रेक मतलब यही एक आधे मिनट का जो हम ब्रेक लेते हैं अब मैं आपको वीबीटी पढ़ाना स्टार्ट करूंगी उससे पहले किसी को कोई दुख है प्रॉब्लम है तो पूछ लो ठीक है मैम आपने बोर्ड्स के टाइम पे केमिस्ट्री की एनसीईआरटी ही पढ़ा था भाई मैं अपनी जर्नी बता देती हूँ जब मैं कक्षा ग्यारहवीं बारहवीं में थी ठीक है तो मुझे मतलब मैं तुम्हें थोड़ा सा शुरू से बताती हूँ जब मैं टेंथ में थी ना तब तक मैं किसी ट्यूशन व्यूशन पर नहीं गई थी मेरा ये मानना था मतलब मुझे ऐसा बचपन से सिखाया गया था कि अगर आप ट्यूशन जाते हो ना ट्यूशन सिर्फ वीक बच्चे जाते हैं ठीक है हाँ ये ऐसा था हमारे घर में ये चीज़ थी कि ट्यूशन वही बच्चा जाता है जो घर पे खुद से सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता तो टेंथ तक तो मैं कोई ट्यूशन नहीं गई जितना आता था और अब जो टेंथ के पेपर है वर्सेस उस टाइम होते थे खैर अब आसानी से तुम्हें नंबर मिल जाते उस टाइम पे भी नहीं मिलते थे और अगर यही बात मेरी मम्मी कहेगी तो कहेंगी हमारे टाइम पे तो बिल्कुल ही नहीं मिलते थे तो वो एक अलग केस हम रख लेते हैं ठीक है बट हाँ तो टेंथ तक मेरे को ट्यूशन का कोई अता पता नहीं था मुझे लगता था कि भाई खुद से मेरे को समझ आ जाता है तो आई गो हैड विद दिस ओनली फिर हुआ क्या जब मैं क्लास ग्यारहवीं में आई अब टेंथ में मैं खुद मतलब अपने स्कूल की टॉपर थी मैं एकदम बढ़िया खुश कि ठीक है बढ़िया अब मैंने तो मेरे ख्याल से कॉमर्स का फॉर्म भर दिया था वो टेंथ में ही फॉर्म नहीं दे देते मैंने कॉमर्स का फॉर्म भरा था मेरे को साइंस वाइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था तो फिर जब हमारा रिज़ल्ट आया वो टेंथ के प्री बोर्ड्स वी बोर्ड्स हुए थे उससे पहले ही भरवा लेते ना एलेवंथ में क्या चाहिए शायद तो जब रिज़ल्ट लेने गए तो मेरी मैम ने फॉर्म लिया फॉर्म को काटा पता नहीं फाड़ा या वो काट के कह रही कि अगर टॉपर बच्चा ही है ना स्कूल का टॉपर बच्चा ही साइंस नहीं लेगा तो कौन लेगा ये मेरी मैम की डायलॉग था मुझे आज भी याद है अगर स्कूल का टॉपर ही साइंस नहीं लेगा तो बताओ कौन लेगा तो उन्होंने कॉमर्स काट के साइंस लिख दिया अब ग्यारहवीं में जब मैं गई तो मेरी तो बैंड बज गई मुझे लिटरली नहीं समझ आता था वो क्या पढ़ाते थे कि एक्सेलरेशन कितनी है ये वो फ्लान मेरे लिटरली ऊपर से जाता था एनसीआरटी पढ़ती थी मुझे कुछ समझ नहीं आता था भाई मैंने टेंथ में एक एक चैप्टर को हम पांच पांच बार पढ़ते थे तब जाके ऐसा लगता हाँ अब आ गया अब इलेवेंथ में गए और इलेवंथ में इतना सारा काम एक ही दिन में करा दिया मुझे कुछ नहीं चमका हमारे स्कूल वालों ने एक महीने के बाद यूनिट टेस्ट लेना चालू कर दिए मेरे पच्चीस पच्चीस नंबर के यूनिट टेस्ट होते थे मैथ्स में आए छः सात नंबर फिजिक्स में भी आए होंगे छः सात नंबर केमिस्ट्री में ठीक है थोड़े थोड़े दस पंद्रह नंबर मेरे बन गए थे मैथ्स और फिजिक्स मेरी बिल्कुल खत्म थी फिर मैं टेंशन में आ गई मैंने अपनी टीचर को जाके कहा मुझे क्लास में कुछ समझ नहीं आ रहा तो टीचर कहती कोई बात नहीं मेरे पास ट्यूशन आ जाना तो मैंने कहा यार ये कैसी बात है जब मुझे क्लास और मैं फाइनेंशियली इतनी है हा ना हाई फाई घरों में से नहीं थी कि भाई अगर मैं मम्मी मम्मी को सब्जेक्ट पूरी सारे सबकी ट्यूशन लगानी है तो इतने पैसे नहीं थे तो फिर हुआ क्या हाँ मैम आ, अच्छा मैम आपकी मैम की वजह से हमें बेस्ट केमिस्ट्री टीचर मिल गया वो वो देखो जो भी तुम कह सकते हो आगे की कहानी सुनो फिर हुआ क्या फिर आ, मेरे को टेंशन होगी कि यार मैम कैसी अजीब सी मैम और मेरे को उन टीचरों से बड़ी चिड़ मचती थी जो ये कहते थे हम क्लास में नहीं पढ़ाएंगे तो मेरी ट्यूशन पे आके पढ़ना मतलब उनको आता है तो जब आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो भी अच्छा पढ़ाओ भले ज्यादा ना पढ़ाओ बट जितना पढ़ा रहे हो अच्छा पढ़ाओ ना सो so दैट uh, मैं ट्यूशन जाऊँ ना जाऊँ मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना कि क्लास में वो हमारी केमिस्ट्री की मैम थी वो आती थी मेरे को सबके नाम भी याद है एंड आई ट्रूली रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम बट हाँ वो मेरे को क्लास में समझ नहीं आता था शी यूज़ टू कम इन क्लास एंड वो यहाँ से लिखना स्टार्ट करती थी फटाफट 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 यहाँ तक लिख देती थी मैम मेरे सब कुछ ऊपर से जाता था कि चल क्या रहा है मेरे को अभी भी याद है मोल कॉन्सेप्ट का पहला चैप्टर करा रहे मेरे लिटरली पल्ले नहीं पड़ रहा मैं सोच रही उसमें वो नहीं दे रखा टाइम के इनकी यूनिट्स की डेफिनेशन करनी है क्या करना है कुछ समझ ही नहीं आ रहा फिर मैंने बड़ी मुश्किल से अपने दोस्तों वोस्तों से पूछा क्या रे हाँ हमने तो सारी ट्यूशन रख रखी है तू नहीं रखी हमने तो इलेवंथ मतलब टेंथ में ही रख ली थी हमने तो इलेवंथ पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दिया बस वहाँ पर फिर मेरे साथ है ना वो डिप्रेशन वाली सिचुएशन आनी चालू हो गई कि मुझे समझ ही नहीं आया कि चल क्या रहा है मेरी लाइफ में तो मेरी लगभग आधी से ज़्यादा इलेवेंथ ऐसे ही फेल हो हो होकर हो हो आगे बढ़ी फिर मुझे काफ़ी टाइम बाद रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार ट्यूशन के बिना काम नहीं हो रहा तो इलेवंथ के जब मिड टर्म में भी मैं फ़ेल हो गई थी शायद मिड टर्म ही था ना हाँ या यूनिट टेस्ट थे तो मेरे नंबर नहीं आते थे फिर मेरे पापा ने ट्यूशन रखवाई अब ट्यूशन में पहले क्या होता था एक ट्यूशन पर सब कुछ पढ़ा दिया जाता था बट जब अब इलेवंथ में ट्यूशन लगी तो मेरी फ़िजिक्स की ट्यूशन अलग थी केमिस्ट्री की अलग थी मैथ्स की अलग थी सी की ट्यूशन और आई आई टी जेई का तो मुझे दूर दूर तक अता पता नहीं था है ना दूर दूर तक मुझे पता ही नहीं था कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी कुछ होता है आ, तो हुआ क्या मैं ट्यूशन पे जाती थी अब ट्यूशन गई अब ट्यूशन भी ऐसी मिली कि मेरे को सुबह पाँच बजे मेरी पता नहीं मैथ्स की ट्यूशन होती थी फिर पाँच बजे ट्यूशन जाके फिर मैं स्कूल जाती थी स्कूल से वापस आके और तब तक टेंथ तक मुझे ये भी लगता था कि स्कूल की छुट्टी मारना बड़ा बुरा होता है मतलब एकदम सिंसियर बच्चों को समझ लो तुम बिल्कुल वैसे इमेजिन कर लो मेरे को कि स्कूल की छुट्टी मारूंगी तो बड़ा खराब होता है तो मैं स्कूल भी रोज जाती थी मुझे वहां कुछ समझ भी नहीं आता था फिर जैसे ही दो ढाई बजे स्कूल से आती थी तीन से पाँच केमिस्ट्री की ट्यूशन होती थी फिर साढ़े एक घंटा वहां वेस्ट होता था छः से आठ फिजिक्स की ट्यूशन होती थी साढ़े आठ रोते रवाते मैं घर आती थी उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं कुछ पढ़ूं तो मतलब मैं इलेवेंथ में जिन जिन ट्यूशन्स पर भी गई वो भी मेरे सर के ऊपर से गई ठीक है फिर मतलब बस मुझे इतना पता है कि मेरे केमिस्ट्री के जो सर थे वो बहुत अच्छे थे एटलीस्ट वो एन अच्छी पढ़ाते थे कॉम्पिटिशन का तो मेरे को नाम ही नहीं पता था तब तक तो बस ऐसे पास होते होते बड़ी मुश्किल से मैं इलेवेंथ में हो गई फिर मेरे को ट्वेल्थ से पता चल गया कि ट्यूशन के बिना मेरा काम नहीं होगा फिर मैंने ट्यूशन जाना शुरू किया स्टार्टिंग से ही फिर ट्यूशन जाती थी सर के पास एक्स्ट्रा ट्यूशन पढ़ी कि मेरे को इलेवंथ स्ट्रॉन्ग करा दो क्योंकि मेरे को अगर इलेवंथ नहीं आएगी तो ट्वेल्थ तो कहाँ से आएगी तो ये सारी कहानियां हुई अः तो एक साल बिल्कुल बर्बाद करने के बाद जैसे तुम लोग बोलते ना हमारी इलेवेंथ वेस्ट हो गई है तो हमारी भी हुई थी ठीक है उसके बाद मुझे पता चला ट्वेल्थ में मैंने इलेवंथ और ट्वेल्थ दोनों का पढ़ा था पूरा अच्छे से पढ़ा मगर फिर ये कॉम्पिटिशन वॉम्पिटिशन की कहानी कभी और बताऊंगी आज ये बता देती हूँ क्या कह रहे थे तुम कि आपने ट्वेल्थ में एनसीआर पढ़ी थी तो तुम समझ रहो मेरे जैसे बच्चे के लिए जिसने बड़ी मुश्किल से मतलब ये साइंस वाली चीजें पढ़ना उस टाइम पे सीखा था अब गलती ये नहीं थी कि मेरे में दिमाग नहीं था दिमाग खूब था मेरे में बस गाइडेंस नहीं थी पता नहीं था कि कहाँ से करना है कितना करना है और मेरे स्कूल में बस ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया जाता था मुझे नहीं समझ आता था मैंने बहुत स्ट्रगल किया फिर ट्वेल्थ में मुझे पता था कि मेरे पास एक एन है और मेरे को ट्यूशन पे एक सर ने ना बुक दी थी क्योंकि मेरे इलेवेंथ में फिर लास्ट में अच्छे नंबर आए थे वो एक प्रदीप्स करके बुक होती थी बहुत मोटी सी बुक होती थी तो उसमें कुछ लास्ट में वो क्वेश्चन होते थे तो मैंने अपने बारहवीं के समय पे सिर्फ एनसीईआरटी करी थी एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन सब मतलब पूरी एनसीईआरटी मतलब मैंने पूरी एनसीईआरटी करी थी तो हाँ और मेरे केमिस्ट्री में तुम तुम्हें फिर पता ही है कि मैं अपने स्कूल की भी टॉपर थी कक्षा बारहवीं में तो वो था मेरा सफ़र फ्रॉम अ फेलियर टू ट्वेल्थ टॉपर इन कक्षा बारहवीं ठीक है तो हाँ मतलब वही है कि अगर आपको कोई गाइड नहीं कर रहा आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है तो आप फंस जाते हो बट जब आपको एक राइट ट्रैक पता है कि ये करना है है ना तब मैंने सोच लिया था इतना ही करना है फिजिक्स के लिए भी मैथ्स के लिए भी मैंने पूरी पूरी एनसीआर ढंग से करी थी कोई एक्स्ट्रा बुक्स मेरे पास थी नहीं ठीक है जो सीनियर ने दी कि भाई मैं बोल देती थी यार बुक खाली है तो दे दो तो जो मिलती थी लाइब्रेरी से मिलती थी उतना ही किया था कोई मेरे पास एक्स्ट्रा बुक्स नहीं थी शुरू में अः कोई एक्स्ट्रा मैं कभी ट्यूशन या कोचिंग नहीं गई थी तो जितना समझ आता था एनसीईआरटी सी आर इसलिए एनसीआर मेरे दिल के बहुत करीब है भाई लोग कहते हैं एकदम घटिया बुक है मैं कहती हूँ यार इसमें इतनी चीज़ें दे रखी अब तो टीचिंग करते हुए भी मुझे कितने साल हो गए इस फील्ड में कितने साल हो गए तो उसके बाद मैंने कितनी बुक्स पढ़ी होंगी तब मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ ना बट स्टिल मैं कहूंगी कि एनसीआर में जितना दे रखा है ना भाई साहब वो बहुत अच्छा होता है तुम कर जाओगे ठीक है चलिए ओके डन अब हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं तीन बच्चों की है एक बजे कार्यक्रम हमने स्टार्ट किया था एक घंटे का समय और है है ना चार साढ़े चार तक कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना वाइंड अप कर देते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको कराऊंगी कुछ एप्लीकेशन है वो हम करेंगे बट वंस अगैन मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगी एन में जो दे रखा उससे कोर्डिलेट करेंगे कह अब हमें ये देखना है कि जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो बनते कैसे हैं लिख तो दिए हमने इतने सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अब पता करके बताओ यार इनकी थ्योरी क्या है इनके पीछे ये बने कैसे अब वो कह रहे हैं बहुत सारे अप्रोचेस दिए गए देख लो मेनी अप्रोचेस हैव बीन पुट फोर्थ टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे कि वीबीटी दिया गया सीएफटी दिया गया लीग एंड फील्ड थियोरी एंड मोलिकुलर और बाइटल थियोरी दिया गया बड़े सारे थ्योरीज दिए गए मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वीबीटी और मेरे लिए एक और थियोरी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है सीएफटी हम ये दो थियोरी पढ़ेंगे एक है वीबीटी एक है सीएफटी और अगर तुम्हें किसी ने यह कहा कि वीबीटी बहुत ही आउटडेटेड है है ना तो वीबीटी नहीं पढ़नी चाहिए सीएफटी पढ़नी चाहिए मैं कह रही हूं फिर बकवास है आपके पेपर में वीबीटी से भी उतने ही क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं जितने CFT से आते हैं और दोनों ही पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसीलिए ध्यान से समझना कह रहा है अच्छा आपको वीबीटी पता है केमिकल बॉन्डिंग में हमने क्या पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थियोरी अगर किसी भी एक एटम को बॉन्ड बनाना है तो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस और बाइटल्स को यूज करके बॉन्ड बनाता है ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा कोऑर्डिनेशन में वीबीटी का क्या महत्व है ये क्या कहता है सामने देखिए कह रहे हैं द मेटल एटम और द आयन अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ द लीगेंट्स कैन यूज इट्स एन माइनस वन डी ऑरबाइटल एन एस एन पी या फिर एन एस एन पी एन एन डी ऑरबाइटल फॉर हाइब्रिडाइजेशन टू गिव सेट ऑफ एंटाइट ऑफ डेफिनेट जो एस ब्ला अभी सब पहले जो एनसीआरटी वाले कह रहे हैं वो देखते हैं कह रहे हैं मैम कुछ समझ नहीं आया देखो मैं बता रही हूँ तो VBT मुझे ये कहता है VBT कहता है कि मान लो मेरे पास एक सेंट्रल मेटल आयन है इसके पास थ्री डी भी है इसके पास फोर एस भी है फोर पी भी है फोर डी भी है तो या तो ये सेंट्रल मेटल आयन अपनी एन माइनस वन डी एन एस और एन पी और बाइटल यूज करेगा या फिर ये सेंट्रल मेटल आयन अपनी एन एस एन पी और एन डी और बाइटल यूज करेगा जब ये अपनी ऑर्बाइटलो को यूज करेगा ये आपस में ऑर्बिटल्स मिक्स होंगी ये हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगी तो जब ये मेरे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगी जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनकर तैयार हो जाएंगी अब लीगेंड आएगा और जब लीगेंड आएगा वो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइब्रिड ऑर्बिटलों को देगा बस यही सार है वीबीटी का ये वीबीटी का सार है मैम देगा कैसे क्या क्या एग्जाम्पल्स आते हैं वो अब मैं तुम्हें कराऊंगी सबसे पहला मेरा एक कॉम्प्लेक्स है सी ओ एन एच थ्री होल सिक्स थ्री पॉजिटिव ये पूरे पन्ने पे इन्होंने लिख रखा है हम अगले एक पेज हम लेना चाहेंगे वहां पर हम समझाएंगे ठीक है यहां पर न्यू स्लाइड कर देते हैं चलो मेरे पास कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है ध्यान से देखो सी ओ एन एच थ्री होल सिक्स थ्री पॉजिटिव पहले मैं अपने तरीके से बताती हूँ सी ओ एन एच थ्री होल सिक्स पे थ्री पॉजिटिव पता है क्या होगा? सबसे पहले मैं हमेशा सेंट्रल को जा के बोलूंगी हां जी भैया क्या हाल चाल कह रहे हाँ, हाँ सब बढ़िया मैंने कहावन फॉरेस्ट टू मैंने कहा कह क्या बात है फिर आप पूछोगे भैया तुम्हारे पे चार्ज क्या है कह रहे मैं तो प्लस थ्री हूं मैंने कहा प्लस थ्री का मतलब तुम थ्री डी सिक्स हो कह रहे हाँ मैंने कहा चलो तुम्हारे थ्री डी सिक्स इलेक्ट्रॉन भर देते हैं एक दो तीन चार एक दो तीन चार पाँच छ इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने कहा हां जी तो देखो मैंने कहा छह इलेक्ट्रॉन भर दिए कह रहा हाँ मैंने कहा तुम्हें कितने अमोनिया से बॉन्ड बनाना है हैं कह रहे मेरे को छे अमोनिया से बॉन्ड बनाना है सुनो तुम कोबाल्ट से पूछोगे कि भाई तेरे को कितने अमोनिया से बॉन्ड बनाना है कह रहे छे तो मैंने कहा भैया तुम्हें ना छे अनपेयर्ड और बाइटल चाहिए होंगी हमने पूछा है तुम्हारे पास कह रहा नहीं कह रहा मेरे पास देखो एक एस है क्योंकि ये मेरा थ्री है एक एस है मेरे पास फोर एस है और मेरे पास फोर पी है बस और तो कुछ नहीं है मेरे पास मैंने कहा एक काम करो तुम्हारे साथ कौन है अमोनिया मैंने कहा अमोनिया तो बहुत ही स्ट्रोंग फील्ड लीगेंड होता है अब ये स्ट्रोंग फील्ड लीगेंट क्या है वीक फील्ड लीगेंट क्या है ये सब अभी मैं तुम्हें समझाऊंगी मैंने कहा बस इतना तुम याद रखो एक शॉर्ट में बता देती हूँ आप बस ये याद रखो नाइट्रोजन और कार्बन डोनर्स हमारे स्ट्रोंग फील्ड लीगेंट है जन और ऑक्सीजन डोनर्स हमारे वीक फील्ड लिगेंड है अब भाई ये एनसीईआरटी में जो दे रखी है ये प्रॉपर थियरी की कहानी है जिसमें पेपर में नहीं चमकती हैं चीजें तो कुछ शॉर्टकट सीखो हमने पूछा भैया नाइट्रोजन तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो नाइट्रोजन ने आते ही कहा अपने अपने घरों में चले जाओ ये जो है ना अकेला घूम रहा था इसने का पेयर अप कर ले ये अकेला घूम रहा था इसने का पेयर अप कर ले कोई अकेला मंडराना नहीं चाहिए नाइट्रोजन ने आते ही सबको पेयर अप करा दिया अब मैंने कहा अब ये खुश हो गया कुमार कह रहे मैम देखो देखो दो तीन चार पांच छ मेरी छ की छह और बाइटल खाली हो चुकी हैं तो क्या मैं इनको कंबाइन कर लू मैंने कहा कर ले कह रहा है कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी दो डी एक एस और तीन पी कह है हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी डी टू थ्री बन गई डी टू एस पी थ्री फिर हमने, तो हम फिर हमने पूछा कि भैया तेरे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो मैंने कहा तेरे नाम के आगे अंदर हमने तूने इनर और बाइटल वाले डी यूज किए हैं तेरा नाम हो जाएगा इनर और बाइटल कॉम्प्लेक्स फिर मैंने कहा तेरा नाम क्या हो जाएगा तेरा नाम हो जाएगा इनर और बाइटल कॉम्प्लेक्स क्योंकि तूने छे लिगंड तेरे पास आए हैं तो छह लिगंड तेरे पास इस तरीके से आएंगे एज ए एक स्क्वायर और बाय पिरामिडल एक ऊपर और एक नीचे पिरामिड तो मैंने कहा तेरा नाम है स्क्वायर बाय पिरा मिडल और इसी स्क्वायर बाय पिरामिडल को ऑक्टाहेड्रल भी बोलेंगे अब क्या होगा अब अमोनिया आएंगे कितने अमोनिया आएंगे छह अमोनिया आएंगे और छह के छह अमोनिया अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नए और बाइटल में डालेंगे ये था मेरा कॉम्प्लेक्स सीओ एन एच थ्री होल सिक्स ऑल्सो क्योंकि मेरे यहाँ पर सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इसको मैंने लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा क्या कहा मैंने इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स अब आपके इसमें जितना भी दिया गया है वो सब मैंने शॉर्ट में अपने तरीके से आपको इस अगले पन्ने पे सिखाया ऐसे ही करोगे पूरा का पूरा अब इसमें कोई भी मॉलिक्यूल क्यों ना दे रखो आप इसी प्रोसेस से आगे बढ़ोगे आपका कोई सवाल अटकेगा नहीं मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ मैं मैंने कहा भैया सी ओ एफ सिक्स की कहानी पता करो मैंने कहा आन दो सीओ एफ सिक्स थ्री माइनस कैसे पता करेंगे सारी चीजें पता करेंगे पहले हम गए हमने बोला जी कह रहे कोबाल्ट नाम है मैंने कहा बढ़िया कह रहे थे होता है थ्री डी सेवन फोर एस टू मैंने तुम्हारी कहा तुम्हारी ऑक्सीडेशन स्टेट कह रहा है प्लस थ्री मैंने कहा तो कोबाल्ट प्लस थ्री हो जाएगा थ्री डी सिक्स जैसे ही मैंने थ्री डी सिक्स बनाया एक दो तीन चार पाँच और एक ये छठा कह रहा है मेरे पास ऐसा है मेरे पास तीन पी है मैंने कहा बढ़िया मैंने फ्लोरीन, कहा फ्लोरीन कह रहा है वीक डोनर वीक फील्ड लिगेंड है इसके पास वीक फील्ड लिगेंड है यार ये पेयरिंग थोड़ी ना कराएगा जब पेयरिंग कराएगा नहीं मैंने कहा तो छः और बाइटल कैसे लाओगे मैं कह रहा है मैम थ्री डी तो यूज़ कर नहीं सकता मैं अपने बाहर वाले फोर डी को यूज़ कर लूंगा मतलब मैं फोर एस फोर पी फोर डी मैंने कहा आन दो तो इसने एक एस तीन पी दो डी यूज करे मैंने कहा एस पी थ्री डी टू हाइब्रिडाइजेशन है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है मगर क्योंकि मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है मैं इसको बोल दूंगी पैरा मैगनेटिक और मोर ओवर क्योंकि स्पिन बहुत ज्यादा है ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है मैं इसको बोल दूंगी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्योंकि बाहर वाला डी यूज हुआ है मैं इसको बोल दूंगी आउटर और बाइटल कॉम्प्लेक्स ये पूरी कहानी थी सीओ एफ सिक्स थ्री माइनस की जो आपको अच्छे से चमक गई है ठीक है सीओ कैसे है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट या वीक फील्ड लीगेंट कार्बन सीओ कार्बन की साइड से डोनर होता है इसीलिए सीओ एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है कितने भी कार्बन और नाइट्रोजन डोनर होंगे आप उनको स्ट्रांग फील्ड लिगेंट मान के चलोगे अब देखो एनसीआरटी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कितने सारे एक्जाम्पल्स हैं बट मैं तुम्हें सारे ही कराऊंगी बट अपने तरीके से कराऊंगी इन्होंने भी सेम चीज मैं ये नहीं कह रही कुछ इन्होंने अलग दे रखा है बस हाँ मैंने एक पैटर्न तुम्हें बता दिया कि इस तरीके से करो फिर हम गए हमने पूछा भैया एन आई सी एल फोर टू माइनस बना के दिखाओ मैंने कहा निकल पे क्या चार्ज है कह रहा प्लस टू मैंने कहा निकल क्या था निकल होता है थ्री डी एट फोर एस टू निकल प्लस टू मतलब थ्री डी एट मैंने कहा अच्छा डी एट है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ फिर मैंने कहा एक फोर एस है एक फोर पी फिर मैंने एन आई सी एल फोर टू माइनस से पूछा मैंने कहा कितने लो एम टी और बाइटल चाहिए कह रहे मैम चार एम टी और बाइटल चाहिए आप देख रहे हो चार एम टी और बाइटल मैंने कहा भैया हेलोजन तो वीक फील्ड ली है ना इसको छेड़ेगा नहीं तो चुपचाप हाइब्रिडाइजेशन क्या बना लो एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगी एन आई सी एल फोर टू माइनस डी एट है एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन है द कंपाउंड पैरा मैग्नेटिक है सिंस इट कंटेेंस टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो क्या है पैरा मैग्नेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 अगला देखो NiCO4 चलो ये भी कर लेते हैं NiCO4 और NiCN4 2- करते हैं दो मिनट सेव करते हैं है ना घिचमिच नहीं करते हैं जितना जगह है उतना हम अच्छे से कर पाएंगे मेरे पास क्या कंपाउंड था मेरे पास कंपाउंड है एन आई सी ओ होल फोर बहुत ही प्यारा केस है और एक है एन आई सी एन होल फोर टू माइनस दोनों ध्यान से देखो मैंने कहा जी भैया कह रहा है मैम निकल हूँ थ्री डी एट फोर एस टू मैंने कहा बहुत बढ़िया मैंने कहा निकल प्लस टू क्या होगा कह रहे मैम हम तो थ्री डी एट है मैंने कहा बढ़िया फिर मैंने कहा थ्री डी एट बना दो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ एक एस बना दो एक पी बना दो मैंने कहा जी कह रहा CN तो है एन माइनस तो मैम बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है मैंने कहा तो पेयर करा दो भैया पेयर करा दो यहां से निकालो यहाँ डालो मैंने कहा कितने uh, unpaid, uh, वो कितनी खाली और बाइटले चाहिए कह है चार मैंने कहा आ गया डी एस पी टू तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है डी एस पी टू डी एस पी टू का मतलब स्क्वेर प्लेनर डीएसपी टू मतलब स्क्वेयर प्लेनर सारे ही पेयर्ड है सारे ही पेयर्ड है मैंने कहा भैया डाया मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है मैंने कहा डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है चमका अगला देखो इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहां पर बच्चों को बल्ब ही नहीं चमकता यहाँ कई कई मतलब कई 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 बच्चे कंफ्यूज होते हैं है ना तो वीसी का बल्ब बना देते हैं जो चमकना चाहिए मैंने कहा एन निकल कह रहा है निकल मैम हम थ्री डी एट मैंने कहा भैया तुम तो न्यूट्रल हो कह रहा है हांजी मैम मैंने कहा ओके एक दो तीन चार पांच छह सात आठ है ना दो पांच छह सात आठ फिर फोर मैंने कहा hey तेरे को को कितने बॉन्ड बनाने कह रहा मैम मेरे को ना चार खाली और चाहिए देखो यहाँ पर कैटायन नहीं है थ्री डी भी भरा हुआ है फोर एस भी भरा हुआ है फिर मैंने कहा co है co आ रहा है अपना भाई आ रहा है भाई के आने से भैया ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो उठकर यहाँ आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा मतलब पेयरिंग हो जाएगी और ये तीन खाली हो गए हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp3 मतलब टेट्राहेड्रल और सारे ही डाया मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है डाया मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है NiCN4 की टू माइनस की कहानी कर लेना NiCo4 टेट्राहेड्रल जोमेट्री बट इट इज डाया मैग्नेटिक इन नेचर तो जितना इन्होंने ऐसे भर भर के दे रखा है मैंने सेम चीज आपको बस एक मैंने जो प्रोसेस आपको बताया खैर वो आप प्रोसेस कहीं पर भी यूज कर पा रहे हो ठीक है तो ये सारी चीजें हमारी जो है यहां तक कंप्लीट हो गई है अब मैं दो और चीजें बताती हूं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात हो रही है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वही कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरा मैग्नेटिक अगर पेड इलेक्ट्रॉन है तो डाया मैग्नेटिक ये सारी चीजें काफी सिंपल है ये सारी वही चीजें हैं जो कल हमने करी थी जो कल करी थी ना डी ब्लॉक में ये वो है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नीचे वाला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आप कहते हो ना कहां से पेपर में सवाल आते हैं यहां से आते हैं देखो आ, ओके ध्यान से देखो कह रहे एम एन सी एन सिक्स थ्री माइनस है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टू अन होल सिक्स थ्री माइनस मैंने कहा मैम मैंगनीज़ पे चार्ज कितना है प्लस थ्री मैंने कहा मैंगनीज क्या है मैंगनीज होता है थ्री डी फाइव फोर एस टू बड़े ध्यान से देखना अगर मैंगनीज़ पे मैंने प्लस थ्री रखा तो दो यहाँ से गए एक यहां से गया क्या बन गया थ्री डी फोर क्या बन गया मेरे पास थ्री डी फोर अब मैंने कहा मैम ये देखो एक दो तीन चार एक दो तीन चार ये एस है और ये पी है मैंने कहा मैम देखो है ना यहाँ पर एक बार दोबारा पूरा का पूरा देख लो पहले मेरे को तो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो मैम ब्लॉक कब कराओगे बच्चे ब्लॉक केमिस्ट्री जितना हमारी एनसीईआरटी में रिवाइज एनसीईआरटी में है पहले मैं उतना कराऊंगी ठीक है जितना रिवाइज एनसीईआरटी में है रिवाइज एनसीईआरटी में आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है इसीलिए ब्लॉक केमिस्ट्री यहां नहीं करेंगे ब्लॉक केमिस्ट्री करना है तो मैंने आपको पूरा वन शॉट ब्लॉक केमिस्ट्री का कराया था वहां से कर सकते हो पी ब्लॉक एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करा दो मैंने बच्चे ऑलरेडी करा दिया प्रीतम बच्चे ऑलरेडी मैंने पी ब्लॉक एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको पूरा करा रखा है मगर करा रखा है जितने भी एनसीईआरटी के ट्रेंड्स हैं सब कुछ करा रखा है आ, वहां सर्च करना है ना जो वोरा क्लासेस का जो चैनल है वहां पर जाके सर्च करो पी ब्लॉक एलिमेंट्स बाय साक्षी मैम यू विल गेट इट ठीक है हाँ कहाँ पे थे हम यस एक बार ये सारा इरेस कर लेते हैं तो हाँ मैं क्या बात कर रही थी मैं बात कर रही थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की और यहां से मैं अगर कॉम्प्लेक्स उठा लू ना मैंने यहां से एक एक कॉम्प्लेक्स उठा लेना और मैंने सारे के सारे आंसर्स जो है वो कर देने हैं जैसे सबसे पहले एक करते हैं कह रहे सीओ एफ सिक्स थ्री माइनस इज पैरा मैग्नेटिक मैं ये कुछ रटना नहीं है ये सब करके देखना है कह रहे सीओ एफ सिक्स पैरा मैग्नेटिक होता है अभी हमने किया था कहा गया सी ओ एफ सिक्स थ्री माइनस पैरा मैग्नेटिक है कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है चार अगर चार अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा फोर पॉइंट नाइन बोर मैग्नेटॉन याद है हमने किया था तो अगर चार अनपेड इलेक्ट्रॉन है मैग्नेटिक मोमेंट विल बी फोर पॉइंट नाइन समथिंग से देखो क्या डाया मैग्नेटिक अब ये करके देखते हैं मेरे पास है सीओ ऑक्सलेट कितने हैं थ्राइस और यहाँ पर थ्री माइनस मेरे को पता करके बताना है कि डाया मैग्नेटिक है या पैरा मैग्नेटिक मैंने कहा मैम देखते हैं कोबाल्ट होता है थ्री डी सेवन फोर एस टू अब यहाँ पर कोबाल्ट पे एक्स ले लो एक ऑक्सलेट पे चार्ज कितना होता है माइनस टू का सो प्लस थ्री टाइम्स माइनस टू ओवरऑल माइनस थ्री है एक्स माइनस सिक्स की वैल्यू माइनस थ्री एक्स की वैल्यू प्लस थ्री मतलब कोबाल्ट प्लस थ्री है कोबाल्ट प्लस थ्री है मतलब मेरे पास थ्री डी सिक्स है इतना चमक रहा है कोबाल्ट प्लस थ्री मतलब मेरे पास थ्री डी सिक्स दो यहाँ से गया एक यहाँ से मैंने कहा थ्री डी सिक्स है मैम बना लेते हैं एक दो तीन चार पांच और एक फिर मेरे पास एस खाली है मेरे पास फोर पी खाली है अब मैंने दिमाग लगाया मैंने कहा ऑक्सलेट सी टू ओ फोर टू माइनस ये ना एक अच्छा खासा और बताती हूँ अगर कोबाल्ट प्लस थ्री है ना कोबाल्ट प्लस थ्री के साथ ऑक्सलेट भी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा ये एक फैक्ट है ये एक एक्सेप्शन कह दो फैक्ट कह दो तभी ये करा रही हूं। प्लस थ्री के साथ, oxalate, वाला एग्जाम्पल करेगा यानी कि मेरी जो हाइब्रिडाइजेशन आ गई वो आ गई डी टू एसपी थ्री डी टू एस पी थ्री ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड आ गए तो मेरा कॉम्प्लेक्स क्या आ गया डाया मैग्नेटिक मैं खुद जब जेई -E का पढ़ाती हूँ तो मैं कहती हूँ बच्चों को कि ये एक एक्सेप्शन है जो याद रखना कि कोबाल्ट प्लस थ्री के साथ ऑक्सलेट ऑक्सीजन वाला भी एक स्ट्रॉन्ग फीलिगेंट की तरह बिहेव करता है वो कहां से आया वो क्योंकि एनसीआर में दे रखा है इसीलिए हम पढ़ाना चालू कर दिया एक्सेप्शन के तौर पर इन नेचर अब ये छोटा सा डब्बा तुम्हें एकदम बकवास दिख रहा है कि इसमें इतनी सारी ऑरेंज कलर की लाइन आपने कर दी क्या फायदा मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ ठीक है कम से कम नौ में से कुछ रिपीट होंगे कम से कम पांच क्वेश्चन इसी डब्बे से बनते हैं फाइव क्वेश्चन आर देयर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डब्बा तो अब मैं और भी सवाल करा रही हूं बट मैं अब यही एक एक्सेप्शन सवाल था सीओ सी टू ओ फोर थ्री माइनस ये एक एक्सेप्शनल सवाल था याद रखने का सवाल था कि कोबाल्ट प्लस थ्री के साथ ऑक्सीजन डोनर भी एक स्ट्रॉन्ग फीलिगेंट की तरह बिहेव करते हैं बाकी में कुछ एक्सेप्शन नहीं है नॉर्मल है अब मैं चाहती हूँ कि आप इस डब्बे को दोबारा रिवाइज करें रिवाइज करना अब तुम मेरी बात नहीं सुनते हो तुम्हें है कि मैम जितना कराएगी हम उतना ही करेंगे हम अपने से क्यों दिमाग लगाए तो फिर मेरे ऊपर मत डालना मैं दोबारा बोल रही हूँ इन्हीं से सवाल उठा के पेपर में आते हैं यहीं से सवाल उठा कर पेपर में आएंगे बस करने वाले तो तुम्हें बनना है नीट के लिए नहीं है ये क्लास जितने भी बच्चे जेई वाले हैं नीट वाले हैं बोर्ड्स वाले हैं आप इस क्लास को डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो इस क्लास में हम एनसीआर को निचोड़ रहे हैं मैं कोई भी पेपर के पीवाई क्यू नहीं करा रही हूं नीदर डूइंग डूंग के पीवाई क्यू आई एम नॉट डूइंग बोर्ड्स के पीवाई क्यू वी आर जस्ट डूइंग एनसीआर एंड आई थिंक एनसीआर करना तो भाई सबके लिए जरूरी है चाहे तुम जेई वाले हो या नीट वाले हो अगला देखो कह रहे द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस इज दिस प्रिडिक्ट ज्योमेट्री मैंने कहा ये ना भी देता ना तो भी तुम्हें इसकी ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करनी प्लस टू में आएगा मैंगनीज होता है थ्री डी फाइव फोर एज टू प्लस टू मतलब थ्री डी फाइव प्लस टू मतलब थ्री डी फाइव क्या आपको मैंने ये सिखाया कि बी आर एक वीकेंड है अगर ये वीक फील्ड फील्डेंड है तो कोई पेयरिंग नहीं कराएगा यानी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन एसपी थ्री एसपी थ्री मतलब इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल शुड बी टेट्राहेड्रल और देखो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है फाइव तो आंसर हो जाएगा फोर फाइव पॉइंट नाइन टू बोर मैग्नेटॉन यही सिखाया था ना हमें एनसीआरटी ये कहती है कि अगर आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पता है तब जाके यही एक्चुअल तरीका यही होता है VBT को स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट वीक फील्ड लीगेंट से कोई मतलब नहीं है वीबीटी ये कहती है कि अगर आप पहले एक्सपेरिमेंट कराओ आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दी जाएंगी उसके बाद आप आंसर निकाल सकते हो मगर पेपर में ऐसा सवाल नहीं आता पेपर में सीधा आएगा एम एन बी आर ओ बी आर फोर टू माइनस का मैग्नेटिक uh, मोमेंट निकालो तो ये जो यहाँ पर फाइव पॉइंट नाइन लिख कर दे देता है पेपर में नहीं देगा पेपर में खुद से निकालना आना चाहिए अब वो कह रहे हैं वीबीटी की कुछ लिमिटेशंस हैं एक तो इसके अंदर बहुत सारी एजम्पन है इट डज नॉट गिव कटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा वो ये नहीं बताता कि मैग्नेटिक डेटा आया कैसे क्यों आया इट डॉट एक्सप्लेन द कलर इट डज नॉट गिव अ क्वान्टिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्मोडाइनमिक और कानेटिक स्टेबिलिटी इट डज नॉट मेक एक्सैक्ट प्रिडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राइड्रल और स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज ऑफ फोर कॉर्डिनेट कॉम्पलेक्सेज इट डज नॉट डिस्टिंग बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग फिलीगेंट मैं आपको बताती हूँ ये कराना क्यों जरूरी था ये कराना इसलिए जरूरी है कई बार पेपर में आता है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट वीबीटी विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज दिन जब मैंने वोट्स लिया था है ना वहां पर मैंने ये सवाल डाला था विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंगेक्ट अबाउट वीबीटी और मैंने यहां पर एक लाइन दी थी कि इट डज नॉट डिस्टिंग बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड और बच्चे ने कहा कि नहीं ये तो गलत है वीबीटी तो कहती है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है वीक फील्ड लीगेंड नहीं वीबीटी को नहीं पता कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन वीक फील्ड लीगेंड ये जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस सिखाया ये जस्ट क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका है नहीं तो तुम वीबीटी से कभी सवाल कर ही नहीं पाओगे तो वीबीटी नहीं मानती कोई स्ट्रॉन्ग है कोई वीक है ये जो मैंने आपको हिंट दिया ना कार्बन और नाइट्रोजन डोनर फील्ड लिगेंड है हेलोजन और ऑक्सीजन डोनर वीक फीलिगेंट है ये जस्ट एक तरीका है क्वेश्चन करने का तरीका टू डू क्वेश्चन ये क्वेश्चन करने का तरीका है ये नहीं मानती वीबीटी को नहीं पता क्या फील्ड फील्ड क्या वीक ये बात याद रखना ठीक है बात याद रखनी है सिखाया था उसमें भी सिखाया था जब uh, कक्षा ग्यारहवीं में प्रियोटिक प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे तब भी सिखाया था कितनी सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की एक्सेप्शन सीखी तो यहां तक हमारे इस uh, चैप्टर का अगला पढ़ाव भी पूरा हो चुका है सो नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट अनदर टू टॉपिक हम करेंगे और फिर हम करेंगे बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स और उसके यूजेस तो बस यहां तक हमें और करना है बट मुझे तुम एक मिनट का समय दे दो है ना मुझे बड़ी तेज प्यास लगी है मैं पानी लेके आती हूँ है ना पानी इसमें है नहीं ठीक है डन है डन है मैम जेई रिवीजन के लिए इज जेई ब्रीफ एनफ पहले मुझे अपने नंबर बताओ कितने नंबर बन रहे हैं उस हिसाब से मैं बताऊंगी देखो जेई ब्रीफ में हमने पूरी थ्योरी कराई है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की और इसके साथ साथ हमने आपको पी वाई क्यूज की भी प्रैक्टिस कराई है तो अगर मान लो किसी बच्चे का स्कोर 130 है 120 है 140 है बट यू वॉन्ट टू टेक इट टू वन वन नाइन नाइनटी नाइन परसेंट जाना चाहते हो तुम एक सौ बीस से दो सौ दो सौ दो सौ प्लस लाना चाहते हो तो उसके लिए आपको थियोरी के साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है तो फॉर थियोरी एंड माइनर क्वेश्चन प्रैक्टिस जेई ब्रीफ इज मोर देन बहुत ही बढ़िया है मगर अगर आपको रिगरस प्रैक्टिस करनी है तो या तो खुद से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी या बूस्टर में आ जाना ठीक है चलो अब मेरे को दो मिनट दो मैं पानी वानी पी कर आती हूँ ठीक है फिर हम कंटिन्यू करेंगे अभी लगभग साढ़े तीन हुई है ना तो लगभग हमें चार सवा चार तो आराम से बजेगी ठीक है तो मुझे दो चार मिनट का समय दे दो तुम भी पानी वानी पी लो मेरे को बहुत तेज प्यास लगी है नहीं तो मेरा गला बैठ जाएगा फिर मैं पानी पी के आती हूँ फिर हम सी करेंगे ठीक है चलो तीस इंच बन जाना आप इस कोर्डेडिट के लिए बन जाएगा फिर उसको तीस इंच आएगा तीस इंच लगा नाइन ना तीस पर वो लगा नाइन तीस इंच तीस इंच तारा भागी वहाँ पे तीस इंच का वहाँ पे तारा भागी तो वो चार इंच ये वाले जो तीस इंच को इस तरह का लगता है चार इंच का लगता है तीस इंच इसके बजे � ठीक है अब मुझे इस पर क्या निकालना है ये वैल्यू को क्वांटिटी है 3/4 से 7 का वैल्यू और उसका ग्रेटर इंटीजर निकालेंगे 3/4 का ग्रेटर इंटीजर वैल्यू 3 के लिए 1 दिया होगा 3 के लिए आएगा 3 के लिए आएगा 4 दिया होगा 5 दिया होगा 6 भी आएगा 7 बस ये हो जाएगा 3 अभीला को सॉल्व करने की कोशिश किया बहुत कोशिश किया लेकिन क्या करना है एक बार बोल देना बहुत देर ठीक है हम एक ग्रेटर देन के लिए बोल रहे हैं तो प्लस होता है इनके आगे कुछ द्वारा है कुछ द्वारा है तो यहां पे मोड हो जाएगा ठीक है तो इनका आंसर है 17 सबसे की धीरे वाले तो वीडियो वीडियो में जो आएगा -1 -1 0 हो जाएगा जो जीरो होता है ना वो एक चीज भी होता है अब फिटो ग्राफ आप इसको चेक कर लीजिए चेक करने के कोई कारण नहीं है चेक करने का कोई कारण नहीं है तो मान लो यहां पे एक चीज का होगा ये 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 ना फंक्शन और किस फंक्शन का रेन दिखाना रेन दिखा रहा है जहाँ ना जहाँ आ रहे तरफ एक एंटेना भी हो वहाँ

मेरे लिए यह भी यह बात भी बतानी है तो x का मान 2 2 3 के नाम क्या आपको रिकॉन्स्ट्रक्ट करना है यदि डेटा में कोई दिक्कत है तो उसको ठीक करना है तो दैट x का एक इनफाइनाइट रख कर दो x का वैल्यू इनफाइनाइट रख दो तो वहां पर ये क्या आ रहा है कंपनी के बारे में नहीं पूछ रही वीडियो है ये प्रोजेक्ट पूरी तो इंटीग्रेट चला जाएगा x का वैल्यू सब कांस्टेंट चेंज वैल्यू बन गई 10 वैल्यू को चेंज हो गया मतलब चला रहा है मतलब वैल्यू चेंज हो गई और जो है वो है कि ये 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 जो है वो

जी आ रही है मेरी आवाज आ रही है अरे यार आज क्या कहते हैं पानी की बोतल लेनी थी बाहर तो मैं बाजू वाली बिल्डिंग से भर के आई हूं हाँ पानी नहीं था पहले मैं गई पानी भरने तो पानी था नहीं फिर वो गार्ड भैया को पूछा भैया पानी कह रहा है आज पानी नहीं आ रहा अब बाजू वाली बिल्डिंग से लेके आओ फिर मैं बाजू वाली बिल्डिंग में पानी देने गई जी चलो मैथ्स भी पढ़ लिया इस लेक्चर में एनवी सर से अच्छा एनवी सर की आवाजें आ रही थी क्या हाँ अभी सर की वो जेई एडवांस वाला जो बैच है आज उसकी पहली क्लास है तो वो चल रही थी अच्छा इसलिए आ रही होगी सर की एनवी सर पढ़ा रहे नेक्स्ट रूम में हाँ एनवी सर पढ़ा रहे हैं नेक्स्ट रूम में तो इसीलिए सर की आवाज़ें आ रही है तुम्हें चलो अच्छा वो मैं ना माइक ऐसे ही उतारा और नीचे रख के चली गई फर्श पे जमीन पे अब ये बाजू में क्या वो पीओपी -पी वाली दीवार है कौन सा मतलब कौन सी दीवार है कि एकदम सॉलिड है तो सारी आवाज सुनाई दे रही होगी चलो ठीक है अब मैं ड्रॉप लूंगा और आपसे पढ़ूंगा क्या केमिस्ट्री पढ़ाते हो आप अरे बढ़िया क्या बात है चलिए तो भैया अब हम अपने अगले टॉपिक पर आ जाते हैं टॉपिक का नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक बार फाइल याद नहीं है मुझे मैंने सेव करी थी या नहीं एक बार फाइल सेव कर लेते हैं हम आ चुके हैं अपने छत्तीस पेजेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं सैंतीसवें पेज पर आ चुके हैं टोटल फिफ्टी फोर पेजेस हैं एक एक करके हम सारे पेजेस निपटा देंगे ध्यान से सुनना अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एनसीआर तुम्हें कुछ बताए उससे पहले मैं अपनी साइड से कुछ बताना चाहती हूँ अभी जब हमने वीबीटी किया तो मैंने आपको कहा देर वॉज नथिंग नोन एज स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड वो सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया था ताकि आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाए क्योंकि अगर मैं वो ना आपको बताती ना आप क्वेश्चन खुद से मतलब टच ही नहीं कर पाते हो आपसे बनता ही नहीं है इसीलिए मैंने आपको वो शॉर्टकट सिखा दिया कि देखो देखो अगर कार्बन और नाइट्रोजन डोनर है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऑक्सीजन और हाइलोजन डोनर है तो वीक फील्ड लिगेंड वो तुक्का था अब सी क्या कहती है क्रिस्टल फील्ड थियोरी ये कहती है कहती है मान लो मेरे पास एक मेटल का आयन है आपको पता है मेटल के पास पांच डी और होती हैं और ये पांचों की पांचों डी और बाइटल डी जनरेट होती है डीई जीई अरे अरे स्पेलिंग नहीं आती मेरे को दे ऑल आर डी जनरेट डी जनरेट मतलब इनकी सबकी एनर्जी सेम होती है डी ई एन ई आर

उसकी लाइफ में कोई प्यार मोहब्बत ज़्यादा है ही नहीं, है? तो दे किसी की लाइफ में, है, है? में, तो में थोड़ी उथल पुथल मचती है उसके लिए वैलेंटाइंस डे दो वैलेंटाइंस डे बन जाता है कि भाई रोज देना है मिलने जाना है ना चॉकलेट्स देनी है ब्ला 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 तो कह रहे जब तक मेटल अकेला था जिंदगी में वो अकेला था और खुश था डी था उसके पास सारी एनर्जी लेवल सेम थी बट जैसे ही मेटल आइन के पास लीगेंड आने लगे अरे भैया अब लीगेंड क्या है पता है सी कहती है कि लीगेंड मेरे पॉइंट चार्जेस हैं हम लीगेंड को क्या मानते हैं पॉइंट चार्जेस एज इफ वो छोटे छोटे प्लस और माइनस नहीं होते जो फिजिक्स में लेते हो पॉइंट चार्जेस और कह रहे हैं मेटल आइन को भी मैं एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज मान लूंगा पॉइंट चार्ज तो लीगेंड को आप या तो मतलब आप मेटल आयन को पॉइंट चार्ज मान लो लीगेंड को आप क्या मानोगे कह रहा को या तो आप मान लो कि नेगेटिव है या फिर आप मान लो कि ये डाइपोल्स पोलैरिटी हो सकती है या नेगेटिव एनाय हो सकते हैं कह रहे जैसे जैसे लीगेंड मेटल की फील्ड में आना चालू हुआ बेचारा मेटल बौखला जाता है मेटल के सारे के सारे डी जेनरेट ऑरबाइटल्स की एनर्जी पहले तो बढ़ जाती है पहले तो बढ़ जाती है मान लो एक सिंगल इंसान था वो क्या खर्चा कर रहा था वैलेंटाइंस डे पे कोई भी नहीं मगर जब उसकी लाइफ में कोई बंदी आई या एटलीस्ट एक बंदी से फोन पे बात होनी चालू हुई उसकी लाइफ में कुछ तो गड़बड़ मचती है कि उसके सारे लेवल्स सारे जो ऑरबाइटल्स से उन सबकी डी मतलब जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है जैसे जैसे लीगेंड अप्रोच करेगा भैया अगर लीग एंड मेटल के और ज्यादा पास आने लगता है इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होना चालू होती है क्या होना चालू होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से कुछ डी और बाइटल को ज्यादा रिपल्शन मिलती है कुछ डी और बाइटल को कम रिपल्शन मिलती है और आपकी जो डी है वो टूट जाती है डी क्या होती है टूट जाती है अभी और डिटेल में जाएंगे बट पहले देखते हैं एनसीआरटी क्या बोलती है कह रहा है द क्रिस्टल फील्ड थियोरी इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल विच कंसीडर्स द मेटल लीगेंड बॉन्ड टू बी आयनिक मेटल और लीगेंड का बॉन्ड आयनिक होता है Arising purely from electrostatic interaction between the metal ion and the ligand. कह रहे हैं मेटल आयन और लीगेंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होने चालू हो जाते हैं

अगर लीगेंड को अगर सारे के सारे लीगेंड सिमेट्रिकल फैशन से सिमेट्रिकल uh, फैशन से सेंट्रल मेटल आयन के पास आए तो डीजेनरेसी टूटती नहीं है एनर्जी बढ़ जाती है बट डीजेनरेसी टूटती नहीं है हाउवेवर व्हेन दिस नेगेटिव फील्ड इज ड्यू टू द लीगेंड्स एन आयन और नेगेटिव एंड ऑफ द डाइपोल मॉलिक्यूल इन अ कॉम्प्लेक्स अगर कॉम्प्लेक्स में लीगेंड आने की कोशिश कर रहे हैं इट बिकम्स ए सिमेट्रिकल

महत्व देती हूँ इस डब्बे को बट मैं अपने तरीके से पढ़ाना ज्यादा अच्छे से खुशी खुशी मैं आपको अपने तरीके से पढ़ाऊंगी सामने देखिए देखो होता क्या है ध्यान से समझना पता है मेरे पास ना पांच डी और वाइटल थे देखो एक ही बार समझाऊंगी मगर समझाऊंगी ऐसा तुम्हें तो दोबारा पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेस्ट एम बेस्ट तरीके से समझ आ जाएगा मेरे पास पांच डी और बाइटल थे एक था डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक था डी जेड स्क्वायर अब तुम्हें पता है ये पांच डी ऑर्बिटल कैसे होते हैं एक दो तीन चार पांच देखो डी एक्स वाई होता है अलॉन्ग दी जेड स्क्वायर भी क्या होता है अलोंग द एक्सेस तो तीन होते हैं इन बिटवीन द एक्सेस और दो होते हैं अलोंग द एक्सेस पहले ये पांच के पांच डी सारे के सारे ऑर्बिटल डी जनरेट थे धीरे धीरे ये लीगेंड इनके पास आना चालू हुआ जब लीगेंड चालू आना चालू हुआ अभी लीगेंड सिमेट्रिकल तरीके से आ रहा है तो होगा क्या इन सब की जो एनर्जी है रहेगी सेम बट मतलब सारे सेम रहेंगे बट सबकी बढ़ गई तो डी एक्स वाई डीवा डी जेड स्कोर सबकी एनर्जी बढ़ गई ये देखिए ये कह रहा है मेरा फ्री मेटल आयन के ये पांच और बाइटल हैं कह एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर बाइटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड भाई कह रहा है जब स्फेरिकली सारे एक जैसे सिमेट्रिकल तरीके से आए सबकी एनर्जी जो है बढ़ गई सबकी एनर्जी बढ़ गई अब मैंने कहा पता होता क्या है होता यह है कि लीगेंड पता है कैसे आ रहा होता है लीगेंड आ रहा होता है मान लो आपने कोर्डिनेशन नंबर सिक्स बनाना है क्या बनाना है तुमने कोर्डिनेशन नंबर सिक्स ऐसे तो जो हमारे छह लीगेंड आते हैं एक लीगेंड इस एक्सिस से आएगा एक लीग एंड इस एक्सिस से आएगा एक लीग एंड इस एक्सिस से आएगा एक लीग एंड इस एक्सिस से आएगा एक लीगेंड इस एक्सिस से आएगा एक लीग एंड इस एक्सिस से, एक से आएगा ये एनसीईआरटी में समझा नहीं रखा और बच्चे बेचारे रट्टा मारते हैं जब तुम रट्टा मार लेते हो तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो बन जाते हैं बट जब भी थेरेटिकल क्वेश्चन आता है ढंग का क्वेश्चन पेपर में आता है तो तुमको नहीं चमकता क्योंकि तुम्हें सिखाया ही नहीं गया था है ना हम बोल देते हैं ना कि हाँ एनसीईआरटी में है ही नहीं है एनसीईआरटी में बट ढंग से सिखाओ तो समझ आता है कि एनसीईआरटी में गिवन है

D ये था ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अलॉन्ग द एक्सिस है डी जेड स्क्वायर अलॉन्ग द एक्सिस है क्या तुमको चमक रहा है जब लीग एंड अलॉन्ग द एक्सिस आएंगे तो जो d ऑर्बिटल्स अलॉन्ग द एक्सिस थी उनको लीग से ज्यादा रिपल्शन देखने को मिलेगा दोबारा मेरी बात को हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लो अंग्रेजी में मराठी में तेलुगु में जैसे लिखना चाहो लिख लो इंपॉर्टेंट है ये लाइन नहीं गिवन है एनसीईआरटी में मैं कह रही हूं जब लीगेंड अलोंग द एक्सिस अप्रोच करता है तो डी आर अलोंग एक्सिस विल फेस मोर रिपल्शन जिसकी वजह से उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी कहने का मतलब यह है कि मेरी जो दो डी ऑर्बिटल थी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर उनकी एनर्जी बढ़ गई और जो मेरी तीन डी ऑर बाइटल थी डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स इनकी एनर्जी कम हो गई dx2y2 dz2 की एनर्जी बढ़ गई इन तीन ऑर्बिटल को हम बोलते हैं t2 ऊपर वाली ऑर्बिटल को बोलते हैं e ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जीरेड सिमेट्री होती है इसका नाम है t2g इसका नाम है eg g के बारे में मेरे से कोई दोबारा नहीं पूछेगा वो आपके सिलेबस में नहीं है ऐसा नहीं है कि तीन की एनर्जी बहुत कम हो गई नहीं इसके कंपैरिजन में मतलब एवरेज के कंपैरिजन में ऐसा लगता है कि तीन की एनर्जी कम हो गई दो की एनर्जी बढ़ गई अब ध्यान से देखो जब आप नीचे वाले को देखते हो तो आप इसमें ऐड करेंगे इसको लिखते हैं हम टाइम्स डेल्टा ओ ऊपर वाले को आप लिखेंगे कि थ्री बाई फाइव टाइम्स डेल्टा ओ और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है जो स्प्लिटिंग हुई उसको बोलते हैं डेल्टा ओ ऑक्टाहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग क्या कहलाती है डेल्टा ओ अब देखो अब मैं पढ़ाती हूँ कह रहे हैं इन एन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी विद सिक्स लीग सराउंडिंग द मेटल एटम और आयन देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल डी और बाइटल एंड द इलेक्ट्रॉन और लीगेंट सच अ रिपल्शन इज मोर व्हेन द मेटल डी और बाइटल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द देन व्हेन इट इज अवे फ्रॉम द लीगेंड कह रहा है इसीलिए डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर जो मैंने हिंदी में समझाया वही इन्होंने इंग्लिश में इतना छोटा लिख दिया

अब वो कह रहे हैं कैसे पता चलेगा कि किस लीग के लिए डेल्टा ओ कितना है वो हमने एक सीरीज बनाई सीरीज का नाम है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटमिन सीरीज देखो ये भी कहीं लिख कर नहीं देते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक इन्होंने सी एफ टी भी कहती है कि हमने एक्सपेरिमेंट experiment कराया एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिंड सीरीज है विच इज बेस्ड अपॉन एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द कॉम्प्लेक्सेस इन डिफरेंट लीगेंड भाई अलग-अलग कॉम्प्लेक्सेस कितनी-कितनी लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसके बेसिस पे एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या हमें पूरी रटनी है पूरी नहीं रटनी है आप बस मेरी चीज को समझो ये कार्बन को CO CN ये इथिलीन डायमीन नाइट्रोजन वाला ये नाइट्रोजन वाला EDTA नाइट्रोजन वाला जितने भी नाइट्रोजन डोनर या कार्बन डोनर लीगेंट हैं ये स्ट्रोंग फील्ड लीगेंट है जबकि हेलोजन ये बेमतलब का एस सी एन माइनस चाहे वो नाइट्रोजन साइड से चाहे सल्फर साइड से एस सी एन क्लोरीन सल्फाइड फ्लोरिन ये सारे वीक फील्ड लीगेंड है OH, ओ एच ऑक्सलेट देखो मैंने क्या कहा था ऑक्सलेट दुनिया के लिए वीक फील्ड लीगेंड है मगर कोबाल्ट थ्री प्लस के लिए स्ट्रॉग फील्ड लीगेंट की तरफ बिहेव करने लग जाता है वाटर हमारी मिड लाइन में आएगा वाटर को हम एक बार वो मानेंगे कि स्टैंडर्ड भाई वाटर से नीचे वाले वीक फील्ड फीलेंट वाटर से ऊपर वाले फील्ड क्या हमें ये पूरी की पूरी रटी होनी चाहिए वो अप टू यू है अगर आप मतलब बोर्ड्स और जेई नीट सबको टारगेट कर रहे हो ठीक है नहीं भाई कि मुझे आना चाहिए तो यस यू कैन रिमेंबर दिस दिस इज इंपॉर्टेंट और अगर नहीं भाई आपको बहुत ज्यादा नहीं वो करना तो बस इतना याद कर लो कार्बन और नाइट्रोजन डोनर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं ऑक्सीजन और हेलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये क्या होते हैं वीक फील्डिगेंट वाटर मेरा वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है जो ये बताएगा आगे वाला स्ट्रॉन्ग है या यह वीकेंट है क्या ये कहानी सबको चमकी क्या ये बात सबको अच्छे से चमक गई अब ये क्या लिखा हुआ है मैम ये हमें नहीं पता अब जिस बच्चे को ये नहीं पता ना वो बेचारा लिटरली है ना रो देता है कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा अब मैं आपको अपनी तरीके से कराऊंगी और मैं ना थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कराना चाहती हूँ पहले मैं अपनी थ्योरी तुम्हें कराती हूँ ध्यान से देखना मुझे एक वापस से पन्ना चाहिए मैं वही कह रही हूँ एन में ना इतना कुछ दे रखा है ना कि अगर कोई तुम्हें ढंग से समझाए तो तुम्हें एन सी टी क्या पूरे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल से प्यार हो जाए बट वही है कि समझाने वाला चाहिए और समझने वाला इंसान चाहिए सामने देखो मान लो मैंने कहा मेरे पास डी वन है ऑक्टा फील्ड में ऑक्टाहेड्रल फील्ड मतलब आप ऐसे करोगे हमेशा मैंने कहा D2 टू कॉन्फिग्रेशन है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में एक दो तीन चार पांच मैंने कहा D3 थ्री कॉन्फिग्रेशन है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में एक दो तीन चार पांच D4 फोर कॉन्फिगरेशन है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में अब देखो मैंने कहा ऑक्टाहेड्रल फील्ड में चाहे मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट होगा या वीक लीगेंट स्ट्रॉग फील्ड लिगेंट मतलब डेल्टाओ बहुत ज्यादा है वीक मतलब डेल्टा कम है अगर मुझे एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है तो मैं नीचे ही भरूंगी ना मेरी कॉन्फिग्रेशन आ जाएगी टी टू जी वन ई जी जीरो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड ले लो चाहे वीक फील्ड ले लो कह रहे है, मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है एक वीक फील्ड लिगेंड है और मेरे को दो इलेक्ट्रॉन भरने मैंने कहा दोनों नीचे ही भरेंगे ना चाहे स्ट्रोंग हो चाहे वीक हो कॉन्फिगरेशन आ जाएगी टी टू जी टू ई जी जीरोड है मैंने कहा तीन भरने हैं तीन तुम नीचे ही भरोगे चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो मैंने कहा चुपचाप से लिख देना टी टू जी थ्री ई जी जीरो कल हमने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ा था कि टी टू जी थ्री बनता है इसीलिए वो ज्यादा स्टेबल है जिन बच्चों ने कल वाला चीज पढ़ी हो डी फोर डी फोर में मेरे पास दो केसेस हैं सामने देखो इतनी बढ़िया चीज बताऊंगी तुम्हें प्यार हो जाएगा सामने देखो पहले आप डी फोर बनाओ एक दो तीन चार ये एनसीआरटी में नहीं दे रखा मगर जब आप क्वेश्चंस करने बैठते हो आपको नहीं चमकता इसीलिए समझ लो पहले डी फोर बनाओ मैंने कहा मैम देखो ये काफी स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो तीन भरने के बाद मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मेरा चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाए इसीलिए हम उसको नीचे कर देते हैं मैंने कहा सही है और मान लो मेरे पास वीक फील्ड लीगेंड है लिख लो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है वीक फील्ड लीगेंड तो वीक फील्ड में एक दो तीन आराम से ऊपर जाएगा क्या आपके दिमाग में यह बात गई कि मैम इसकी कॉन्फिगरेशन हो गई टी टू जी फोर इसकी कॉन्फिगरेशन हो गई टी टू जी थ्री वन इतना चमका अब एक नई चीज बताती हूं अगर मेरे को है ना लेटस से निकालना है पेयरिंग एनर्जी कि कहां पर पेयरिंग एनर्जी है कहां नहीं है तो ध्यान से सुनो मैंने कहा मैम देखो यहां पर जब मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा रही हूं तो मुझे पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ेगी तो अगर मेरा फील्ड है यानी कि डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी तो मैं पेयरिंग प्रेफर करूंगी मैं कहूंगी कि यार पेयरिंग करा दो ज्यादा बेटर है अगर डेल्टा ओ इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी दे डेल्टा ओ कम है तो मैं पेयरिंग प्रेफर नहीं करूंगी आई विल नॉट प्रेफर पेयरिंग चमका अब मैं इसी क्वेश्चन के माध्यम से तुम्हें सी एफ एस सी कैलकुलेट करना कैलकुलेशन भी भी नहीं, नहीं दे रखा कहीं दे रखा तो बता दो कहीं नहीं दे रखा और ये सवाल पेपर में आता है अब मैं तुम्हें अपने तरीके से सिखा रही हूं सी एफ एस सी कैलकुलेशन एनसीईआरटी में नहीं है फिर भी सीख लो मैंने कहा नीच अरे, अरे। मैंने कहा कि एक बीच में लाइन ड्रॉ कर लो कहा गया वो मैंने कहा एक बीच में लाइन ड्रॉ कर लो नीचे वालों के लिए लिखेंगे टू बाई फाइव ऊपर वालों के लिए लिखेंगे थ्री बाय फाइव तो नीचे के लिए माइनस ऊपर के लिए प्लस नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है एक दो तीन चार तो फोर टाइम्स माइनस टू बाई फाइव टाइम्स डेल्टा ओ प्लस एक तो ये यहां पर एक भी पेयर नहीं था जबकि यहां एक पेयर है तो मैं लिखूंगी पेयरिंग एनर्जी ये है मेरा सी एफ एस सी कैलकुलेशन और यहां देखो नीचे वाले कितने आएंगे थ्री टाइम्स माइनस टू बाई फाइव तो टाइम्स डेल्टा ओ ऊपर कितने जा रहे हैं एक प्लस थ्री बाई फाइव टाइम्स डेल्टा ओ और कोई पेयरिंग एनर्जी नहीं है यह है आपके जेई और नीट का सवाल ठीक है क्या ये बात सबको चमकी अब क्योंकि ये पार्ट एनसीईआरटी में नहीं है मैं इसको बहुत रबर बैंड की तरह स्ट्रेच नहीं करूंगी जब भी हम कभी जेई का पढ़ते हैं तो तो मैंने आपको ये सिखाया ही है जब भी मैं नीट के पी वाई क्यू कराऊंगी तब भी आपको सिखाऊंगी बट अभी अगर मैं सिर्फ एनसीईआरटी की बात करूं तो सी एफ एस सी कैलकुलेशन देखो हमें कहीं पर इन्होंने दे ही नहीं रखी बस इतना दे रखा है टी टू जी फोर ई जी जीरो क्या है टी टू जी थ्री ई जी वन क्या है वो मैंने अपनी भाषा में आपको अच्छे से समझा दिया उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अभी तक मैंने जितनी कहानी करी मैंने कहानी करी ऑक्टाहेड्रल फील्ड की अब अगर मैं कहानी बताऊं फॉर टेट्राहेड्रल फील्ड मेरी बात सुना। टेट्रा हेडर, में आते थे, स्प्लिटिंग बहुत धमाकेदार होती थी टेट्राहेड्रल में केवल चार लिगेंड आते है। स्प्लिटिंग भी कम है तो सबसे पहले लिखा हुआ है कह रहा है इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्मेशन द डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इज इनवर्टेड

E और टी टू जी नहीं लिखते हैं G मतलब G रेट सिमिट्री जो कि टेट्राहेड्रल में प्रेजेंट ही नहीं होती है अब इसकी कैलकुलेशन करने के लिए देखो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए जहां दो डब्बे हैं वहां थ्री बाई फाइव टाइम्स डेल्टाओ करो जहां तीन डब्बे हैं वहां टू बाई फाइव टाइम्स डेल्टा करो टू बाई फाइव और डेल्टा ओ delta लिख रही हूँ डेल्टा टी करो समझ गए ना क्योंकि इसको डेल्टा टी बोलेंगे ना टेट्राहेड्रल uh, फील्ड में डेल्टा टी अब आपको यह भी दिख गया कि डेल्टा टी डेल्टा ओ से कम होता है डेल्टा टी कितना होता है इट इज टाइम्स डेल्टा ओ लगभग आधा होता है डेल्टा टी इज ऑलमोस्ट हाफ एज कंपेयर टू डेल्टा ओ कह रहे कंसिक्वेंटली एनर्जीज आर नॉट सफिशिएंटली लार्ज फॉर फोर्सिंग पेयरिंग आपको पेयरिंग करानी ही नहीं पड़ती एंड देयरफॉर लो स्पिन कॉन्फिगरेशन आर रेयरली ऑब्जर्व्ड कह रहे सब्सक्रिप्ट जी नहीं लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे जी रेड सिमिट्री नहीं होता ये था अबाउट द क्रिस्टल फील्ड थियोरी जो आपको चमक गया होगा अब वो कह रहे कलर के बारे में बात करो देखो कलर कल भी हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कलर सीखा था अब थोड़ा सा और सिखाती हूँ कह रहे कलर होता क्यों है मैंने कहा देखो जब तक कोई लीगेंड नहीं था तो मेरे पांच के पांच डी थे मानते हो ना लीगेंड के आने से मेरे डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए ये समझते हो लीगेंड के आने से मेरे डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए क्योंकि मेरे डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए अब देखो एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो लो डी ऑर्बिटल में था अब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सेप्ट करके हायर ऑर्बिटल में जा सकता है इसी को बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन इसी को क्या बोलेंगे डी डी ट्रांजिशन मगर जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑरबाइटल में चला गया कोई ऐसा तो है नहीं कि वो हमेशा वही रहेगा हायर ऑरबाइटल में अनस्टेबल है वो कम बैक करेगा ग्राउंड स्टेट में इसीलिए जो एनर्जी उसने एब्सॉर्ब करी अगर वो विजिबल रेंज में लाई करती है तो हम कहते हैं कि आपका कंपाउंड कलर्ड होता है तो देखो कह रहे दिस मीन्स दैट सम ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम इज बींग अच्छा यहां से देख लो कह रहे वी लर्न दैट वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज द वाइड रेंज ऑफ कलर दिस मीन्स दैट सम ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम इज बिंग रिमूव्ड फ्रॉम द वाइट लाइट एज इट पासिस थ्रू द सैंपल जब आपने विजिबल लाइट को सैंपल से पास किया तो वाइट लाइट का कुछ पोर्शन रिमूव हो गया सो द लाइट दैट एमरजेज इज नो लॉन्गर वाइट द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कलर विच इज एब भाई अगर किसी कंपाउंड ने ये भी देख लो वी बी जी वाई ओ आर अगर कोई कंपाउंड लाल रंग एब्जॉर्ब करके ऊपर गया है तो आपको वो कंपाउंड हरे रंग का दिखाई देता है लिख रखा है द कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज द कलर जनरेटेड फ्रॉम द देंथ लेफ्ट ओवर इफ ग्रीन लाइट इज एब्जॉर्ब मान लो आपके कंपाउंड ने ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया तो जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो लाल हमें नजर आएगा कह रहा है द कलर इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैन बी रेडिली एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द कॉम्प्लेक्स टाइटेनियम कल ही हमने किया था टी आई एच टू सिक्सिटिव मैंने कहा था वायलेट इज पर्पल कलर का होता है इज वायलेट इन कलर कहा था ना तो लिखो टाइटेनियम क्या होता है टाइटेनियम इज सरस्वती तेरी वंदना थ्री डी टू फोर एस टू टाइटेनियम थ्री प्लस मतलब थ्री डी वन उसके अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है दिस इज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वेयर सिंगल इलेक्ट्रॉन इज थ्री डी थ्री डी वन सिस्टम अगर मेटल डी और बाइटल टी टू जी में था वो ग्राउंड स्टेट में था द नेक्स्ट हाइयर अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रॉन इज एम टी द लाइटिंग टू द एनर्जी ऑफ अब देखो दोबारा बनाओ वी बी जी वाई ओ आर अब देखो अगर वो आपको वायलेटिश नजर आ रहा है तो येलो लाइट को उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा कह रहा तो देखो ब्लू ग्रीन रीजन ये देखो ये ब्लू ग्रीन रीजन से करेगा तो आपको नजर आएगा। तो एनर्जीट अब वायलेट आपको क्लियर दिखता नहीं है इसलिए इन्होंने सामने वाला येलोइ एब्सॉर्ब करने को बोल दिया आप सिंपल सी बात करो अगर ब्लू दिख रहा है तो ऑरेंज एब्जॉर्ब करेगा येलो दिख रहा है तो उसने वायलेट एब्जॉर्ब किया होगा यही कहानी है ना वो ग्राउंड स्टेट में से ऊपर गया फिर वो कम बैक करेगा आगे देखो कह जो भी कलर वलर होता है ना वो बेसिकली लीगेंड के प्रेजेंस में होता है अगर लीगेंड है ही नहीं स्प्लिटिंग होगी ही नहीं लीगेंड है तभी स्प्लिटिंग होगी देखो कह रहा है इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन द एब्सेंस ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डज नॉट अकर एंड हेंस द सब्सटेंस इज कलरलेस कह रहा है फॉर द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम टी आई एच टू सिक्स सी एल थ्री अगर आपने टाइटेनियम के क्लोरो कॉम्प्लेक्स के साथ पानी निकाल दिया ठीक है ऑन हीटिंग वो कलरलेस बन जाएगा सिमिलरली कह रहे हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर का होता है जबकि कॉपर सल्फेट को पानी में डालने से ब्लू कलर का हो जाता है अब वो देखो यही कह रहा है ये ये सवाल ये कलर पेपर में पूछे जाते हैं बच्चा कहता है हमने तो पढ़े ही नहीं ये कम से कम जितने एनसीईआरटी में दे रखे उतने तो पढ़ो देखो कह रहे हैं पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स ये इट निकल टू क्लोराइड बनाता है जब पानी में डिजोल्व किया जाता है देखो समझ ना कह रहे एन आई एच टू ओ सिक्स टू पॉजिटिव हरे रंग का था आपने एक इथिलीन डायमीन डाला तो देखो दो पानी निकल गए कलर चेंज हो गया फिर इसके अंदर एक और इथिलीन डायमीन डाला दो पानी और निकले पर्पल हो गया एक और इथिलीन डायमीन डाला दो पानी निकले वायलेट हो गया कह रहा है कि लीगेंड चेंज करने से लीगेंड चेंज करने से कलर चेंज हो रहा है अब एक और चीज बताती हूँ जो यहां से डिसाइफर होती है देखो अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंग है तो यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां भेजने के लिए हाई एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी हाई एनर्जी एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी मानते हो अगर डेल्टा ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी अब एक बात बताओ देखना जरा वी बी जी वाई ओ आर सुनो सुनो मेरी बात अगर ज्यादा एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी अब मेरे को पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मैंने कहा फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा वी की फिर बी की जी की वाई की ओ की आर की यही होता ना तो अगर वो वायलेट ऑब्जॉर्ब करेगा भाई जिसका डेल्टा बहुत ज़्यादा है वो वायलेट ऑब्जॉर्ब करेगा वायलेट ऑब्जॉर्ब करेगा तो येलो कलर का नज़र आएगा भाई उसने एब्जॉर्ब जो किया वो नज़र कैसे आएगा ये बात सबको समझ आ रही है तो जितना ज्यादा डेल्टा एब्जॉर्ब है ना तो हमें यह पता है कि डेल्टा खैर इतनी ज्यादा जो डिटेल्स होती है वो हम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते हैं बट इसमें हम आपको ये बारी बारी बोलते हैं कि भैया जिसका डेल्टा हो जितना ज्यादा है वो उतनी कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो ये था एक लास्ट छोटी सी चीज इन्होंने दे रखी है कह रहे हैं द कलर्स प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस विद इन डी और बाइटल ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एंड अकर फ्रीक्वेंटली इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड ए एल टू ओ थ्री कंटेनिंग अबाउट जीरो पॉइंट फाइव टू वन परसेंट क्रोमियम थ्री प्लस जो भी डी थ्री है विच आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन पोजिशन नॉर्मली ऑक्युपाइड बाई ए एल थ्री प्लस तो जो रूबी है ना जो आप ये पहनते हैं रूबी वो कैसे होती है उसके अंदर ए एल टू ओ थ्री में कई जगह ए एल थ्री प्लस की जगह क्रोमियम थ्री प्लस होता है Once again, DD transition की से कलर होगा विच ठीक uh, है ना वी मे व्यू दीज क्रोमियम थ्री स्पीशीज एज ऑक्टाहेड्रल क्रोमियम कॉम्प्लेक्सेस इनकॉर्पोरेटेड कॉर्पोरेटेड इन टू एल्यूमिनिया लैटिस डी डी ट्रांजिशन एट द सेंटर गिव राइज टू कलर सिमिलरली कह रहा है एमराल्ड में सीआर थ्री प्लस आइंस ऑक्यूपाई ऑक्टा साइट अभी मैं आपको एक बार बताती हूँ लास्ट ईयर जेई एडवांस में और लास्ट टू लास्ट ईयर ही नहीं आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर एडवांस में और लास्ट ईयर जेई मेन्स में इन्होंने ये, ये सवाल पूछा था कि ये जो मिनरल है बेराइल इसके अंदर क्या क्या होता है अब मतलब बच्चे बेचारे इतने परेशान हो गए करे हमें तो पता ही नहीं है बेराइल हमारे सिलेबस में है ही नहीं मेटलर्जी से क्यों पूछ लेते हैं ऐसे गंदे सवाल अब मैं बता रही हूँ वो सवाल बेचारों ने यहाँ से पूछा कह रहे हैं क्रोमियम एमराल्ड में क्या होता है क्रोमियम थ्री प्लस आयन ऑक्टाहेड्रल साइट इन द मिनरल ये ये रहा BE3, AL2, Si6, O18, ये सिलिकेट है अब इसमें कुछ कुछ जो आपकी साइट है वो सीआर थ्री प्लस ऑक्युपाई कर लेता है द एब्सॉर्पन बैंड सीन इन रूबी शिफ्ट टू द लॉन्गर वेवलेंथ नेमली येलोइश रेड और ब्लू कॉजिंग एमेरॉल्ड टू ट्रांसमिट लाइट इन द ग्रीन रीजन तो हरे रंग का वो हमें दिखाई देता है यही बेराइल का सवाल पूछा था आप मेरे पे विश्वास ना हो एक बार पीवा क्यों उठा लो तो मैक्सिमम टाइम्स जो हम कहते हैं ना सो कॉल्ड की ये रटी हुई चीज कैसे आ गई पता नहीं कहाँ से आ गई है ही नहीं सिलेबस में वो एनसीईआरटी की ही चीजें होती हैं बस वो एक चैप्टर से उठा के दूसरे चैप्टर में डाल के पूछ लेते हैं ठीक है जस्टिस फॉर ट्वेंटी सेवेंथ एंड ट्वेंटी नाइन्थ जय वाले बच्चों के लिए हम अपनी तरफ से है ना मेल वेल जितना कर सकते थे जितनी बात कर सकते थे सब चल रही है सब कर दिया अब आ, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं ठीक है बस मुझे ये पता है कि उस जस्टिस के कर, जस्टिस के चक्कर में मिले मैं खुद चाहती हूँ कि बच्चों के साथ सही होना चाहिए बट ऐसे ना हो कि उसकी मांग करने के चक्कर में तुम अपना सेकेंड अटेम्प्ट गवा दो क्योंकि जिनके अगेंस्ट बोल रहे हैं है ना वो लिटरली चीजों को कंसीडर ही नहीं करते हैं एंड मुदतें लग जाती है चीजों को कंप्लीट होने में डेफिनेटली फाइट करना अच्छी बात है उसके लिए आई टोटली अग्री बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस तो ये कहानी थी हमारे सी एफ टी की अब एक लास्ट है. है कि सी एफ टी की लिमिटेशन बता दो चार्जेस इट फॉलोज दैट एनाइनिक लीगेंट शुड एक्सर्ट ग्रेटर स्प्लिटिंग इफेक्ट

बट बेचारे सारे ही वीक फील लीगन है कह रहा जो उसने कहा वो खुद से ही कॉन्ट्राडिक्ट uh, करने बैठ गया है ठीक है वो जो कहा वही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फर्दर इट डेक इन टू अकाउंट द कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन लीगन एंड सेंट्रल एटम इसने तो बोल दिया कि बिल्कुल प्योर आयनिक बॉन्डिंग होगी ऐसा नहीं है देर आर समीकनेसेज ऑफ सी एफ टी जो एल और एमओ ठीक करती है बट एल और एमओ अपने सिलेबस में नहीं है अब हमारा जो आखिरी टॉपिक बचता है वो है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। ये इतना प्यारा टॉपिक है होता क्या है बच्चे के लिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मतलब VBT बी बात खत्म हद हद कई बच्चे कोऑर्डिनेशन में VBT CFT के साथ नर्स पढ़ लेते हैं फिर कहते हैं बात खत्म कई आई भी पढ़ लेते हैं फिर कहते हैं बात खत्म लास्ट तक तो बहुत कम बच्चे पहुंचते हैं ठीक है जैसे तुम देख भी रहे हो शुरुआत में सारे बच्चे सब कुछ करना चाहते हैं जब जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता है ऐसे थक जाते हो कि लास्ट तक तो तुम पहुंचते ही नहीं हो और जैसे ही तुम ये टॉपिक छोड़ते हो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स और उससे भी गंदा टॉपिक ये एप्लीकेशन जैसे ही तुमने ये लास्ट पन्ना छोड़ा नहीं तुम्हारा पेपर में सवाल गलत हुआ नहीं तो ये टॉपिक जरूर करने हैं सामने देखिए कह रहे मेटल कार्बोनिल्स क्या है तो सबसे पहले द होमोलिप्टिक कार्बोनिल्स कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनिल कार्बोनिलीगेंट ट्रांशन मेटल मेरे पास एक ट्रांसिशन मेटल है और उसके आजू बाजू हमारे पास कार्बोनिलोपाउंड ग्रुप, ग्रुप तो हम को मेटल कार्बोनिल कहते हैं जैसे हमारे पास चार पांच एग्जाम्पल है ये जो भी लिख रखा है मैं इसमें से समझाने की कोशिश करती हूँ सबसे पहले मेरे पास एक मेटल कार्बोनिल है एनआईसी पढ़ाया था वी के अकॉर्डिंग की दिस इज एस थ्री हाइब्रिडाइज sp3 हाइब्रिडाइज है टेट्राहेड्रल है निकल आपको दिख रहा है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में फिर मेरे पास है एक FeCO5 अभी भी मुझे आयन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में ही नजर आ रहा है आप देखो हर जगह सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है जितनी एनसीईआरटी में दे रखे हैं सबकी सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है तो FeCO5 पे एक Fe है पांच CO लगे हुए हैं ट्राइगोनल बाइपिरमिडल की शेप में उसके बाद है मेरे पास सी आर सी ओ सिक्स क्रोमियम वन सेगैन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में एक क्रोमियम को छ सी ओ जुड़े हुए हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड में अब ये दो हमारे से पेपर में बहुत पूछे जाते हैं पहला है एम एन टू सी ओ टेन में एक बात बताती हूँ एक टॉपिक होता है जिसको हम इफेक्टिव अटोमिक नंबर बोलते हैं खैर वो हमारे यहाँ पर एनसीआर टी में गिवन ही नहीं है अगर मैं एम एन सी ओ फाइव से पूछूँ भैया तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है तो कह रहा है देखो भाई पच्चीस तो मेरे खुद के हैं पांच सीओ है हर सीओ दो दो इलेक्ट्रॉन देगा तो मेरे पास कुल मिला के पैंतीस इलेक्ट्रॉन है क्या रहे यार मुझे पैंतीस इलेक्ट्रॉन कद ही पसंद नहीं है मैं तो यार छत्तीस बनाना चाहता हूँ नोबल गैस बनाना चाहता हूँ तो हमने कहा एक और एम को आ जा भाई मैंने दोनों एम को कहा चलो आपस में एक एक बॉन्ड बना लो मेटल मेटल बॉन्ड बन गया मैंने कहा कि भाई मैंगनीज तुम्हें टोटल कुल मिला के बॉन्ड बनाने हैं तुम्हें कुल मिला के बॉन्ड बनाने हैं तो अब तुम्हारे पास टोटल दस सीओ हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस तो ये स्ट्रक्चर बन गया एम एन टू सीओ टेन सिमिलरली CO2CO8 टू सीओ एट में आपको कोबाल्ट कोबाल्ट का बॉन्ड बनाना है जो बीच वाला सीओ होता है इसको बोलते हैं ब्रिजिंग लीगेंट क्या बोलते हैं ब्रिजिंग सीओ और जो साइड वाले होते हैं इनको बोलते हैं टर्मिनल सीओ टर्मिनल कार्बन मोनोऑक्साइड एक होता है ब्रिजिंग एक होता है टर्मिनल सीओ मैम आप मुख्ती बात यह बताओ कि मेटल कार्बन आखिरकार बनते कैसे हैं मैंने कहा ध्यान से सुनो। मेरे पास एक मेटल है मेटल के पास कुछ एम टी और बाइटल है और मेरे पास सीओ है सीओ के पास कुछ फील्ड और बाइटल है जेन्युइन सी बात है सीओ आएगा अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना चाहेगा मेटल के साथ मैंने कहा सही बात है कौन सा बॉन्ड बना सिग्मा बॉन्ड देखो कह रहा है द मेटल कार्बोनिल बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल के अंदर सिग्मा और पाई कैरेक्टर दोनों होते हैं द एमसी सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द कार्बोनिल कार्बन इनटू अ वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल सीओ ने अपने लोन पेयर मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल को देख के पाई सिग्मा बॉन्ड बनाया मेटल ने कहा यार तू मेरी इतनी मदद कर रहा है क्यों ना मैं तेरे लिए सोचू मेटल ने कहा मेरे पास मेरे कुछ फिल्ड डी और बाइटल है ने क्या कहा तो मेरे पास एम टी पाई स्टार और बाइटल भी है मेटल ने कहा तू चिंता मत कर मैं अपने फिल्ड डी और बाइटल से तेरे एम टी पाई स्टार और बाइटल में इलेक्ट्रॉन दूंगा तो अब मैं तेरे साथ पाई बॉन्ड भी बनाऊंगा तो देखिए कह रहा है द मेटल कार्बोनिल मेटल कार्बन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ फिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल इनटू द वेकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोक्साइड ये जो लेन देन वाला रिलेशनशिप होता है एक हाथ से वो ले रहा है एक हाथ से दे रहा है इसको बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट और देखो पहले पहले क्या होना चाहिए था हमारे अकॉर्डिंग एम और सी का बॉन्ड जो है केवल सिग्मा होना चाहिए था मगर अब क्योंकि मेटल अपने इलेक्ट्रॉन सी सीओ को दे रहा है तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर भी आ गया जिसकी वजह से आपका जो बॉन्ड है मेटल कार्बन का कार्बन का जो बॉन्ड है वो स्ट्रेंदन हो गया वो स्ट्रॉन्ग हो गया अब अगर मैं एन की बात करूं इन्होंने इससे ज्यादा कुछ नहीं दे रखा बट येस yes, अगर मैं मेन्स की नीट की या एडवांस की बात करती हूँ देर आर अदर थिंग्स जो हमें पढ़नी होती हैं कि फ्रीक्वेंसी पे क्या असर होता है सी की बॉन्ड लेंथ पे क्या असर होता है मेटल कार्बन का बॉन्ड कैसे चेंज होता है सिमिलरली ये जो पीछे मैंने कलर वाला कराया था इन्होंने ऊपर ऊपर की चीज़ दे रखी मैंने ऊपर ऊपर से जितना दे रखा उतना समझा दिया एनसीआर के अकॉर्डिंग बट हाँ अगर कभी मेरे से डिटेल में सीखोगे तो मैं बताऊंगी कि क्यों इथिलीन डायमीन डालने से आपका कलर पर्पल की साइड जाता जा रहा है क्यों कलर डार्क हो गया इंटेंस हो गया ये सारी चीजों के आंसर्स हैं बट वही है कि अभी पहले एनसीआरटी पे फोकस करते हैं कि एनसीआरटी से किस तरीके के सवाल बनते हैं कभी डिटेल में जब पर्टिकुलरली पढ़ाऊंगी तो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी जो कहोगे वो सब पढ़ाया जाएगा मगर अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन चीजों की डिटेल करने के चक्कर में जो एनसीआरटी की डायरेक्ट चीजें हैं वो छोड़ जाओ वो तो बिल्कुल अलाउड नहीं है अब मैंने कहा था ना तुम में से कई बच्चे इतनी हिम्मत मार के यहां तक पढ़ लेते हैं फिर वो यहाँ नहीं पहुँचते तो यहाँ तो पहुँचना ज़रूरी है जहाँ इतनी मेहनत करिए वहाँ दस मिनट और मेहनत करनी चाहिए इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉर्डिनेशन कंपाउंड मतलब मुझे पता है कि तुम चाहते हो ये ना पूछा जाए मगर तुम्हारे ना चाहने के बावजूद भी पेपर में ये सवाल पूछे जाते हैं एप्लीकेशन वाले पार्ट आजकल बहुत फेमस है तो आने चाहिए कह रहे कई बार जो कॉर्डिनेशन कम्पाउंड होते हैं वो क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव केमिकल एनालिसिस में काम आते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जैसे ईडीटीए, डीएमजी, टी ए डाई मिथाइल एल्फा नाइट्रोसो बीटा नेप्थोल क्यूप्रोन ये कुछ काम ऐसे इनसे क्या सवाल मतलब नॉर्मली बता रही हूँ कि ये कुछ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस में काम आते हैं ये सवाल पेपर में ना जाने कितनी बार आया है कह रहे हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय सिंपल टाइट्रेशन विद ईडीटीए अगर पानी की हार्डनेस कैल्शियम टू प्लस मैग्नीशियम टू प्लस को आपको पता करना है कि कितने कैल्शियम टू प्लस मैग्नीशियम टू प्लस है आप ईडीटीए डालो ईडीटीए कैल्शियम मैग्नीशियम को पकड़ के रख लेगा टाइट्रेशन करोगे आपको पता चल जाएगा आगे कह क्या गोल्ड फॉर एग्जाम्पल कंबाइन विद साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गोल्ड की साइनाइड के साथ रिएक्शन कराओ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन एंटिटी

अब एक और चीज देखो कह रहे द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम हीमोग्लोबिन जो रेड कलर की पिगमेंट होती है ब्लड की विच इज ऑक्सीजन कैरियर इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन विटामिन बी ट्वेल्व इज साइनोकोबाल कोबाल अमीन मैंने कहा था ना कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स होता है द एंटी पर्निशियस एनीमिया फैक्टर इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट कह रहे हैं अमंग अदर कंपाउंड्स ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस विद अ कोऑर्डिनेटेड मेटल आयन दीज आर एंजाइम्स कुछ एंजाइम्स हैं जैसे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हो गया कार्बोनिक एनहाइड्रेज हो गया दीज आर कैटलिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम खैर अभी तक यहाँ से बहुत सारी बार सवाल पूछा गया है कह रहे हैं कुछ एग्जाम्पल जैसे रोडियम का कॉम्प्लेक्स ये अभी इसी साल पूछा गया है जेई के पेपर में इसी साल रोडियम का जो क्लोराइड है इसको विल्किसन कैटलिस्ट बोलते हैं ये एल्कीन की हाइड्रोजनेशन में यूज होता है आर्टिकल्स कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ सिल्वर और गोल्ड है ना कई बार हमें जैसे नकली की घड़ी पे गोल्ड की परत लगानी सिल्वर की परत लगानी बहुत आसानी से आप कर सकते हो यू कैन यूज ए जी सी एन ट्वाइस माइनस ए यू सी एन ट्वाइस माइनस फ्रॉम देन फ्रॉम एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ मेटलाइन भाई अगर साइनाइड के कॉम्प्लेक्स के थ्रू कराते हो तो काम आसान हो जाता है कह रहे हैं द डवलप फिल्म इज फिक्स्ड बाय वॉशिंग इनटू हाइपो व्हिच डिजोल्व द अन डिकम्पोज ए टू फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स ये फोटोग्राफी का सवाल पूछा जाता है ये सारी जो डिटेल है वो एडवांस के लिए होती है बट कभी कभी वन मार्कर में या सिंपल एमसीक्यू में ये सवाल पूछे जाते हैं अब ये इंपॉर्टेंट है ये पूछा गया है कह रहा है कई बार जैसे आपकी बॉडी में कुछ हैवी मेटल चला जाता है कुछ पॉइजनस मेटल चला गया क्या ना द ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉब्लम कॉज्ड बाई द प्रेजेंस ऑफ मेटल इज इन टॉक्सिक प्रपोर्शन इन प्लांट्स या एनिमल सिस्टम तो एक्सेस ऑफ कॉपर या आयर आर रिमु बाई चीलेटिंग लीगेंट्स मतलब हम एक चीलेटिंग लीगेंट डाल देते हैं ठीक है डेस फेरोक्साइम बी बाई द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्डिनेशन कंपाउंड ईडी टी एज यूज फॉर लेड पॉइजनिंग लेड की पॉइजनिंग के लिए हम ईडी टी ए वगैरह का यूज करते हैं ये था ठीक है ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो मैंने आपके साथ बहुत मतलब बहुत डिटेल में कंप्लीट किया देखो मैंने आज का सेशन इस तरीके से प्लान किया था कि कोऑर्डिनेशन में कई बच्चों को ना थियोरी से बहुत डर लगता है आपको थ्योरी ही नहीं आती है तो आप क्वेश्चन कभी करते ही नहीं हो जैसे वी मैं आपको बताती हूँ वी में कई बच्चे बोलते हैं कि VBT में तो जब तक डेटा नहीं होगा ना हम क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे तभी मैंने आज आपको VBT का पूरा शॉर्टकट सिखाया अब देखो मेरी इतनी मेहनत का और तुम्हारी भी इतनी मेहनत का फायदा सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब तुम खुद से बैठ कर कम से कम ये जो क्वेश्चन हमने किरे लास्ट वाले ये जो क्वेश्चन हैं इनको एक बार करोगे जो सिंपल हैं वो तो तुम फटैक से कर सकते हो बट ये जो ये थे आइसोमर जैसे ये आइसोमर बनाना इन सब के आइसोमर सारे के सारे बनाना इनकी बॉन्डिंग डिस्कस करना जैसे ये अभी मैंने कराया अभी ये इंपॉर्टेंट है ये मैंने कराया ये इंपॉर्टेंट है ठीक है ये जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आयो लिखना इनका मैग्नेटिक मोमेंट लिखना तो ये अपने आप में इतना कुछ है ठीक है अपने आप में ये इतना कुछ है अब ये जो सवाल आपको दे रखा है

बगर करना पड़ेगा अब आप ये करो कि भाई हम क्यों करें आपने थ्योरी सिखा दी हमारा एनएफ हो गया तो कुछ नहीं हुआ है ना कुछ भी नहीं हुआ अगर तुमने ये तीन साढ़े तीन घंटे की थ्योरी देखी ये सब जीरो हो जाएगा अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे मैं बहुत ही क्लियरली बोल देती हूँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो करने के बाद जो डाउट आता है डिस्कस इट विद मी मैं खुद कोशिश करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके साथ आपके साथ डिस्कस करूं बट जब तक तुम नहीं करोगे तब तक सब बर्बाद है ठीक है चलिए अरे यार एक बार थैंक यू तो बोल दिया करो कि ये करा दिया अभी ये खत्म ही नहीं हुआ कि केमिकल काइनेटिक्स चालू कर दिया कराऊंगी कहीं नहीं भागी जा रही हूँ कराऊंगी ठीक है हाँ तो सब कराया जाएगा तुम चिंता मत करो तो हमने क्या कहते हैं टोटल हमारे दस चैप्टर थे एनसीआरटी के अकॉर्डिंग टू रिवाइज एनसीईआरटी ठीक है तो उसमें से नौ चैप्टर्स करा दिए हैं अब मेरी साइड से थोड़ा सा काम बचा है विच इज केमिकल काइनेटिक्स एंड बैटरी बैटरी में कल फिर भूल गई थी मतलब मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी ये जो यही एडवांस वाला बैच है उन बच्चों की डीपीपी वगैरह रिकॉर्ड करने में टाइम चला गया तो मेरे दिमाग से फिर उतर गया तो एक बैटरी डलवा दूंगी ठीक है और एक, एक केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर बचा है वो भी हम कर लेंगे ठीक है इज़ वोड्स टू नॉट फ्री फॉर कॉम्बो बैच वोट्स टू विल भी फ्री फॉर कॉम्बो बैच बट वोड्स टू की जो टेस्ट होंगे वो तीन मार्च से शुरू होंगे तो अगर अभी ऐप में नहीं दिख रहे तो घबराओ मत वो तीन मार्च को आपको एक्सेस मिल जाएगा ठीक है मैम मैम विल दिस टेक मोर देन फाइव आवर्स वॉट विल टेक मोर देन फाइव आवर्स अगर इसको अगले तुम दो घंटे भी लगाते हो मैं कह रही हूँ वो वर्थ इट है नॉट वर्थ इट जस्ट बिकॉज कि आपके बोर्ड्स में काम आ जाएगा वर्थ इट बिकॉज अगर ढंग से किया ना वो जेई में या नीट में जिसके भी तुम तैयारी कर रहे हो उसमें काम आ जाएगा मैं सही कह रही हूँ एनसीआर को डिग्रेडेड बुक मानना बंद करो और इसको सॉल्व करो सोल्व करोगे ना काफ़ी सारी चीजें क्लियर हो जाती है काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं करने बैठो करोगे तो मजा आ जाएगा ठीक है चलिए सो आई थिंक दैट इज एडवांस के लिए इनऑर्गेनिक कैसे पढ़ू याद ही नहीं रहता एडवांस के लिए इनऑर्गेनिक देखो इनऑर्गेनिक करने का बेस्ट तरीका होता है लिख लिख के पढ़ाई करो और अपने दोस्तों के ना दोस्तों को पका दिया करो इतना समझाओ इतना समझाओ अपने दोस्तों को कि वो पक जाए कोई भी निमोनिक है पहले अपने दोस्त को सिखाओ कि आ भाई तेरू ये मत सोचो कि यार मेरे को आता है है ना तो इसको आ जाएगा तो फिर मेरा मतलब ये तो मेरा कॉम्पिटिटर है इसका ज्यादा फायदा हो जाएगा कुछ नहीं है तुम जब अपने दोस्त को समझाओगे वो दो चीजें तुम्हें बताएगा तुम पांच चीज उसको बताओगे तो तुम्हें पता चलेगा यार मेरे को पांच में से केवल तीन ही याद है फिर दो को समझाने के लिए तुम अपनी नोटबुक खोलोगे इसी पूरे प्रोसेस में आप चीज याद करते हो ठीक है तो ये चीजें मैटर करती हैं ठीक है चीके? हाँ चलिए सो आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे सेशन आई होप आज का सेशन आप सब बच्चों को बहुत ही प्यारा लगा होगा अगर आपको सेशन अच्छा लगा है डू मेक श्योर आप इस सेशन को लाइक कर दीजिए एंड जल्दी से द नेक्स्ट टारगेट इज वी वॉन्ट ट्वेंटी के वी सी टू बी यू नो विद अस ऑन दिस चैनल तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है दैट इज फॉर ट्वेंटी के वीसीएन सो so, जल्दी जल्दी है ना बीस हजार वी को हम इस चैनल पे जोड़ देंगे ठीक है चलो सो थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय